नमस्कार देवी दोस्तों, जिन्हों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम है राज और दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके साथ लाइव। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि एक तरफ है यहां पर डमला की टीम, तो दूसरी तरफ है दोस्तों गिल्ले टाइटंस। गिल्ले टाइटंस के कप्तान दर्शन शंका हैं और डमला के कप्तान दोस्तों यहाँ पर कुशल मेंडिस हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ डमला टीम के बारे में, तो डमला टीम के जो कप्तान हैं कुशल मेंडिस, तो उनके अंगूठे में चोट के कारण पिछले मैच वो नहीं खेल पाए थे, उनको रेस्ट दिया गया था। तो हम चाहेंगे कि दोस्तों वो जोर से रिकवरी करके इस मैच में हमें खेलते हुए दिखें और बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होगा दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर गिल्ले टाइटंस के कप्तान और डमला के कप्तान के बीच, और आपको बता दें कि श्रीलंका प्रीमियर लीग का ये यहाँ पर आखिरी चरण आ चुका है। पहला क्वालिफायर आज है, फिर जो यहाँ पर एक एलिमिनेटर खेला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वालिफायर है। और देखना होगा कि दोस्तों कौन सी टीम इस मैच को यहाँ पर बाजी करती है। और फिर 19 तारीख को हमें देखने को मिलेगा क्वालिफायर टू, 20 तारीख को दोस्तों देखने को मिलेगा जो फाइनल मैच। और देखना होगा कि दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट क्वालिफायर में कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारती है। मगर उसी से पहले दोस्तों उस टीम के साथ जुड़ जाइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। दोस्तों कोई भी सवाल हो अगर मैच से जुड़ा हुआ तो हमारे साथ दोस्तों शेयर करते रहिए। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि इस मैच में हम बात करेंगे दोस्तों पॉइंट की, यहाँ पर कुछ खास जो पॉइंट टेबल है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा, मगर यहाँ पर पॉइंट टेबल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मगर दोस्तों बात करें अगर मैं इस मैच की, तो ये मैच दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मगर एक इम्पॉर्टेंट आज मैं आपको दोनों मैचों के बारे में दोस्तों पोटेंशियल दूंगा। दोनों मैच दोस्तों मैं बताऊंगा कि आज कौन सी टीम जीतेगी। और दिल खोल कर दोस्तों पहली बॉल से आखिरी बॉल तक जितना आपको पैसा लगाना है दोस्तों लगा दीजिए। मगर दोस्तों बता दें कि जो टीम बताएगी उसी टीम के साथ रहेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वेन्यू स्टेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर तेज गेंदबाज स्पिन गेंदबाज कंपेरिजन के बारे में बात करेंगे कि कौन से किस टीम डमला के यहाँ पर तेज गेंदबाज अच्छे हैं, या फिर यहाँ पर गिल्ले टाइटंस के यहाँ पर तेज गेंदबाज या स्पिन गेंदबाज के गेंदबाजी अच्छी है, वो उसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर पिच रिपोर्ट है दोस्तों, और यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट है, वेन्यू स्टेट है, यहाँ पर तेज गेंदबाज स्पिन गेंदबाज मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि मैंने यहाँ पर सब एक अपडेट निकल के आई है कि यहाँ पर पहले जो पहला मैच है, पहला क्वालिफायर है, उसमें कौन सी टीम बाजी मारेगी, कौन सी टीम दोस्तों यहाँ पर पहले मुकाबले को जीत दर्ज करेगी। और उसी के साथ में अगर मैं बता देता हूँ तो दोस्तों जुड़ जाएगा हमारे साथ इस मैच में, और अपने दो मैच से जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल है दोस्तों तो भेज करिएगा। और आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर मैच बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप प्लेइंग 11 पर नज़र बना के रखिए। प्लेइंग 11 पर दोस्तों अगर आप देखने आप नज़र बनाएंगे तो आपको डमला की जो टीम है वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगी। डमला की टीम ने यहाँ पर 8 मुकाबले खेले हैं, 8 में से यहाँ पर 6 जीत दर्ज करी हैं, 2 हार दर्ज करी हैं और एक भी दोस्तों ड्रॉ मुकाबला नहीं रहा है इस मैच में। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों श्रीलंका प्रीमियर लीग में, और उसी के साथ में 12 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर हैं। और आपको देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों पिछले मैच में यहाँ पर देखिए गिल्ले टाइटंस और कोलंबो के बीच दोस्तों मैच था, तो यहाँ पर गिल्ले टाइटंस 5-4 नंबर पर थी, मगर यहाँ पर गिल्ले टाइटंस ने यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैच को खेला, जिसके कारण उनका रन रेट काफ़ी अच्छा रहा और वो पहुँच चुके थे यहाँ पर दूसरे पायदान पर। क्योंकि बता दें कि यहाँ पर वी लव कैंडी भी यहाँ पर दूसरे पायदान पर थी, मगर यहाँ पर गिल्ले टाइटंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से कम 12 ओवर रहते दोस्तों यहाँ पर कोलंबो के सामने जीत दर्ज करी थी, वो भी यहाँ पर 8 विकेटों से। तो यहाँ पर गिल्ले टाइटंस का जो यहाँ पर रन रेट है वो वी लव कैंडी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया था। और उसी के साथ में दोस्तों बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर डमला की टीम के बारे में बात कर चुका हूँ, गिल्ले टाइटंस की टीम दोस्तों आज 8 मुकाबलों में से 4 यहाँ पर जीत दर्ज करी हैं, 4 हार भी ली हैं और करंट रन रेट दोस्तों यहाँ पर वी लव कैंडी जाफना किंग्स से काफ़ी बेहतर रह चुका है। और उसी के साथ में हम बात करें दोस्तों वी लव कैंडी की, तो वी लव कैंडी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उनका सिलसिला शुरू हुआ था वो उतना अच्छा नहीं शुरू हुआ था, और बीच में तो बीच के मैच थे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 3 मैचों से यहाँ पर थर्ड मैच से लेकर दोस्तों बता दें कि 6 मैचों तक जो सिलसिला था लगातार इन्होंने जीत के साथ जीत दर्ज करी थी, उसके बाद लास्ट के 2 मैच यहाँ पर हार गए थे वी लव कैंडी। तो उनका जो यहाँ पर जो पटरी की यहाँ है वो दोस्तों लाइन से जरूर रुक रही है, मगर चाहेंगे कि वी लव कैंडी आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज जरूर करे। और उसी के साथ में दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर जाफना किंग 14 नंबर पर यहाँ पर तैनात है। और वील अगर कोलंबो की बात करें तो कोलंबो की टीम एक बार दोस्तों फिर से यहाँ पर नाकाम रही पिछले साल की तरह, जैसे पिछले साल में दोस्तों कोलंबो की टीम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो इस बार भी दोस्तों क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, तो पहला क्वालिफायर यहाँ पर डमला और गिल्ले टाइटंस के बीच ये खेला जाएगा, तो आपको ये नज़र बना के रखनी होगी दोस्तों
यहाँ पर है कि अगर जो भी टीम यहाँ से इस मैच को जीतेगी वो सीधे दोस्तों फाइनल में पहुँच जाएगी, और जो भी दोस्तों यहाँ पर मैच को दोस्तों हार जाएगी वो यहाँ पर सेकेंड जो एलिमिनेटर हो यहाँ पर एलिमिनेटर खेला जाएगा उसके यहाँ पर विजेता के साथ होगा। मान लीजिए दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गिल्ली टाइटंस मैच को हार जाती है, डबला की टीम को हार जाती है, तो वो यहाँ पर रुक जाएगी। उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वील ऑफ कैंडी और जाफना किंग्स में से दोस्तों जो भी इस मैच को जो यहाँ पर हार जाता है वो चला जाएगा यहाँ पर बाहर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर टॉप टू टीमों के पास यहाँ पर एक एक बता दें कि एक एक जीवन दान और है। अगर पहला मैच को अगर हार जाते हैं तो उनके पास दोस्तों बता दें कि एक जीवन दान और है, मगर यहाँ पर तीसरी और चौथी जो टीम है वील ऑफ कैंडी और जाफना किंग्स उनके पास यहाँ पर कोई भी मौका नहीं है, सिर्फ लास्ट मौके के अलावा। तो यहाँ पर देखना होगा कि जो कि आखिरी मुकाबला है यहाँ पर जो कि शाम के 7:30 बजे एलिमिनेटर मुकाबला है, देखेंगे कि उसमें कौन सी टीम बाजी मारती, क्या वील ऑफ कैंडी या फिर जाफना किंग्स बाजी मारेगी। और इसी के साथ दोस्तों पॉइंट टेबल आपको दिखा दी है, पॉइंट टेबल को दोस्तों बता दें कि आप रन रेट देख लीजिए, उतना इसमें कुछ खास अब रहने वाला नहीं है क्योंकि डब्ल्यू की टीम गिल्ली टाइटंस की टीम वील ऑफ कैंडी की टीम जाफना किंग्स की टीम दोस्तों बता दें कि चारों टीम यहाँ पर क्वालीफाई हो चुके हैं। और जो जो बाहर हुई वो यहाँ पर बाबर आजम की टीम है दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स, वो बिल्कुल बाहर हो चुकी है। और इसी समय दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो मैं देखने को मिला है पॉइंट टेबल, यहाँ पर पॉइंट टेबल दोस्तों आपको बता दी है। और उसी समय दोस्तों बता दें कि यहाँ पर चलिए अब हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपने नज़र बना के रखी होगी दोस्तों पिछले मैच का, अगर आप लोगों ने पिछले मैच को अगर ध्यान से देखा होगा तो पिछले मैच में दोस्तों फर्स्ट जो भी टीम ने दोस्तों टॉस को जीता था तो उसने दोस्तों यहाँ पर टॉस को जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का मौका लिया था। उसी के साथ में ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आपको टोटल जानकारी देते हैं। तो दोस्तों बता दें कि ये यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम है कोलंबो का, ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है जो श्रीलंका के सबसे यहाँ पर बड़े बड़े मैदानों में से एक यहाँ पर मैदान है, और काफ़ी अच्छे मैच यहाँ पर होते हैं, लगातार दोस्तों मैच होते रहते हैं। और यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग के शुरुआती 5 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए थे, उसके बाद लगातार दोस्तों जब अंतिम चरण आया है यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग का तो उसमें दोस्तों हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टोटल मैच इस ग्राउंड में प्रेम सदा स्टेडियम कोलंबो में दोस्तों ये मैदान है, और टोटल इस ग्राउंड पर टोटल दोस्तों मैच यहाँ पर 35 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। उस 35 मैचों में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर 18 बार मुकाबले को जीती है, और सेकंड में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो सेकंड में यहाँ पर बैटिंग करती है वो दोस्तों यहाँ पर 17 बार इस यहाँ पर मुकाबले को जीती है। और अगर मैं ड्रॉ की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ड्रॉ दोस्तों नहीं देखने को मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एवरेज की, अगर मैं एवरेज अगर पिच की इस ग्राउंड की अगर मैं एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों स्कोर यहाँ पर रहता है 147 का एवरेज रहता है। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जाफना किंग्स ने ज़रूर बनाया था, और वहीं लोएस्ट स्कोर यहाँ पर डबला की टीम ने यहाँ पर गिल्ली टाइटंस के सामने बनाया था। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कि गिल्ली टाइटंस का जो यहाँ पर पड़ला है वो भारी है यहाँ पर डबला के सामने, तो देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर गिल्ली टाइटंस यहाँ पर डबला की टीम को गिल्ली टाइटंस के गेंदबाजों से बच के ज़रूर रहना पड़ेगा भाई लोगों। और इसी समय इस टीम के साथ जुड़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और मैच से जुड़े हुए दोस्तों कोई भी सवाल है तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताते रहिएगा। और आप लोगों की क्या राय है इस ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में, और अब आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी समय दोस्तों मैं बात कर देता हूँ कि कितनी बार यहाँ पर 150 का स्कोर बना है, 18 बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 150 प्लस स्कोर बनाया है इस पिच इस ग्राउंड पर। अगर स्कोर बिटवीन की अगर मैं बात करूँ तो 150 से लेकर 169 तक तो 6 बार बना है, और वहीं स्कोर बिटवीन या 170 से 190 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दोस्तों बता दें कि 7 बार बना है। और वहीं दोस्तों अगर 190 के प्लस की मैं बात करूँ तो 190 की प्लस में यहाँ पर 4 बार बना है। और दोस्तों बता दें कि जब जब 190 बनता है ना भाई तब तक 200 रन चेस हो जाता है। बता दें कि यहाँ पर 190 4 बार बना है, तो 4 बार में से दोस्तों 3 बार यहाँ पर जो कि चेस्ट हुआ है। तो हम जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये पिच भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, मगर कहीं ना कहीं दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर जो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोनों टीमें चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इस मैच को जीते और अपना यहाँ पर सुरक्षित चली जाए यहाँ पर फाइनल में, मगर देखना होगा। और इसी साथ दोस्तों बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करनी है, मगर दोस्तों बता दें कि अगर आपने जो कि 15 तारीख को जो यहाँ पर मुकाबला हुआ था तो आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपको देखने को मिलेगा जो पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम
होती है ना दोस्तों, वो उतने रन यहाँ पर कुछ ज़्यादा रन नहीं बना पाई थी। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि, अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो यहाँ पर 15 तारीख को मैच हुआ था दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स और गिले टाइटंस का, तो यहाँ पर पिच की कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स की गलती है, उनके बल्लेबाजों की गलती है दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर 74 रन पे 10 विकेट गिरा दिए थे यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स ने, अपने यहाँ पर विकेट दे दिए थे गिले टाइटंस के गेंदबाजों को। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों बेकार है, पिच बेकार नहीं है, कोलंबो स्ट्राइकर्स की यहाँ पर बल्लेबाजी बेकार थी, जिसके कारण यहाँ पर जो कि 10 विकेट चले गए। अगर उसके जवाब में गिले टाइटंस ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया और 8 ही ओवर में उन्होंने 74 रन बना दिए थे, तो यहाँ पर उनकी पिच की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर जो गलती है दोस्तों वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर गेंद बल्लेबाजों की गलती है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये पिच दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अनुकूल साबित हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात कर लेती है, आप चलिए यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों बता दें कि आप अपने नाम को दोस्तों व्यस्त रहिएगा और आप इस मैच को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों वो भी बताते रहिएगा, और अपने दोस्तों बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। यूनिक आज उसका नाम है, मेरा नाम है दोस्तों राज और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो पिच रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। तो दोस्तों ये पिच रिपोर्ट एक्सपर्ट के द्वारा निकल के आई है, इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम यहाँ पर कोलंबो की ये पिच है। इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग एवरेज 147 प्लस का रहता है और प्रेम सदा स्टेडियम कोलंबो यहाँ पर इस पिच पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है। और जो भी दोस्तों इस यहाँ पर टॉस को यहाँ पर जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पर निर्णय लेती है, और निर्णय के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मैच को भी अपने नाम करती है। और उसको दोस्तों बता दें कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि अगर ड्रीम इलेवन टीम अगर आप बनाते हैं दोस्तों, ड्रीम इलेवन टीम पर आप दोस्तों बता दें कि तेज गेंदबाजों को बिल्कुल आप रख सकते हैं। और कुछ तो ज़्यादा कर पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जब कोलंबो स्ट्राइकर और गिले टाइटंस की, यहाँ पर गिले टाइटंस के यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों जहाँ पर विकेट गिरे लिए थे वो यहाँ पर जो कि तेज गेंदबाजों ने लिए थे दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बल्ले गेंदबाजी करी थी गिले टाइटंस ने। यहाँ पर गिले टाइटंस की जो अगर मैं बात करूँ दोस्तों गिले टाइटंस की, तो अगर मैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में दोस्तों बता दें कि अगर मैं इस 2023 की अगर मैं पूरा सीज़न उठा के देखूँ, तो सबसे तगड़ी जो यहाँ पर गेंदबाजी रही है तो वो वी लव कैंडी, उसके बाद दोस्तों बता दें दोस्तों यहाँ पर गिले टाइटंस की रही है। दोस्तों बता दें कि गिले टाइटंस की जो यहाँ पर बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत ही सॉलिड है, तो हम कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर गिले टाइटंस की गेंदबाजी से बच के रहना होगा डम्बला की टीम को। और इस गेंद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है इस पिच पर, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। ये आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर साफू इस्लाम ने दोस्तों यहाँ पर 3 विकेट लिए थे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों साफू इस्लाम ने 3 विकेट लिए थे, और उसी क्षण में दोस्तों महस पथराना ने भी दोस्तों यहाँ पर 2 लिए थे विकेट उसी क्षण में। दोस्तों अगर मैं बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर गिले टाइटंस की अगर मैं गेंदबाजी के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, गिले टाइटंस की आपको नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पर कसुम राजस्थान ने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे, लहरू कुमारा ने 2 विकेट निकाले थे। और उसी के साथ में दोस्तों अगर मैं बताऊँ यहाँ पर परसराना ने 3 विकेट निकाले थे, और तेवाज शमसी ने यहाँ पर जो कि स्पिन गेंदबाजी है दोस्तों उन्होंने 4 विकेट निकाले थे इस पिच पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कि सिर्फ और सिर्फ तेज गेंदबाजों को ही मौका मिल सकता है, मगर यहाँ पर जो कि मौका दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इस पिच पर यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 1-2 यहाँ पर गेंदबाज स्पिन गेंदबाज रख सकते हैं, मगर आप 4-4 या यहाँ पर 3 तेज गेंदबाजों को जरूर रखिएगा अपनी डेवलपमेंट टीम में। और जिसकी बॉलिंग यहाँ पर जिसकी दोस्तों बता दें कि मेरे हिसाब से जो आपको जब यहाँ पर मैच शुरू होगा टॉस होगा, तो दोस्तों मैं आपको टीम प्रोवाइड करूँगा दोस्तों, पहली बॉल से आखिरी बॉल तक दोस्तों उस टीम के साथ रहेगा। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपको निराश नहीं करूँगा। लास्ट के 2 मैच हमें उन्हें पता है दोस्तों कि आप मेरी वजह से आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर उस नुकसान की आप दोस्तों बता दें कि यहाँ पर प्रॉफिट भी कराऊंगा और उस नुकसान की दोस्तों यहाँ पर भरपाई भी कर दूंगा। तो इसी का दोस्तों बता दें कि पिच रिपोर्ट की मैंने बात कर ली थी, आप बात करते हैं दोस्तों वेन्यू स्टेट की। वेन्यू स्टेट में दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पर जैसे दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर वेन्यू स्टेट में दोस्तों निकल के आया है कि 35 मुकाबले हैं इस मुकाबले में इस यहाँ पर खेले जा चुके हैं। 18 दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो टीम है दोस्तों 18 बार यहाँ पर फर्स्ट में टीम दोस्तों जीती है, फर्स्ट में बैटिंग करने वाली, सेकंड में दोस्तों 17 बार। और जो विनिंग परसेंटेज रहती है, अगर विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मतभेद नहीं है ज़्यादा दोस्तों, यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं है, सिर्फ 4% का रहता है। 52% दोस्तों बता दें कि फर्स्ट टीम बैटिंग करने वाली जीती है,
और सेकंड टीम दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वो 43% रहती है। और अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिले टाइटन्स ने व्हील ऑफ कैंडी के सामने दोस्तों 180 का बनाया था। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बैंगलोर के ये दोस्तों मैदान भी श्रीलंका के दोस्तों बड़े बड़े मैदानों में से एक यहाँ पर माना जाता है। और इस पे ये ग्राउंड पे दोस्तों रन चेस होते हैं अगर यहाँ से दोस्तों 170-175 अगर बन भी जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों कि यहाँ पर डिफेंड हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों के पास इस तरह से बल्लेबाजी है दोस्तों कि वो आराम से इस यहाँ पर 170 प्लस के टारगेट को चेज कर लेंगे। मगर देखना होगा किस तरह से करेंगे। मगर मैं देखना होगा उसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इस ग्राउंड पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को दोस्तों मदद मिलती है। तो यहाँ पर रन चेस भी हो सकता है अगर शुरुआती पावर प्ले को अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए दोनों जो बल्लेबाज हैं दोस्तों ओपनर बल्लेबाज हैं चाहे जो यहाँ पर गिले टाइटन्स हो चाहे यहाँ पर डमुना की टीम हो तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों टीमों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। मगर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा यहाँ पर टॉस यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। और इसी के साथ दोस्तों बैन स्टेट की बात हो चुकी है दोस्तों अब आती है जहाँ बात आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर तेज़ गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर तेज़ गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 10 मैचों को के बारे में अगर उठाया जाए श्रीलंका प्रीमियर लीग की दोस्तों इस मुकाबले पे खेले गए शुरुआती 5 मुकाबले दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 6 मुकाबले मतलब मैं यहाँ पर 10वें मुकाबले को लेकर यहाँ पर उठाया हूँ यहाँ पर मुद्दा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस पिच पर लास्ट के 10 मैचों में यहाँ पर 72 जो विकेट लिए हैं वो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने लिए हैं और जो यहाँ पर जो कि 36 जो विकेट लिए हैं वो स्पिन गेंदबाजों ने यहाँ पर लिया 36% यहाँ पर जो कि स्पिन गेंदबाज इस पिच पर चलते हैं। और वहीं 72 दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि 64% यहाँ पर तेज गेंदबाज। और आपको बता दें कि 36% में दोस्तों पता है कौन कौन से यहाँ पर गेंदबाज आते हैं तेवाज शमसी बिंदु हशरंगा इख्तियार अहमद और आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर और इसका नाम दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नवाज। और आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर मेरे मुझे पता है दोस्तों कि आप सब लोग यहाँ पर इंडियन है कोई भी दोस्तों यहाँ पर अदर कंट्री का नहीं है सब दोस्तों भारतीय हैं। तो उसी कारण दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के एक इख्तियार अहमद हैं उन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक ऑफिशियली यहाँ पर जो कि एक ट्वीट करा था दोस्तों मैं ट्वीट नहीं कराया कि यहाँ पर ट्वीट भी करा था उससे पहले दोस्तों बता दें कि उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम जब जब हमें इंडिया के सामने खेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों के सामने खेल रहे हैं जैसे गली क्रिकेट के बच्चे होते हैं उनके सामने खेल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भारतीय जो यहाँ पर ट्विटर यूजर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल करा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाली गलौज करा दोस्तों उस ट्वीट पर और काफ़ी ज़्यादा उनको यहाँ पर ट्रोल करा जा रहा है सोशल मीडिया पर जो उन्होंने कहा है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इख्तियार अहमद को अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई करना चाहूँगा दोस्तों तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि इख्तियार अहमद की जो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप है ना यहाँ पर विराट कोहली का तोड़ नहीं है उनके पास। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि इख्तियार अहमद को जो मैं खबर लूँगा तो मैं ले लूँगा दोस्तों शॉर्ट में उनको टैग भी करूँगा। तो उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ट्विटर पर दोस्तों उनको जवाब जरूर दूँगा मैं। और इसी साथ दोस्तों इख्तियार अहमद की बात करूँ तो इस पिच पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी में दोस्तों 4 गेंदबाज आपको विकेट लेते हुए दिख सकते हैं इस पिच पर। उसी के साथ में तेज़ गेंदबाजों का यहाँ पर बोलबाला रहता है और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज़ गेंदबाज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदद कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों बता दें कि तेज़ गेंदबाजों में अगर गिले टाइटन्स की अगर मैं बात करूँ तो गिले टाइटन्स में आप अपने लहरू कुमारा को रख सकते हैं कि लहरू कुमारा दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में। तो लहरू कुमारा को आप रख सकते हैं कसुन रजता को रख सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता देता हूँ कि आप सुकना को भी रख सकते हैं सुकना परसाना को भी रख सकते हैं। और इसी साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 3 गेंदबाज यहाँ पर जो कि लाओ यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों गिले टाइटन्स के। अगर वहीं दोस्तों अगर मैं डमुला के अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो डमुला की भी टीम दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करेगी। और उसी साथ दोस्तों देखने को किस तरह से अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखा जाए अगर तो यहाँ पर प्रमोद मोदशंका ने 2 विकेट निकाले थे सहवाज धानी ने 1 विकेट निकाले थे हेडन गेरन ने 1 विकेट निकाले थे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर धनंजय डिसलमा ने 4 विकेट निकाले। तो आप 3 गेंद यहाँ पर आप 6 गेंदबाजों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बता दें कि 3 यहाँ पर तेज गेंदबाज 3 स्पिन गेंदबाज अगर ड्रीम इलेवन टीम अगर बनाते हैं तो आप रख सकते हैं वरना दोस्तों कोई भी आप क्योंकि 2 गेंदबाजों का आप रख सकते हैं। और इसी तरह में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों स्पिन गेंदबाजों के बारे में आप समझ चुके हैं दोस्तों। और इसके अगर बता दें कि ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच यहाँ पर क्योंकि बॉलिंग पिच है ये पिच यहाँ पर बैटिंग पिच है। अगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दोनों टीमों में से दोस्तों जो भी बल्लेबाज अगर यहाँ पर स्पिन के यहाँ पर स्पिन को अच्छा खेल सकता है दोस्तों उछाल को अच्छा खेल सकता है और यहाँ पर स्विंग को दोस्तों अच्छा खेल सकता है
तो दोस्तों बता दें कि उस ये पिच दोस्तों उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। इस पिच पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रन है, और आपको बता दें कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में जो यहाँ पर शतक बनाया गया था बाबर आजम के द्वारा दोस्तों, वो यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम के इसी ग्राउंड पर इसी पिच पर दोस्तों बनाया गया था। तो बाबर आजम दोस्तों वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बल्लेबाज है। तो दोस्तों बता दें कि अगर यहाँ पर अगर कोई बल्लेबाज दोस्तों बाबर आजम जैसा है यहाँ पर दोनों टीमों में थे दोस्तों, तो ये पिच यहाँ पर उसके लिए बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है। और उसी साल में देखा जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन से बल्लेबाज दोस्तों इस मैच में दोस्तों हाईएस्ट स्कोर हमें देखने को मिलेगा। और उसी का दोस्तों बात कर लेते हैं, अब बात आती है दोस्तों मौसम, अगर मौसम की अगर मैं बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो कि कल का मुकाबला कल के दिन मुकाबला नहीं था, तो कल के मुकाबले में दोस्तों बता दें कि प्रेम सदा स्टेडियम में थोड़ी सी यहाँ पर हल्की फुल्की जो बारिश हमें देखने को मिली थी। मगर अगर आज के मैं अगर मौसम के बारे में बात करूँ तो ये दोपहर का मौसम है दोस्तों, यहाँ पर 45% हमें ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पर 35% दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि टेम्परेचर है, और यहाँ पर 13% दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि बाद यहाँ पर बादल आ सकते हैं, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ठंडी ठंडी यहाँ पर हवाएं भी महसूस हो रही हैं दोस्तों। और सिर्फ सर दोस्तों बता दें कि अभी तक मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्वालिफायर है, और क्वालिफायर में दोस्तों दोनों यहाँ पर पूरे के पूरे 40 ओवर हमें देखने को मिले। और इसी साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि अभी तो दोस्तों हवा चल रही है, और यहाँ पर अभी धूप नहीं खिली है, मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मौसम विभाग के अगर मौसम यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के अगर मैं देखूँ तो वेदर रिपोर्ट में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में ये मुकाबला दोस्तों बता दें कि ये यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि हमें पूरे के पूरे 40 ओवर हमें देखने को मिले। उसी के साथ दोस्तों बता दें कि आप इस टीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर दोस्तों बता दें कि अगर आपको थोड़ी सी भी स्ट्रीम अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 का, यहाँ पर प्लेइंग 11 दोस्तों सबको यहाँ पर प्यार रहता है, मगर उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर तहे दिल से यहाँ पर क्योंकि दोस्तों बता दें कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नया नया चैनल ओपन करा दोस्तों, तो आपके प्यार आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसी साथ दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 को दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। पहले दोस्तों आपको आते हैं गिले टाइटंस की यहाँ पर प्लेइंग 11, गिले टाइटंस की प्लेइंग 11 में आपको कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं रिसेंट मैच अगर रिसेंट दोस्तों अगर मैच की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट मैच में यहाँ पर गिले टाइटंस ने कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने इसी प्लेइंग 11 से दोस्तों जीत दर्ज करी थी। तो हमें देखना होगा कि जसन सन का टीम मैनेजमेंट है वो प्लेइंग 11 में दोस्तों कोई भी हमें बदलाव नहीं देखने को मिल सकते, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर जितने गेंदबाजों ने यहाँ पर जो विकेट निकाले थे लास्ट के मैच में उन्होंने बहुत ही सॉलिड तरीके से विकेट निकाले थे। मगर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर यहाँ पर कोई भी दोस्त बता दें कि अगर यहाँ पर अगर बदलाव होता है तो बिल्कुल दोस्तों टॉस के बाद आपको बता दिया जाएगा। मगर मेरे हिसाब से दोस्तों कि इसी प्लेइंग 11 के साथ यहाँ पर हो सकता है दोस्तों यहाँ पर रहा जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गिले टाइटंस की जो यहाँ पर प्लेइंग 11 है दोस्तों आपके सामने दिख रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको
माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बता दें कि आपके मेरी आवाज़ दोस्तों चली गई थी, वो थोड़ी सी माइक प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर कमी आ गई थी दोस्तों, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी जिसके कारण मेरी आवाज़ आपको नहीं आ पाई थी। और जब बाद में दोस्तों यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, तो हमें पता चला कि यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, भाई लोगों ने बताया कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ मैंने आपको तब मेरे को पता चला, ऐसे मेरे को पता नहीं चला था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बताने के लिए। अगर आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दिया करिए। और उसी का दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिल्ली टाइटंस की प्लेइंग 11 में दोस्तों कोई भी बदलाव हमें नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले मैच में यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर मैच को जीता था। और उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 के अगर मैं बारे में बात करूँ तो प्लेइंग 11 दोस्तों आपको सबसे यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ पर जो कि बल्लेबाज विकेट कीपर है यहाँ पर देखना होगा दोस्तों कि वनका राजपक्षा दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे दोस्तों। वनका राजपक्षा आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और उसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि वनका राजपक्षा ने यहाँ पर पिछले मैच में दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर आउट हो चुके थे। और हम चाहेंगे दोस्तों कि वनका राजपक्षा दोस्तों इस मैच में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोस्तों अपनी टीम को शुरुआत दिलाएँ। आपको तदा जाकर मैं पिछले मैच की अगर वनका राजपक्षा की अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पर 7 मैचों में 7 बॉलों में दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 6 ही रन बनाए हैं वनका राजपक्षा ने। पहले वनका राजपक्षा को दोस्तों बता दें कि टीम मैनेजमेंट ने और जसवीर शर्मा ने उनको यहाँ पर 4 नंबर पर खिलाया था, फिर दोस्तों बता दें कि 3 नंबर पर खिलाया था, मगर उनका उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे। उसके दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने उनको वहाँ पर ओपनिंग के लिए भेजा, मगर दोस्तों लगातार उनके बल्ले से यहाँ पर रन नहीं निकल रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। मगर हमें नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो कि दिल्ली टाइटंस के लिए उन्होंने कोई भी बेहतरीन पारी खेली हो इस सीज़न में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्वालिफायर है, इंपॉर्टेंट मैच है, तो यहाँ पर वनका राजपक्षा के बल्ले से हमें रन शायद निकलते हुए देखने को मिले, क्योंकि बड़ा प्लेयर है दोस्तों, बड़े मैच में यहाँ पर चल सकता है। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि लसित कैप्सोल दोस्तों हमारे लसित कैप्सोल दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, मगर लसित कैप्सोल ने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करके दिखाई थी पिछले मैच में। 25 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर जड़ दिए थे 25 बॉलों में दोस्तों जड़ दिए थे उन्होंने यहाँ पर 42 रन, 3 छक्के लगाए थे, क्या बेहतरीन छक्के थे दोस्तों, और 4 चौके लगाए थे। और सिक्स में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों नितिन दास की यहाँ पर आपको वापसी होती हुई दोस्तों नितिन दास की यहाँ पर वापसी हुई, तो नितिन दास भी दोस्तों 4 में यहाँ पर बहुत जल्दी आउट हो चुके थे दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर कवर मारने की कोशिश हुई। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो कि नितिन दास अगर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर खिलाड़ी है, अगर यहाँ पर समय लेकर अगर पिच पर अगर सही तरीके से अगर टिका रहेगा तो काफ़ी अच्छे रन हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी है तो यहाँ पर जानता है दोस्तों कि बड़े मैच में कैसे परफॉर्मेंस करता है, और कप्तान भी रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पर नितिन दास। तो हम चाहेंगे कि दिल्ली टाइटंस के लिए दिल्ली टाइटंस जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, वो चाहेंगे कि यहाँ पर नितिन दास को एक मोटी रकम में खरीदा गया है, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर उस मोटी रकम को आज यहाँ पर वसूल करा जाए। मगर देखना होगा कि नितिन दास यहाँ पर किस तरह से खेलते दिखेंगे। अगर लास्ट इनके लास्ट परफॉर्मेंस मैच की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने खेला गया था, तो कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने इन्होंने 4 बॉलों में एक ही रन बना पाया था, तो कहीं ना कहीं नितिन दास इस मैच में उनके बल्ले से रन जरूर देखने को मिल सकते हैं या नहीं, वो दोस्तों मुझे नहीं पता है, मगर देखने का किस रन करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बात करें कि शाकिब अलहसन के चौथे नंबर पर आए थे दोस्तों, बता दें कि एक और बांग्लादेशी के यहाँ पर बांग्लादेशी खिलाड़ी दोस्तों शाकिब अलहसन, ये भी दोस्तों बहुत ही यहाँ पर टैलेंटेड खिलाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर ये बल्लेबाज दोस्तों ऐसा है, चाहे दोस्तों इससे यहाँ पर गेंदबाजी करवा लो, चाहे दोस्तों इससे बल्लेबाजी करवा लो, ये दोस्तों हर स्टेज में दोस्तों हर लेवल पर आपके लिए अच्छा ही प्रदर्शन करेगा। अगर पिछले मैच में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 15 बॉलों में दोस्तों 17 रन बनाए थे, क्योंकि वहाँ पर रन इतनी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी तेज गति के साथ खेलने की, क्योंकि 74 ही रन थे 120 बॉल में, तो यहाँ पर कोई भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी कि तेज बॉलों में यहाँ पर खेलने की। ये बल्लेबाज दोस्तों तेज गति से भी खेल सकता है। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जाफना किंग्स के साथ एक मैच याद आता है मुझे कि जाफना किंग्स के सामने यहाँ पर मुकाबला था, शायद मेरे हिसाब से दोस्तों 13वां या 14वां मुकाबला था, तो यहाँ पर शाकिब अलहसन ने दोस्तों बता दें कि एक ओवर में यहाँ पर 23 रन मारे थे दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन ओवर था। और तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि शाकिब अलहसन के पास काबिलियत है कि वो तेज गति के साथ रन बना सकते हैं। और उसी समय अगर मैं शाकिब अलहसन ने लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेता हूँ, तो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस में 15 बॉल में 217 रन बनाए थे, और तो हम देखना होगा दोस्तों कि आज शाकिब अलहसन
कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर शाकिब अली हसन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों बॉलिंग की, तो दोस्तों बॉलिंग में उन्होंने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक विकेट निकाला था दोस्तों, तो और वो विकेट था यहाँ पर आपको बाबर आजम का दोस्तों विकेट निकाला था। तो शाकिब अली हसन देखने होगा, शाकिब अली हसन के दोस्तों इस मैच में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहले दोस्तों टॉस अगर जीते हैं अगर गिले टाइटर्स दोस्तों, तो पहले बल्लेबाजी से और फिर बाद में दोस्तों गेंदबाजी से हमें देखने को मिलेगा। और इसी का दोस्तों बता दें कि वीडियो को लाइक करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा शाकिब अली हसन। उसके बाद दोस्तों बता दें कि हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर नजीबुल्लाह जादरान दोस्तों आपको इस प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेंगे। प्लेइंग 11 में दोस्तों आपको नजीबुल्लाह जादरान देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ में दोस्तों बात करें कि यहाँ पर क्योंकि नजीबुल्लाह जादरान दोस्तों अफगानिस्तान में यहाँ पर जो कि अफगानिस्तान के हैं इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। मैं दोस्तों बता दें कि मैं पूरी प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ और खेलते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। अगर जिस तरह से अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर जो कि सेवन ड्रेवन जो वनका चर्चा के पड़ोस में दोस्तों उनका फोटो लगा है, इनकी जगह पे यहाँ पर खेल सकते हैं। उसी का दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लहू साना आपको दोस्तों पाँचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। टीम सेफर दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे वनकुआ राजपक्षा के साथ। और कप्तान दशरथ शनका देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। पिछले मैच में दशरथ शनका को दोस्तों यहाँ पर विकेट जो कि यहाँ पर बल्लेबाजी का करने का मौका ही नहीं मिल पाया था, मगर दशरथ शनका अगर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो दशरथ शनका दोस्तों एक ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि ये बल्लेबाज दोस्तों बहुत ही यहाँ पर टैलेंटेड बल्लेबाज है। इन्होंने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर हरा दिया था एशिया कप में। यहाँ पर दशरथ शनका के पास दोस्तों टैलेंटेड है, यहाँ पर अनुभव है और देखना होगा दोस्तों कि बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो बड़े मैच का यहाँ पर खिलाड़ी है तो हम चाहेंगे दोस्तों कि गिले टाइटंस मैच को दोस्तों यहाँ पर आसानी से जीते। और इसी साथ दोस्तों बता दें कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए। आप बात करते हैं दोस्तों अगर आपको देखा जाए कि मेरे साथ दोस्तों की डम्बला की टीम, अगर डम्बला की टीम पर दोस्तों एक बार नज़र बना के रखिएगा तो डम्बला की टीम भी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। इसी के साथ जय सियाराम डम्बला की टीम में दोस्तों आपको कुशल मेंडिस, अनुष्का फर्नांडो, वैन डोमट, एलेक्स रॉज, एनेंडे डिसल्वा, कुशल मनंथा, जयनंत लिंगे, सतीरा, हसन अली, विनो फर्नांडो और नूर अहमद जैसे दोस्तों बता दें कि गेंदबाज और बल्लेबाज दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह दोस्तों अगर मैं कुशल मेंडिस की अगर मैं पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ तो कुशल मेंडिस दोस्तों अंगूठे में चोट के कारण पिछले मैच में नहीं यहाँ पर खेल पाए थे, मगर दोस्तों अगर मैं अपडेट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों सुबह में हमें प्रैक्टिस करते हुए देखे थे यहाँ पर कुशल मेंडिस इस मैच में। तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर डम्बला की टीम दोस्तों यहाँ पर जो कि पहले दोस्तों टॉप ऑन टेबल है, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि कप्तान जो प्रॉपर कप्तान है वो यहाँ पर कुशल मेंडिस आए। दोस्तों बता दें कि कुशल मेंडिस ने इस बार दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दोस्तों कप्तानी करते हुए दिखाई है। हम चाहेंगे दोस्तों कि बड़ा मैच है यहाँ पर कप्तान आए दोस्तों, कप्तान इस मैच को लीड करें। और उसके साथ में दोस्तों देखना होगा कि कप्तान किस तरह से खेलते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कप्तान के साथ आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे अनुष्का फर्नांडो। अनुष्का फर्नांडो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज था दोस्तों, जब यहाँ पर अनुष्का फर्नांडो ने यहाँ पर डेब्यू करा था तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से लय में थे। उन्होंने दोस्तों आते ही बिल्कुल तबाही मचा दी थी श्रीलंका प्रीमियर लीग में। उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उनको धीरे धीरे यहाँ पर डाउनफॉल आता है, पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि इनको मौके मिलते रहे मगर मौके मिलने के बाद दोस्तों उन मौक़ों को भुना नहीं पाए। और आपको बता दें कि दोस्तों उनको यहाँ पर टीम मैनेजमेंट और कुशल मेंडिस उनके ऊपर लगातार भरोसा जता रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों उनके जो बल्ले से रन है वो नहीं निकल रहे हैं। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो उनका दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पर जो कि आठ मुकाबले जो रिसेंट के दोस्तों आठ मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर अनुष्का फर्नांडो ने सिर्फ 205 रन ही बना पाए हैं दोस्तों आठ मुकाबलों में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अनुष्का फर्नांडो के लिए यहाँ पर जो कि थोड़ा सा खतरा यहाँ पर मंडरा सकता है कि अगर देखने का किस तरह से, मगर कुशल मेंडिस और अनुष्का फर्नांडो की बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती है। और यहाँ पर जो कि आपको मैं बता देता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में दोस्तों दोनों एक साथ खेलते रहे हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर कुशल मेंडिस इनके ऊपर लगातार भरोसा यहाँ पर जताया जा रहा है अनुष्का फर्नांडो के ऊपर। मगर यहाँ पर अनुष्का फर्नांडो यहाँ पर उनको उस भरोसे को जीतना होगा और इस मैच में दोस्तों उनके बल्ले से रन निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी तरह दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अनुष्का फर्नांडो ने लास्ट मैच में यहाँ पर 27 ओवर में 40 रन बनाए थे। और उसी तरह दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे सदीरा दोस्तों बता दें कि सदीरा भी बहुत ही पिछले मैच में दोस्तों सदीरा आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे थे अनुष्का फर्नांडो के सामने। सदीरा ने दोस्तों बहुत ही बिल्कुल सदी हुई गेंदबाज बल्लेबाजी करी थी। सदीरा ने 26 बोलों का सामना करते हुए जड़ दिए थे यहाँ पर 31 रन। और उसी कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सदीरा इस मैच में किस
तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि सभी राष्ट्रीय बल्ले से एक बार फिर से रन निकले। मगर आपको दोस्तों प्लेइंग एलेवन के बारे में एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुशल मेंडिस और वनिश्का फर्नांडो आपको दोस्तों ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और उसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर शरीर आपको तीन नंबर पर आएंगे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए। चौथे नंबर पर दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे बेन डोमर्स ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन बल्लेबाज। उसके बाद पांचवे नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों धर्मेंद्र डिसिल्वा। छठे नंबर पर दोस्तों आपको बॉल करने के लिए देखने को मिलेंगे यहाँ पर एलेक्स रॉस है। फिर दोस्तों आपको सातवें नंबर पर बल्लेबाज था और सातवें नंबर पर दोस्तों जयंत लिंगे। और उसके बाद दोस्तों हम गेंदबाजी दोस्तों वाला यहाँ पर हसन अली आते हैं दोस्तों फर्नांडो लगातार है। नूर अहमद की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर जिम्मा नूर अहमद ने आगे की सुर्खियाँ बटोरी थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन। मगर इस बार दोस्तों बता दें कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में दोस्तों उनका आगमन हुआ जैसे दोस्तों उनको, और काफ़ी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर काफ़ी दोस्तों बता दें कि इनको बड़ी रकम की टीम ने इनको परचेज किया है। मगर जिस तरह दोस्तों मोटी रकम देकर हिम्मत को खरीदा गया है उतने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शन कर दिखाया नहीं। हम देखेंगे किस तरह करेंगे इसी को अहमद के हम चाहेंगे नूर अहमद यार बेहतरीन हमें गेंदबाजी करते हुए। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि मैंने आपको दोस्तों हर अपडेट के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात यहाँ पर क्वालिफायर है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस टॉस की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों टॉस बस थोड़ी ही देर में होने वाला है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो भी टॉस दोस्तों जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले सकता है। मगर दोस्तों मैं आज आपको गारंटी के साथ दोस्तों मैं दावा करके देता हूँ कि पहली बॉल से लेकर दोस्तों दूसरी बॉल तक आज जो मैं टीम बताऊँ उस टीम के साथ रहेगा। और दोस्तों बता दें कि आपको प्रॉफिट करके देता हूँ दोस्तों देखिए 110% दोस्तों बता दूँ कि मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा। और जो पिछले मैच में मेरे कहने से आपको मेरी टीम यहाँ पर ज्वाइन करी थी उसमें दोस्तों यहाँ पर नमस्कार रिव्यूअर्स दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम है राज और दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके साथ लाइव। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि एक तरफ है यहाँ पर डमला की टीम तो दूसरी तरफ है दोस्तों गिल्ले टाइटंस। गिल्ले टाइटंस के कप्तान दशरथ शंका हैं और वह डमला के कप्तान दोस्तों यहाँ पर कुशल मेंडिस हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ डमला टीम के बारे में तो डमला टीम के जो कप्तान हैं कुशल मेंडिस तो उनके अंगूठे और चोट के कारण पिछले मैच वो नहीं खेल पाए थे, उनको रेस्ट दिया गया था। तो हम चाहेंगे कि दोस्तों वो चोट से रिकवरी करके इस मैच में हमें खेलते हुए दिखें और बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होगा दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर गिल्ले टाइटंस के कप्तान और डमला के कप्तान के बीच, और आपको बता दें कि श्रीलंका प्रीमियर लीग का ये यहाँ पर आखिरी चरण आ चुका है। पहला क्वालिफायर आज है, फिर यहाँ पर एलिमिनेटर खेला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वालिफायर है। और देखना होगा कि दोस्तों कौन सी टीम इस मैच को यहाँ पर बाजी करती है। और फिर 19 तारीख को हमें देखने को मिलेगा क्वालिफायर टू, उस 20 तारीख को जो देखने को मिलेगा जो फाइनल मैच। और देखना होगा कि दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट क्वालिफायर में कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारती है। मगर उसी से पहले दोस्तों उस टीम के साथ जुड़ जाइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों कोई भी सवाल हो अगर मैच से जुड़ा हुआ तो हमारे साथ रहिएगा। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि इस मैच में हम बात करेंगे दोस्तों पॉइंट्स टेबल की। यहाँ पर कुछ खबर है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा, मगर यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर इस मैच की। तो ये मैच दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मगर इंपॉर्टेंट आज मैं आपको दोनों मैच में टेंशन दूंगा, दोनों मैच दोस्तों मैं बताऊंगा कि आखिरी टीम जीतेगी। और दिल खोल कर आखिरी बॉल तक जितना आपको पैसा लगाना है दोस्तों लगा दीजिए। मगर दोस्तों बता दें कि जो टीम बताएगी उसी टीम के साथ रहेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वेन्यू स्टेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर तेज गेंदबाज स्पिन गेंदबाज बात करेंगे कि कौन से किस टीम तेज गेंदबाज अच्छे हैं, या फिर यहाँ पर गिल्ले टाइटंस के गेंदबाज गेंदबाजी अच्छी है वो उसी के बारे में बात। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर पिच रिपोर्ट है दोस्तों, रिपोर्ट है वेन्यू स्टेट है, यहाँ पर तेज गेंदबाज स्पिन गेंदबाज में ऐसे कि मैंने यहाँ पर सब एक अपडेट निकाल के आई है कि यहाँ पर पहले ही पहला क्वालिफायर है उसमें कौन सी टीम बाजी में कौन सी टीम दोस्तों यहाँ पर पहले मुकाबले को जीत कर
करेगी। और इसी के साथ में अगर मैं बता देता हूँ कि दोस्तों हमारे साथ इस मैच में और अपने दो मैच से जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल है दोस्तों तो मैच करिएगा। और आपको बता दें कि ये यहाँ पर मैच होने वाला है। उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप प्लेइंग 11 पर नज़र बना करेगा। प्लेइंग 11 पर दोस्तों अगर आप देखने आप नज़र बनाएंगे तो आपको डम्बुला सबसे ऊपर मिलेगी। डम्बुला की टीम ने यहाँ पर 8 मुकाबले खेले हैं, 8 मैच यहाँ पर 6 जीत दर्ज करी हैं, 2 हार दर्ज करी हैं और एक भी दोस्तों ड्रॉ मुकाबला नहीं रहा है इस मैच में। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों श्रीलंका प्रीमियर लीग में और उसी के साथ में 12 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर हैं। और आपको देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों पिछले मैच में आप जो कि गिले टाइटंस और कोलंबो के बीच दोस्तों मैच था तो यहाँ पर गिले टाइटंस 5-4 नंबर पर थी, मगर एपरेंस ने यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैच को खेला जिसके कारण उनका रन रेट काफ़ी अच्छा रहा और वो पहुँच चुके थे यहाँ पर दूसरे पायदान पर। क्योंकि बता दें कि यहाँ पर वी लव कैंथरे पायदान पर थी, मगर यहाँ पर गिले टाइटंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से कम से दोस्तों यहाँ पर कोलंबो के सामने जीत दर्ज करी थी, वो भी यहाँ पर 8 विकेटों से। तो यहाँ पर गिले टाइटंस का जो यहाँ पर वी लव कैंथरे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया था। और उसी के सामने दोस्तों बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर डम्बुला की टीम के बारे में बात कर चुके टाइटंस की टीम दोस्तों 8 मुकाबले में से 4 यहाँ पर गए, 4 हार भी लिए हैं और करंट रन रेट दोस्तों यहाँ पर वी लव कैंडी जाफना किंग से काफ़ी बेहतर रह चुका है। और उसी के साथ में हम बात करें दोस्तों वी लव कैंडी की, तो वी लव कैंडी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उनका शुरू हुआ था वो उतना अच्छा नहीं शुरू हुआ था और बीच बीच के मैच से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 3 थर्ड मैच से लेकर दोस्तों बता दें कि 6 मैचों तक वो सिलसिला था लगातार इन्होंने जीत के साथ जीत दर्ज करी थी। उसके बाद लास्ट के 2 मैच यहाँ पर हार गए थे वी लव कैंडी। जो यहाँ पर जो पटरी किया है वो दोस्तों लाइन से जरूर उतर रही है, मगर चाहेंगे कि वी लव कैंडी आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज जरूर करे। और उसी के साथ में दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर जाफना यहाँ पर तैनात है। और वी अगर कोलंबो की बात करें तो कोलंबो की टीम एक बार दोस्तों फिर से यहाँ पर नाकाम रही पिछले साल की तरह। जैसे पिछले साल में दोस्तों कोलंबो की टीम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो इस बार भी दोस्तों क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि पहला क्वालिफायर खेला जाएगा तो पहला क्वालिफायर यहाँ पर डम्बुला और गिले टाइटंस के बीच ये खेला जाएगा। तो आपको ये नज़र बना के रखनी होगी दोस्तों कि यहाँ पर अगर जो भी टीम यहाँ को जीतेगी वो सीधे दोस्तों फाइनल में पहुँच जाएगी और जो भी यहाँ पर मैच को दोस्तों हार गए यहाँ पर सेकेंड जो एलिमिनेटर खेला जाएगा के साथ होगा। मान लीजिए दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हार जाती है तो वो यहाँ पर रुक जाएगी। बता दें कि यहाँ पर वी लव कैंडी और जाफना किंग्स में से दोस्तों जो को जो यहाँ पर हार जाता है वो चला जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 2 टीमों के पास यहाँ पर एक यहाँ बता दें कि एक जीवन दान और है, अगर उनके पास दोस्तों बता दें कि जीवन दान और है, मगर यहाँ पर जो टीम है वी लव जाफना उनके पास यहाँ पर कोई भी मौका नहीं है, सिर्फ लास्ट मौके के अलावा तो यहाँ पर जो कि आखिरी यहाँ पर जो कि शाम के 7:30 मिनेटर मुकाबला है देखेंगे कि बाजी मारती क्या थी जाफना किंग्स बाजी में। उसको पॉइंट टेबल आपको दिखा दी है, पॉइंट टेबल को दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रन रेट देख लीजिए उतना रहने वाला नहीं है क्योंकि डम्बुला की टीम टाइटंस की टीम कैंडे वी लव कैंडी की टीम जाफना किंग्स की टीम दोस्तों बता दें कि चारों टीम यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं और जो जो बाहर हुए वो यहाँ पर बाबा कोलंबो स्ट्राइकर्स वो बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। और इसी समय दोस्तों बता दें पर जो हमें देखने को मिला है पॉइंट्स टेबल यहाँ पर पॉइंट्स टेबल दोस्तों आपको बता दी है। और उसी समय दोस्तों बता दें कि यहाँ पर चलिए अब हम ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपने नज़र बना के रखी मैच का मैच को अगर ध्यान से देखा होगा तो पिछले मैच में दोस्तों फर्स्ट जो भी टीम ने दोस्तों टॉस को जीता था तो उसने वहाँ पर टॉस को जीते ही पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। सब में ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आपको टोटल दोस्तों बता दें कि ये यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम है कोलंबो का श्रीलंका के सबसे यहाँ पर बड़े बड़े मैदानों में से एक यहाँ पर मैदान है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग के शुरुआत इस ग्राउंड पर खेले गए थे। उसके बाद लगातार दोस्तों जब वो अंतिम चरण आया श्रीलंका प्रीमियर लीग का तो उसमें दोस्तों आपको मिला। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टोटल मैच होता है स्टेडियम कोलंबो में दोस्तों ये मैदान है
23 मैच यहाँ पर 35 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। और यहाँ पर जो कि फास्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर मुकाबले को सेकेंड में दोस्तों सेकेंड में यहाँ पर बैटिंग करती है वो दोस्तों यहाँ पर 17 बार इस यहाँ पर मुकाबले को जीती है। और अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो ड्रॉ दोस्तों नहीं दे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है एवरेज की, अगर पिच की इस ग्राउंड की अगर बात करूँ दोस्तों स्कोर यहाँ पर रहता है 147 एवरेज रहता है। हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जाफना किंग्स ने जरूर बनाया था और वहीं स्कोर यहाँ पर डबला की टीम ने सामने बनाया था। तो आपको बता देता का जो यहाँ पर भारी है यहाँ पर डबला के सामने देखना होगा बिल्ली टाइटंस यहाँ पर डबला की टीम को बिल्ली टाइटंस के गेंद से बच के जरूर रहना पड़ेगा भाई लोगों। साथ जुड़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और मैच से जुड़े हुए दोस्तों कोई भी वाले तो दोस्तों हमारे कमेंट में बता। और आप लोगों की क्या राय है इस ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आप लोगों की टीम को कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में दोस्तों मैं बात कर देता हूँ कि बार यहाँ पर 150 का स्कोर बना है, 18 बार 150 प्लस स्कोर बना है इस ग्राउंड पर। अगर स्कोर बिटवीन की अगर मैं बात करूँ तो 106 बार बना है और वही स्कोर बिटवीन या 170 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दोस्तों बता दें कि 7 बार वही दोस्तों के प्लस की मैं बात करता हूँ 190 की प्लस है यहाँ पर 2 बार बना है। और दोस्तों बता दें कि जब जब 190 बनता है ना भाई तब 200 रन चेस हो जाता है। बता दें कि यहाँ पर 190 4 बार बना है तो दोस्तों 3 बार यहाँ जो कि चेस हुआ है। तो हम जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, मगर कहीं ना कहीं दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर जो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोनों टीमें चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इस मैच को जीते हैं और अपना यहाँ पर सुरक्षित चली जाए यहाँ पर फाइनल में, मगर देखना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करनी है मगर दोस्तों बता दें कि अगर आपने जो कि 15 तारीख को जो यहाँ पर मुकाबला हुआ था तो आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपको देखने को मिलेगा जो पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होती है ना दोस्तों वो उतने रन यहाँ पर कुछ ज़्यादा रन नहीं बना पाई थी। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो यहाँ पर 15 तारीख को मैच हुआ था दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स और गिले टाइटंस का, तो यहाँ पर पिच की कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स की गलती है, उनके बल्लेबाजों की गलती है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 74 रन पर 10 विकेट गिरा दिए थे यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स ने अपने यहाँ पर विकेट दे दिए थे गिले टाइटंस के गेंदबाजों को। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच यहाँ पर क्योंकि दोस्तों बेकार है, पिच बेकार नहीं है, कोलंबो स्ट्राइकर्स की यहाँ पर बल्लेबाजी बेकार थी जिसके कारण यहाँ पर जो कि 10 विकेट चले गए। अगर उसके जवाब में गिले टाइटंस ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया और 8 ही ओवर में उन्होंने 74 रन बना दिए थे, तो यहाँ पर उनकी पिच की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर जो गलती है दोस्तों वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर गेंद बल्लेबाजों की गलती है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये पिच दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अनुकूल साबित हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात कर लेती है, आप चलिए यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों बता दें कि आप अपने नाम को दोस्तों व्यस्त रहिएगा और आप इस मैच को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों वो भी बताते रहिएगा और अपने दोस्तों बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। यूनिक आज दोस्तों नाम है, मेरा नाम है दोस्तों राज और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसी के साथ में आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो पिच रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। तो दोस्तों ये पिच रिपोर्ट एक्सपर्ट के द्वारा निकल के आई है, इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम यहाँ पर कोलंबो की ये पिच है। इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग एवरेज 147 प्लस का रहता है और प्रेम सदा स्टेडियम कोलंबो यहाँ पर इस पिच पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है। और जो भी दोस्तों इस यहाँ पर टॉस को यहाँ पर जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पर निर्णय लेती है और निर्णय कैसा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मैच को भी अपने नाम करती है। और उसको दोस्तों बता दें कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि अगर ड्रीम इलेवन टीम अगर आप बनाते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम पर आप दोस्तों बता दें कि तेज गेंदबाजों को बिल्कुल आप रख सकते हैं। और कुछ तो ज़्यादा अगर पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ दोस्तों जब कोलंबो स्ट्राइकर और गिले टाइटंस की यहाँ पर गिले टाइटंस के यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों जहाँ पर विकेट गिरे लिए थे वो यहाँ पर जो कि तेज गेंदबाजों ने लिए थे दोस्तों और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बल्ले गेंदबाजी करी थी गिले टाइटंस ने। यहाँ पर गिले टाइटंस की जो अगर मैं बात करूँ दोस्तों गिले टाइटंस की, तो अगर मैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में दोस्तों बता दें कि अगर मैं
इस 2023 की अगर मैं पूरा सीजन उठा के देखूं तो सबसे तगड़ी जो यहाँ पर गेंदबाजी रही है तो वो वी लव कैंडी। उसके बाद दोस्तों बता दूँ दोस्तों यहाँ पर गिल्ले टाइटंस की रही है। दोस्तों बता दें कि गिल्ले टाइटंस की जो यहाँ पर बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत ही सॉलिड है, तो हम कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर गिल्ले टाइटंस की गेंदबाजी से बच के रहना होगा डम्बला की टीम को। और इस गेंद अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि तेज गेंदबाजों का बोल बाला देखने को मिलता है इस पिच पर, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। ये आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर साफू इस्लाम ने दोस्तों यहाँ पर 3 विकेट लिए थे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों साफू इस्लाम ने 3 विकेट लिए थे और उसी क्षण में दोस्तों महेश पथराना ने भी दोस्तों यहाँ पर 2 लिए थे विकेट उसी क्षण में। दोस्तों अगर मैं बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर गिल्ले टाइटंस की अगर मैं गेंदबाजी के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, गिल्ले टाइटंस की आपको नज़र बना के रखिएगा कि यहाँ पर कसुन राजस्थान ने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे, लहरू कुमारा ने 2 विकेट निकाले थे। और उसी क्षण में दोस्तों अगर मैं बताऊँ यहाँ पर परसराना ने 3 विकेट निकाले थे और तेवाज शमसी ने यहाँ पर जो कि स्पिन गेंदबाजी है दोस्तों उन्होंने 4 विकेट निकाले थे इस पिच पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कि सिर्फ और सिर्फ तेज गेंदबाजों को ही मौका मिल सकता है, मगर यहाँ पर जो कि मौका दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इस पिच पर यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 1-2 यहाँ पर गेंदबाज स्पिन गेंदबाज रख सकते हैं, मगर आप 4 से 204 या यहाँ पर 3 तेज गेंदबाजों को जरूर रखिएगा अपनी डेवलपमेंट टीम में। और जिसकी बॉलिंग यहाँ पर जिसकी दोस्तों बता दें कि मेरे हिसाब से जो आपको जब यहाँ पर मैच शुरू होगा टॉस होगा तो दोस्तों मैं आपको टीम प्रोवाइड करूँगा दोस्तों पहली बॉल से आखिरी बॉल तक दोस्तों उस टीम के साथ रहेगा। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपको निराश नहीं करूँगा। लास्ट के 2 मैच हमें उन्हें पता है दोस्तों कि मेरी वजह से आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर उस नुकसान की आप दोस्तों बता दें कि यहाँ पर प्रॉफिट भी कराऊंगा और उस नुकसान की दोस्तों यहाँ पर भरपाई भी कर दूंगा। तो इसी का दोस्तों बता दें कि पिच रिपोर्ट की मैंने बात कर ली थी, आप बात करते हैं दोस्तों वेन्यू स्टेट की। वेन्यू स्टेट में दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पर जैसे दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर वेन्यू स्टेट में दोस्तों निकल के आया है कि 35 मुकाबले ऐसे मुकाबले में इस यहाँ पर खेले जा चुके हैं। 18 दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो टीम है दोस्तों 18 बार यहाँ पर फर्स्ट टीम दोस्तों जीती है, फर्स्ट में बैटिंग करने वाली, सेकंड में दोस्तों 17 बार। और जो विनिंग परसेंटेज रहती है, अगर विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मतभेद नहीं है ज़्यादा दोस्तों, यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं है, सिर्फ 4% का रहता है। 52% दोस्तों बता दें कि फर्स्ट टीम बैटिंग करने वाली जीती है और सेकेंड टीम दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 48% रहती है। और अगर मैं हाइस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिल्ले टाइटंस ने व्हील ऑफ कैंडी के सामने दोस्तों 180 का बनाया था। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये दोस्तों मैदान भी श्रीलंका के दोस्तों बड़े बड़े मैदानों में से एक यहाँ पर माना जाता है। और इस पे ये ग्राउंड पे दोस्तों रन चेस होते हैं, अगर यहाँ से दोस्तों 170-175 अगर बन भी जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डिफेंड हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों के पास इस तरह से बल्लेबाजी है दोस्तों कि वो आराम से इस यहाँ पर 170+ के टारगेट को चेज कर लेंगे, मगर देखना होगा किस तरह से करेंगे। मगर मैं देखना होगा उसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इस ग्राउंड पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को दोस्तों मदद मिलती है, तो यहाँ पर रन चेस भी हो सकता है अगर शुरुआती पावर प्ले को अगर अच्छी तरीके से बनाया जाए। दोनों बल्लेबाज हैं दोस्तों ओपनर बल्लेबाज हैं, चाहे जो यहाँ पर गिल्ले टाइटंस हो चाहे यहाँ पर डमुना की टीम हो, तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों टीमों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। मगर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा यहाँ पर टॉस यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। और इसी साथ दोस्तों वेन्यू स्टेट की बात हो चुकी है दोस्तों, अब बात किया जाए बात आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर तेज गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी। और इसी साथ दोस्तों यहाँ पर तेज गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 10 मैचों को के बारे में अगर उठाया जाए श्रीलंका प्रीमियर लीग की दोस्तों इस मुकाबले पे खेले गए शुरुआती 5 मुकाबले दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 6 मुकाबले, मतलब मैं यहाँ पर 10 मुकाबले को लेकर यहाँ पर उठाया हूँ यहाँ पर मुद्दा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस पिच पर लास्ट के 10 मैचों में यहाँ पर 72 जो विकेट लिए हैं वो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने लिए हैं, और जो यहाँ पर जो कि 36 जो विकेट लिए हैं वो स्पिन गेंदबाजों ने यहाँ पर लिया। 36% यहाँ पर जो कि स्पिन गेंदबाज इस पिच पर चलते हैं, और वहीं 72 दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि 64% यहाँ पर तेज गेंदबाज। और आपको बता दें कि 36% में दोस्तों पता है कौन कौन से यहाँ पर गेंदबाज आते हैं, तेवाज शमसी, बिंदु हशरंगा, इख्तियार अहमद, और आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर और इसका नाम दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नवाज। और आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर मेरे मुझे पता है दोस्तों कि आप सब लोग यहाँ पर इंडियन है, कोई भी दोस्तों यहाँ पर अदर कंट्री का नहीं है, सब दोस्तों भारतीय हैं। तो उसी कारण दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के एक इख्तियार अहमद हैं, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक ऑफिशियली यहाँ पर जो कि एक ट्वीट करा था दोस्तों, मैं ट्वीट नहीं कराया कि यहाँ पर ट्वीट भी करा था, उससे पहले दोस्तों बता दें कि उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में भी कहा था
कि हम जब जब हमें इंडिया के सामने खेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों के सामने खेल रहे हैं, जैसे गली क्रिकेट के बच्चे होते हैं उनके सामने खेल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा दोस्त होता था कि यहाँ पर भारतीय जो यहाँ पर ट्विटर यूजर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल करा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाली गलौज करा दोस्तों उस ट्वीट पर, और काफ़ी ज़्यादा उनको यहाँ पर ट्रोल करा जा रहा है सोशल मीडिया पर। जो जो उन्होंने कहा है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर प्यार अहमद को अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई करना चाहूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि प्यार अहमद की जो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप है ना, यहाँ पर विराट कोहली का तोड़ नहीं है उनके पास। तो इसी तरह दोस्तों बता दें कि प्यार अहमद को जो मैं खबर लूँगा तो मैं ले लूँगा दोस्तों शॉर्ट में, उनको टैग भी करूँगा। तो उसी तरह दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ट्विटर पर दोस्तों उनको जवाब जरूर दूंगा मैं। और इसी तरह दोस्तों प्यार अहमद की बात करूँ तो इस पिच पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी में दोस्तों 4 गेंदबाज आपको विकेट लेते हुए जीत सकते हैं इस पिच पर। और उसी तरह तेज गेंदबाजों का यहाँ पर बोल वाला रहता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज गेंदबाज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों बता दें कि तेज गेंदबाजों में अगर गिल्ले टाइटंस की अगर मैं बात करूँ तो गिल्ले टाइटंस में आप अपने लहरू कुमारा को रख सकते हैं, कि लहरू कुमारा दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में। तो लहरू कुमारा को आप रख सकते हैं, कसुन रजस्ता को रख सकते हैं दोस्तों, और आपको मैं बता देता हूँ कि आप सुकना को भी रख सकते हैं, सुकना परसाना को भी रख सकते हैं। और उसी तरह दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 3 गेंदबाज यहाँ पर दो किला हो यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों गिल्ले टाइटंस के। अगर वहीं दोस्तों अगर मैं डमुला के अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो डमुला की भी टीम दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करेगी। और उसी तरह दोस्तों देखने को किस तरह अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखा जाए अगर तो यहाँ पर प्रमोद मोदशंका ने 2 विकेट निकाले थे, सहवाज धानी ने 1 विकेट निकाले थे, हेडन गेल ने 1 विकेट निकाले थे दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर धनंजय डिसलमा ने 4 विकेट निकाले। तो आप 3 गेंद यहाँ पर आप 6 गेंदबाजों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बता दें कि 3 यहाँ पर तेज गेंदबाज 3 स्पिन गेंदबाज अगर ड्रीम इलेवन टीम अगर बनाते हैं तो आप रख सकते हैं, वरना दोस्तों कोई भी आप क्योंकि 2 गेंदबाजों का आप रख सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों स्पिन गेंदबाजों के बारे में आप समझ चुके हैं दोस्तों। और इसके अगर बता दें कि ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच यहाँ पर क्योंकि बॉलिंग पिच है, ये पिच यहाँ पर बैटिंग पिच है। अगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दोनों टीमों में से दोस्तों जो भी बल्लेबाज अगर यहाँ पर स्पिन के यहाँ पर स्पिन को अच्छा खेल सकता है दोस्तों, उछाल को अच्छा खेल सकता है, और यहाँ पर जो स्विंग को दोस्तों अच्छा खेल सकता है, तो दोस्तों बता दें कि उस ये पिच दोस्तों उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। इस पिच पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रन है, और आपको बता दें कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में जो यहाँ पर शतक बनाया गया था बाबर आजम के द्वारा दोस्तों, वो यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम के इसी ग्राउंड पर इसी पिच पर दोस्तों बनाया गया था। तो बाबर आजम दोस्तों वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बल्लेबाज है। तो दोस्तों बता दें कि अगर यहाँ पर अगर कोई बल्लेबाज दोस्तों बाबर आजम जैसा है यहाँ पर दोनों टीमों में थे दोस्तों, तो ये पिच यहाँ पर उसके लिए बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है। और उसी साल में देखा जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन से बल्लेबाज दोस्तों इस मैच में दोस्तों हाईएस्ट स्कोर हमें देखने को मिलेगा। और उसी का दोस्तों बात कर लेते हैं, अब बात आती है दोस्तों मौसम, अगर मौसम की अगर मैं बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो कि कल के दिन मुकाबला नहीं था, तो कल के मुकाबले में दोस्तों बता दें कि प्रेम सदा स्टेडियम में थोड़ी सी यहाँ पर हल्की फुल्की जो बारिश हमें देखने को मिली थी। मगर अगर आज के मैं अगर मौसम के बारे में बात करूँ तो ये दोपहर का मौसम है दोस्तों, यहाँ पर 45% हमें ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पर 35% दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि टेम्परेचर है, और यहाँ पर 13% दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि यहाँ पर बादल आ सकते हैं, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ठंडी ठंडी यहाँ पर हवाएं भी महसूस हो रही हैं दोस्तों। और सिर्फ हम दोस्तों बता दें कि अभी तक मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्वालीफायर है, और क्वालीफायर में दोस्तों दोनों यहाँ पर पूरे के पूरे 40 ओवर हमें देखने को मिले। और इसी तरह दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि अभी तो दोस्तों हवा चल रही है, और यहाँ पर अभी धूप नहीं खिली है, मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मौसम विभाग के अगर मौसम यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के अगर मैं देखूँ तो वेदर रिपोर्ट में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में ये मुकाबला दोस्तों बता दें कि ये यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि हमें पूरे के पूरे 40 ओवर हमें देखने को मिले। उसी के साथ दोस्तों बता दें कि आप इस टीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर दोस्तों बता दें कि अगर आपको थोड़ी सी भी स्ट्रीम अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 का, यहाँ पर प्लेइंग 11 दोस्तों सबको यहाँ पर प्यार रहता है, मगर उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा आप दोस्तों यहाँ पर बेहद जल्द से यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों बता दें कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नया नया चैनल ओपन कराया दोस्तों, तो आपके प्यार आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसी साथ दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 को दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। पहले दोस्तों आपको आते हैं गिल्ले टाइटंस की यहाँ पर प्लेइंग 11, गिल्ले टाइटंस की प्लेइंग 11 में आपको कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा।
अगर मैं रिसेंट मैच अगर रिसेंट दोस्तों अगर प्ले अगर मैच की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट मैच में यहाँ पर गिल्ले टाइटंस ने कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने इसी प्लेइंग 11 से दोस्तों जीत दर्ज करी थी। तो हमें देखना होगा कि जसिंसन का टीम मैनेजमेंट है वो प्लेइंग 11 में दोस्तों कोई भी हमें बदलाव नहीं देखने को मिल सकते, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर जितने गेंदबाजों ने यहाँ पर जो विकेट निकाले थे लास्ट के मैचों में उन्होंने बहुत ही सॉलिड तरीके से विकेट निकाले थे। मगर आपको बता देता हूँ कि हाँ से अगर यहाँ पर कोई भी दोस्त बता दे कि अगर यहाँ पर अगर बदलाव होता है तो बिल्कुल दोस्तों टॉस के बाद आपको बता दिया जाएगा। मगर मेरे हिसाब दोस्तों कि इसी प्लेइंग 11 के साथ यहाँ पर हो सकता है दोस्तों यहाँ पर रहा जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गिल्ले टाइटंस की जो यहाँ पर प्लेइंग 11 है दोस्तों आपको सामने दिख रही है तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे हिसाब दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हो सकती है। और इसी साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बता दें कि आपके मेरी आवाज़ दोस्तों चली गई थी, वो थोड़ी सी माइक प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर कमी आ गई थी दोस्तों, पता थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी जिसके कारण मेरी आवाज़ आपको नहीं आ पाई थी। और जब बाद में दोस्तों यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों तो हमें पता चला कि यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, भाई लोगों ने बताया कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मेरी आवाज़ मैंने आपको तब मेरे को पता चला, ऐसा मेरे को पता नहीं चला था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बताने के लिए, अगर आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दिया करिए। और उसी का दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिल्ले टाइटंस की प्लेइंग 11 में दोस्तों कोई भी बदलाव हमें नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले मैच में यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर मैच को जीता था। और उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 के अगर मैं बारे में बात करूँ तो प्लेइंग 11 दोस्तों आपको सबसे यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ पर जो कि बल्लेबाज विकेट कीपर हैं यहाँ पर देखना होगा दोस्तों कि वनुका राजपक्षा दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे दोस्तों। वनुका राजपक्षा आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और उसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि वनुका राजपक्षा ने यहाँ पर पिछले मैच में दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर आउट हो चुके थे, और हम चाहेंगे दोस्तों कि वनुका राजपक्षा दोस्तों इस मैच में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोस्तों अपनी टीम को शुरुआत दिलाएँ। आपको तदा देकर मैं पिछले मैच की अगर वनुका राजपक्षा की अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पर 7 मैचों में 7 बॉलों में दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 6 ही रन बनाए हैं वनुका राजपक्षा ने। पहले वनुका राजपक्षा को दोस्तों बता दें कि टीम मैनेजमेंट ने
और जसवीर सरकार ने उनको यहाँ पर 4 नंबर पे खिलाया था, फिर दोस्तों बता दें कि 3 नंबर पे खिलाया था, मगर उनका जो उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे उसके दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने उनको वहाँ पर ओपनिंग के लिए भेजा, मगर दोस्तों लगातार जो उनके बल्ले से यहाँ पर रन नहीं निकल रहे हैं तो उनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। मगर हमें नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो कि दिल्ली टाइटंस के लिए इन्होंने कोई भी बेहतरीन पारी खेली हो इस सीज़न में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्वालिफायर है, इंपॉर्टेंट मैच है, तो यहाँ पर भनुका राजपक्षा के बल्ले से हमें रन शायद निकलते हुए देखने को मिले, क्योंकि बड़ा प्लेयर है दोस्तों, बड़े मैच में यहाँ पर चल सकता है। और उसी साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि लसित कैप्सोल दोस्तों हमारे लसित कैप्सोल दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, मगर लसित कैप्सोल ने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करके दिखाई थी। पिछले मैच में 25 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर जड़ दिए थे, 25 बॉलों में दोस्तों जड़ दिए थे उन्होंने यहाँ पर 42 रन, 3 छक्के लगाए थे, क्या बेहतरीन छक्के थे दोस्तों, 4 चौके लगाए थे। और सिक्स में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों नितिन दास की यहाँ पर आपको वापसी होती हुई दोस्तों, नितिन दास की यहाँ पर वापसी हुई, तो नितिन दास भी दोस्तों 4 में यहाँ पर बहुत जल्दी आउट हो चुके थे दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर कवर मारने की कोशिश हुई। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो कि लिटन दास अगर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर खिलाड़ी है, अगर यहाँ पर समय लेकर पर अगर सही तरीके से अगर टिका रहेगा तो काफ़ी अच्छे रन हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी है तो यहाँ पर जानता है दोस्तों कि बड़े मैच में कैसे परफॉर्मेंस करता है, और कप्तान भी रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पर लिटन दास। तो हम चाहेंगे कि गिल्ली टाइटंस के लिए, गिल्ली टाइटंस जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, वो चाहेंगे कि यहाँ पर लिटन दास को एक मोटी रकम में खरीदा गया है, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर उस मोटी रकम को आज यहाँ पर वसूल करा जाए। मगर देखना होगा कि लिटन दास यहाँ पर किस तरह से खेलते दिखेंगे, अगर लास्ट इनके लास्ट परफॉर्मेंस मैच की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने खेला गया था, तो कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने इन्होंने 4 बॉलों में 1 ही रन बना पाया था, तो कहीं ना कहीं लिटन दास इस मैच में उनके बल्ले से रन जरूर देखने को मिल सकते हैं या नहीं वो दोस्तों मुझे नहीं पता है, मगर देखने का किस रन करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बात करें कि शाकिब अलहसन के 4th नंबर पर आए थे दोस्तों, बता दें कि एक और बांग्लादेशी के यहाँ पर बांग्लादेशी खिलाड़ी दोस्तों शाकिब अलहसन, ये भी दोस्तों बहुत ही यहाँ पर टैलेंटेड दोस्तों यहाँ पर ये बल्लेबाज दोस्तों ऐसा है, चाहे दोस्तों इससे यहाँ पर गेंदबाजी करवा लो, चाहे दोस्तों इससे बल्लेबाजी करवा लो, ये दोस्तों हर स्टेज में दोस्तों हर लेवल पर आपके लिए अच्छा ही प्रदर्शन करेगा। अगर पिछले मैच में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 15 बॉलों में दोस्तों 70 रन बना के, क्योंकि वहाँ पर रन इतनी यहाँ पर आवश्यक तेज गति के साथ खेलने के, क्योंकि 74 ही रन थे 120 बॉल में, तो यहाँ पर कोई भी दोस्तों बता दे कि यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी कि तेज बॉलों में यहाँ पर खेलने की। ये बल्लेबाज दोस्तों तेज गति से भी खेल सकता है, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जाफना किंग्स के साथ एक मैच याद आता है मुझे कि जाफना किंग्स के सामने यहाँ पर मुकाबला था, शायद मेरे हिसाब से 14वां मुकाबला था, तो यहाँ पर शाकिब अलहसन ने दोस्तों बता दें कि 1 ओवर में यहाँ पर 23 रन मारे थे दोस्तों, तो बहुत बेहतरीन ओवर था। और तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें अलहसन के पास काबिलियत है कि वो तेज गति के साथ रन बना सकते हैं। और उसी के साथ मैं शाकिब अलहसन ने लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेता हूँ, तो मैच की परफॉर्मेंस में 15 बॉल में दोस्तों 17 रन बनाए थे, और तो हम देखना होगा दोस्तों कि आज शाकिब अलहसन कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर शाकिब अलहसन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों बॉलिंग की, तो दोस्तों बॉलिंग में उन्होंने यहाँ पर 1 विकेट निकाला था दोस्तों, तो और वो विकेट था यहाँ पर आपको बाबर आजम का दोस्तों विकेट निकाला था। तो शाकिब अलहसन देखना होगा, शाकिब अलहसन के दोस्तों इस मैच में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पहले अगर जीतते हैं अगर दिल्ली टाइटंस दोस्तों, तो पहले बल्लेबाजी और फिर दोस्तों देखने को मिलेगा। और इसी का दोस्तों बता दें कि वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए वालचंद, उसके बाद दोस्तों बता दें कि हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर नजीबुल्लाह जादरान दोस्तों आपको इस प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेंगे, प्लेइंग 11 में दोस्तों आपको नजीबुल्लाह जादरान देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ में दोस्तों बात करें कि यहाँ पर क्योंकि नजीबुल्लाह जादरान दोस्तों अफगानिस्तान में यहाँ पर जो कि अफगानिस्तान के हैं इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे, मैं दोस्तों बता दें कि मैं पूरी प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ और खेलते हुए देख सकते हैं दोस्तों। अगर जिस तरह से अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर जो कि सेवन ड्रेवन ने जो वनका चर्चा के पड़ोस में दोस्तों उनका फोटो लगाया है, इनकी जगह पर यहाँ पर खेल सकते हैं। उसी तरह दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लहू साना आपको दोस्तों 5वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, टीम सेफर दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे वनका राजपक्षा के साथ, और कप्तान दशरथ शंका की किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। पिछले मैच में दशरथ शंका को दोस्तों यहाँ पर विकेट जो कि यहाँ पर बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, दशरथ शंका अगर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो दशरथ शंका दोस्तों एक तावड़ के बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि ये बल्लेबाज दोस्तों बहुत ही यहाँ पर टैलेंटेड बल्लेबाज है। इन्होंने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर हरा दिया था एशिया कप में,
यहाँ पर दोस्तों सरकार के पास दोस्तों टैलेंटेड है, यहाँ पर अनुभव है, और देखना होगा दोस्तों कि बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और वो बड़े मैच का यहाँ पर खिलाड़ी है तो हम चाहेंगे दोस्तों कि गिले टाइटंस मैच को दोस्तों यहाँ पर आसानी से जीते। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए। आप बात करते हैं दोस्तों अगर आपको देखा जाए कि मेरे हिसाब दोस्तों की डम्बला की टीम, अगर डम्बला की टीम पर दोस्तों एक बार नज़र बना के रखिएगा तो डम्बला की टीम भी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। इसी के साथ जय सियाराम भाई, जय सियाराम। डम्बला की टीम में दोस्तों आपको कुशल मेंडेस, पतुष्का फर्नांडो, वैन डोमट, एलेक्स रॉग, एमेंडे डिसल्वा, कुशल मनंथा, जयनंत लिंगे, फतीरा, हसन अली, विनो फर्नांडो और नूर अहमद जैसे दोस्तों बता दें कि गेंदबाज और बल्लेबाज दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। उसी का दोस्तों अगर मैं कुशल मेंडेस की अगर मैं पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ तो कुशल मेंडेस दोस्तों अंगूठे में चोट के कारण पिछले मैच में नहीं यहाँ पर खेल पाए थे, मगर दोस्तों अगर मैं अपडेट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों सुबह में हमें प्रैक्टिस करते हुए देखे थे यहाँ पर कुशल मेंडेस इस मैच में, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर डम्बला की टीम दोस्तों यहाँ पर पहले दोस्तों टॉप ऑन टेबल है, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि कप्तान जो प्रॉपर कप्तान है वो यहाँ पर कुशल मेंडेस आए। दोस्तों बता दें कि कुशल मेंडेस ने इस बार दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दोस्तों कप्तानी करते हुए दिखाई है, हम चाहेंगे दोस्तों कि बड़ा मैच है यहाँ पर कप्तान आए दोस्तों, कप्तान इस मैच को लीड करें, और उसके साथ में दोस्तों देखना होगा कि कप्तान किस तरह से खेलते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कप्तान के साथ आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे वनिष्का फर्नांडो। वनिष्का फर्नांडो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज था दोस्तों, जब यहाँ पर वनिष्का फर्नांडो ने यहाँ पर डेब्यू करा था तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से लय में थे, उन्होंने दोस्तों आते ही बिल्कुल तबाही मचा दी थी श्रीलंका प्रीमियर लीग में। उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उनको धीरे धीरे यहाँ पर डाउनफॉल आता है, पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि इनको मौके मिलते रहे मगर मौके मिलने के बाद दोस्तों उन मौक़ों को भुना नहीं पाए। और आपको बता दें कि दोस्तों उनको यहाँ पर टीम मैनेजमेंट और कुशल मेंडेस उनके ऊपर लगातार भरोसा जता रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों उनके जो बल्ले से रन है वो नहीं निकल रहे हैं। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो उनका दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पर जो कि आठ मुकाबले जो रिसेंट के दोस्तों आठ मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर वनिष्का फर्नांडो ने सिर्फ 205 रन ही बना पाए हैं दोस्तों आठ मुकाबलों में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वनिष्का फर्नांडो के लिए यहाँ पर जो कि थोड़ा सा खतरा यहाँ पर मंडरा सकता है कि अगर देखने का किस तरह से, मगर कुशल मेंडेस और वनिष्का फर्नांडो की बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती है। और यहाँ पर जो कि आपको मैं बता देता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में दोस्तों दोनों एक साथ खेलते रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुशल मेंडेस इनके ऊपर लगातार भरोसा यहाँ पर जताया जा रहा है वनिष्का फर्नांडो के ऊपर, मगर यहाँ पर वनिष्का फर्नांडो यहाँ पर उनको इस भरोसे को जीतना होगा और इस मैच में दोस्तों उनके बल्ले से रन निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वनिष्का फर्नांडो ने लास्ट मैच में यहाँ पर 27 ओवर में 41 रन बनाए थे। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे सदीरा। सदीरा दोस्तों बता दें कि सदीरा भी बहुत ही पिछले मैच में दोस्तों सदीरा आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे थे वनिष्का फर्नांडो के सामने। सदीरा ने दोस्तों बहुत ही बिल्कुल सदी हुई गेंदबाज बल्लेबाजी करी थी, सदीरा ने 26 बोलों का सामना करते हुए जड़ दिए थे यहाँ पर 31 रन। उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सदीरा देखेंगे कि इस मैच में किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि सदीरा इस बल्ले से एक बार फिर से रन निकले। मगर आपको दोस्तों प्लेइंग 11 के बारे में एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुशल मेंडिस और वनिष्का फर्नांडो आपको दोस्तों ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और उसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर शरीर आपको तीन नंबर पर आएंगे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए। चौथे नंबर पर दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे वैन डोमट, ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन बल्लेबाज। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों धनंजय डिसिल्वा। छठे नंबर पर दोस्तों आपको बल्लेबाजी करने के लिए देखने को मिलेंगे यहाँ पर एलेक्स रॉस है। फिर दोस्तों आपको सातवें नंबर पर बल्लेबाजी यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर दशम मिलन था, और सातवें नंबर पर दोस्तों जयनंत लिंगे। और उसके बाद दोस्तों हम फिर गेंदबाजी दोस्तों अलावा यहाँ पर बॉलर आ चुके हैं हसन अली आते हैं दोस्तों, वन फर्नांडो आते हैं, नूर अहमद दोस्तों लगातार है। नूर अहमद की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में T10 में दोस्तों नूर अहमद यहाँ पर बहुत ही दोस्तों बता दें कि सुर्खियाँ बटोरी थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया था, मगर इस बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में जैसे ही दोस्तों उनका आगमन हुआ, जैसे दोस्तों उनको चयन हुआ और काफ़ी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर काफ़ी दोस्तों बता दें कि इनको बड़ी रकम के साथ यहाँ पर डम्बला की टीम ने इनको परचेज किया है, मगर जिस तरह दोस्तों मोटी रकम देकर यहाँ पर जो कि नूर अहमद को ख़रीदा गया है उतने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उतना यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया नहीं, तो हम देखेंगे किस तरह करेंगे। इसी के साथ में नूर अहमद के हम चाहेंगे नूर अहमद यार बेहतरीन हमें गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि मैंने आपको दोस्तों हर अपडेट के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करने की दोस्तों के यहाँ पर क्वालिफायर है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा। बस टॉस की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों टॉस बस थोड़ी ही देर में होने वाला है,
और उत्सुक था दोस्तों बताने की यहाँ पर जो भी टॉस दोस्तों जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले सकता है। मगर दोस्तों मैं आज आपको गारंटी के साथ दोस्तों मैं दावा करके देता हूँ कि पहली बॉल से लेकर दोस्तों दूसरी बॉल तक आज जो मैं टीम बताऊँ उस टीम के साथ रहेगा। और दोस्तों बता दें कि आपको प्रॉफिट करके देता हूँ दोस्तों, देखिए 110% दोस्तों बता दूँ कि मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा। और जो पिछले मैच में मेरे कहने से आपको मेरी टीम यहाँ पर ज्वाइन करी थी उसमें दोस्तों वहाँ पर लॉस हो चुका था, मैं आपको बहुत बुरा लगा था कि मेरी वजह से आप लोगों का लॉस हुआ था, मेरा भी लॉस हुआ था भाई, मगर अपना लॉस का यहाँ पर नहीं लगता जितना दोस्तों आप लोगों का लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों का लॉस हुआ। तो यहाँ पर लव यू ऑल भाई लोगों, तो आप दोस्तों बता दें कि आपका यहाँ पर लॉस तो रिकवर करवाऊंगा, तो उसके साथ दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट भी करवा के दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं हमारी स्ट्रीम के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों टॉस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्त टॉस बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर हो जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों को इन्वाइट करते रहिएगा। और देखना होगा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पूरा दोस्तों श्रीलंका प्रीमियर लीग हम आपके साथ करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है, वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग हम आपके साथ करते रहेंगे। उसी के साथ दोस्तों 100 मैच जैसे दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग का यहाँ पर मुकाबले खत्म होंगे, मैं 100 लीग दोस्तों यहाँ पर करना शुरू कर दूंगा। और इसी साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल दोस्तों, जय सी आराम। और दोस्तों बता दें कि दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करते रहेगा। इसी साथ दोस्तों बता दें कि अभी तक आपने दिल्ली टाइटंस की प्लेइंग 11 तो नहीं बना के देखिए, तो प्लेइंग यहाँ पर प्लेइंग 11 को नजर बना लीजिएगा। मैच को हार जाती है, डब्ल्यू की टीम को हार जाती है तो वो यहाँ पर रुक जाएगी। उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वी लव कैंडी और जाफना किंग्स में से दोस्तों जो भी इस मैच को जो यहाँ पर हार जाता है वो चला जाएगा यहाँ पर बाहर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर टॉप टू टीमों के पास यहाँ पर एक एक बता दें कि एक एक जीवन दान और है, अगर पहला मैच को अगर हार जाते हैं तो उनके पास दोस्तों बता दें कि एक जीवन दान और है, मगर यहाँ पर तीसरी और चौथी जो टीम है वी लव कैंडी और जाफना किंग्स उनके पास यहाँ पर कोई भी मौका नहीं है, सिर्फ लास्ट मौके के अलावा। तो यहाँ पर देखना होगा कि जो कि आखिरी मुकाबला है यहाँ पर जो कि शाम को 7:30 बजे एलिमिनेटर मुकाबला है, देखेंगे कि उसमें कौन सी टीम बाजी मारती, क्या वी लव कैंडी या फिर जाफना किंग्स बाजी मारेगी। और इसी के साथ दोस्तों पॉइंट टेबल आपको दिखा दी है, पॉइंट टेबल को दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रन रेट देख लीजिए, उतना इसमें कुछ खास अब रहने वाला नहीं है क्योंकि डब्ल्यू की टीम, दिल्ली टाइटंस की टीम, वी लव कैंडी की टीम, जाफना किंग्स की टीम दोस्तों बता दें कि चारों टीम यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं। और जो जो बाहर हुई वो यहाँ पर
वहाँ पर राजन की टीम है दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स, वो बिल्कुल बाहर हो चुकी है। और इसी साल में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है पॉइंट्स टेबल, यहाँ पर पॉइंट्स टेबल दोस्तों आपको बता दी है। और उसी साल में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर चलिए अब हम ग्राउंड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपने नज़र बना के रखी होगी दोस्तों पिछले मैच में, अगर आप लोगों ने पिछले मैच को अगर ध्यान से देखा होगा तो पिछले मैच में दोस्तों फाइस्ट जो भी टीम ने दोस्तों टॉस को जीता था तो उसने दोस्तों यहाँ पर टॉस को जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का मौका लिया था। उसी के साथ में ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आपको टोटल जानकारी देते हैं। तो दोस्तों बता दें कि ये यहाँ पर प्रिंस राज स्टेडियम है कोलंबो का, ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है जो श्रीलंका के सबसे यहाँ पर बड़े बड़े मैदानों में से एक यहाँ पर मैदान है और काफ़ी अच्छे मैच यहाँ पर होते हैं, लगातार दोस्तों मैच होते रहते हैं। और यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग के शुरुआती 5 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए थे, उसके बाद लगातार दोस्तों जब वो अंतिम चरण आया है यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग का तो उसमें दोस्तों हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टोटल मैच इस ग्राउंड में प्रिंस राज स्टेडियम कोलंबो में दोस्तों ये मैदान है और टोटल इस ग्राउंड पर टोटल दोस्तों मैच यहाँ पर 35 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। उस 35 मैचों में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर 18 बार मुकाबले को जीती है और सेकंड में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो सेकंड में यहाँ पर बैटिंग करती है वो दोस्तों यहाँ पर 17 बार इस यहाँ पर मुकाबले को जीती है। और अगर मैं ड्रॉ की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ड्रॉ दोस्तों नहीं देखने को मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एवरेज की अगर इस पिच की इस ग्राउंड की अगर मैं एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों स्कोर यहाँ पर रहता है 147 का एवरेज रहता है। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जाफना किंग्स ने ज़रूर बनाया था और वहीं लोएस्ट स्कोर यहाँ पर डमला की टीम ने यहाँ पर गिले टाइटन्स के सामने बनाया था। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कि गिले टाइटन्स का जो यहाँ पर पड़ला है वो भारी है यहाँ पर डमला के सामने, तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पर गिले टाइटन्स यहाँ पर डमला की टीम को गिले टाइटन्स के गेंदबाजों से बच के ज़रूर रहना पड़ेगा भाई लोगों। और इसी समय इस टीम के साथ जुड़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और मैच से जुड़े हुए दोस्तों कोई भी सवाल है तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताते रहिएगा। और आप लोगों की क्या राय है इस ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में और अब आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि कितनी बार यहाँ पर 150 का स्कोर बना है, 18 बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 150 प्लस स्कोर बना है इस पिच इस ग्राउंड पर। अगर स्कोर बिटवीन की अगर मैं बात करूँ तो 150 से लेकर 169 तक तो 6 बार बना है। और वहीं स्कोर बिटवीन या 170 से 190 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दोस्तों बता दें कि 7 बार बना है। और वहीं दोस्तों अगर 190 के प्लस की मैं बात करूँ तो 190 की प्लस में यहाँ पर 4 बार बना है। और दोस्तों बता दें कि जब जब 190 बनता है ना भाई तब तक वह 200 रन चेस हो जाता है। बता दें कि यहाँ पर 190 4 बार बना है तो 4 बार में से दोस्तों 3 बार यहाँ पर जो कि चेस हुआ है। तो हम जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये पिच भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, मगर कहीं ना कहीं दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर जो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोनों टीमें चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इस मैच को जीते और अपना यहाँ पर सुरक्षित चली जाए यहाँ पर फाइनल में, मगर देखना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करनी है मगर दोस्तों बता दें कि अगर आपने जो कि 15 तारीख को जो यहाँ पर मुकाबला हुआ था तो आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपको देखने को मिलेगा जो पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होती है ना दोस्तों वो उतने रन यहाँ पर कुछ ज़्यादा रन नहीं बना पाई थी। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो यहाँ पर 15 तारीख को मैच हुआ था दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स और गिले टाइटन्स का, तो यहाँ पर पिच की कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स की गलती है, उनके बल्लेबाजों की गलती है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 74 रन पे 10 विकेट गिरा दिए थे यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स ने अपने यहाँ पर विकेट दे दिए थे गिले टाइटन्स के गेंदबाजों को। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच यहाँ पर क्योंकि दोस्तों बेकार है, पिच बेकार नहीं है, कोलंबो स्ट्राइकर्स की यहाँ पर बल्लेबाजी बेकार थी जिसके कारण यहाँ पर जो कि 10 विकेट चले गए। अगर उसके जवाब में गिले टाइटन्स ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया और 8 ही ओवर में उन्होंने 74 रन बना दिए थे, तो यहाँ पर उनकी पिच की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर जो गलती है दोस्तों वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर गेंद बल्लेबाजों की गलती है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये पिच दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अनुकूल साबित हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात कर लेती है, आप चलिए यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों बता दें कि आप अपने नाम को दोस्तों बचते रहिएगा और आप इस मैच को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों वो भी बताते रहिएगा और अपने दोस्तों बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। यूनिक आज उसका नाम है, मेरा नाम है दोस्तों राज और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो पिच रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा
तो दोस्तों ये पिच रिपोर्ट एक्सपर्ट के द्वारा निकल के आई है, इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्रेन सदा स्टेडियम यहाँ पर कोलंबो की ये पिच है। इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग एवरेज 147 प्लस का रहता है और क्रेन सदा स्टेडियम कोलंबो यहाँ पर इस पिच पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है। और जो भी दोस्तों इस यहाँ पर टॉस को यहाँ पर जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पर निर्णय लेती है और निर्णय के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मैच को भी अपने नाम करती है। और उसको दोस्तों बता दें कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि अगर ड्रीम इलेवन टीम अगर आप बनाते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम पर आप दोस्तों बता दें कि तेज गेंदबाजों को बिल्कुल आप रख सकते हैं। और कुछ तो ज़्यादा अगर पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ दोस्तों जब कोलंबो स्ट्राइकर और गिले टाइटंस की यहाँ पर गिले टाइटंस के यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों जहाँ पर विकेट गिरे लिए थे वहाँ पर जो कि तेज गेंदबाजों ने लिए थे दोस्तों और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बल्ले गेंदबाजी करी थी गिले टाइटंस ने। वहाँ पर गिले टाइटंस की जो अगर मैं बात करूँ दोस्तों गिले टाइटंस की तो अगर मैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में दोस्तों बता दें कि अगर मैं इस 2023 की अगर मैं पूरा सीज़न उठा के देखूँ तो सबसे तगड़ी जो यहाँ पर गेंदबाजी रही है तो वो वी लव कैंडी, उसके बाद दोस्तों बता दें दोस्तों यहाँ पर गिले टाइटंस की रही है। दोस्तों बता दें कि गिले टाइटंस की जो यहाँ पर बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत ही सॉलिड है। तो हम कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर गिले टाइटंस की गेंदबाजी से बच के रहना होगा डम्बला की टीम को। और इस गेंद अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है इस पिच पर, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। ये आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर साफू इस्लाम ने दोस्तों यहाँ पर 3 विकेट लिए थे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों साफू इस्लाम ने 3 विकेट लिए थे और उसी साल में दोस्तों महेश पथराना ने भी दोस्तों यहाँ पर 2 लिए थे विकेट उसी साल में। दोस्तों अगर मैं बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर गिले टाइटंस की अगर मैं गेंदबाजी के बारे में बात करता हूँ दोस्तों गिले टाइटंस की आपको नज़र बना के रखिएगा कि यहाँ पर कसुन राजस्थान ने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे, लहरू कुमारा ने 2 विकेट निकाले थे। और उसी साल में दोस्तों अगर मैं बताऊँ यहाँ पर परसराना ने 3 विकेट निकाले थे और तेवाज शमसी ने यहाँ पर जो कि स्पिन गेंदबाजी है दोस्तों उन्होंने 4 विकेट निकाले थे इस पिच पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कि सिर्फ और सिर्फ तेज गेंदबाजों को ही मौका मिल सकता है, मगर यहाँ पर जो कि मौका दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इस पिच पर यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 1-2 यहाँ पर गेंदबाज स्पिन गेंदबाज रख सकते हैं, मगर आप 4-204 या यहाँ पर 3 तेज गेंदबाजों को जरूर रखिएगा अपने ड्रीम इलेवन टीम में। और जिसकी बॉलिंग यहाँ पर जिसकी दोस्तों बता दें कि मेरे हिसाब से जो आपको जब यहाँ पर मैच शुरू होगा टॉस होगा तो दोस्तों मैं आपको टीम प्रोवाइड करूँगा दोस्तों पहली बॉल से आखिरी बॉल तक दोस्तों उस टीम के साथ रहेगा। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपको निराश नहीं करूँगा। लास्ट के 2 मैच हमें उन्हें पता है दोस्तों कि मेरी वजह से आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर उस नुकसान की आप दोस्तों बता दें कि यहाँ पर प्रॉफिट भी कराऊंगा और उस नुकसान की दोस्तों यहाँ पर भरपाई भी कर दूंगा। तो उसी का दोस्तों बता दें कि पिच रिपोर्ट की मैंने बात कर ली थी, आप बात करते हैं दोस्तों वेन्यू स्टेट की। वेन्यू स्टेट में दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पर जैसे दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर वेन्यू स्टेट में दोस्तों निकल के आया है कि 35 मुकाबले हैं इस मुकाबले में इस यहाँ पर खेले जा चुके हैं। 18 दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो टीम है दोस्तों 18 बार यहाँ पर फर्स्ट में टीम दोस्तों जीती है, फर्स्ट में बैटिंग करने वाली, सेकंड में दोस्तों 17 बार। और जो विनिंग परसेंटेज रहती है अगर विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मतभेद नहीं है ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं है, सिर्फ 4% का रहता है। 52% दोस्तों बता दें कि फर्स्ट टीम बैटिंग करने वाली जीती है और सेकेंड टीम दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 48% रहती है। और अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिले टाइटंस ने वी लव कैंडी के सामने दोस्तों 180 का बनाया था। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये दोस्तों मैदान भी श्रीलंका के दोस्तों बड़े बड़े मैदानों में से एक यहाँ पर माना जाता है। और इस पे ये ग्राउंड पे दोस्तों रन चेस होते हैं अगर यहाँ से दोस्तों 170-175 अगर बन भी जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों कि यहाँ पर डिफेंड हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों के पास इस तरह से बल्लेबाजी है दोस्तों कि वो आराम से इस यहाँ पर 170 प्लस के टारगेट को चेस कर लेंगे, मगर देखना होगा किस तरह से करेंगे। मगर मैं देखना होगा उसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इस ग्राउंड पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को दोस्तों मदद मिलती है तो यहाँ पर रन चेस भी हो सकता है अगर शुरुआती पावर प्ले को अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए दोनों जो बल्लेबाज हैं दोस्तों ओपनर बल्लेबाज हैं चाहे जो यहाँ पर गिले टाइटंस हो चाहे यहाँ पर डम्बला की टीम हो तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों टीमों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। मगर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा यहाँ पर टॉस
टॉस यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। और इसी के साथ दोस्तों बैन स्टेट की बात हो चुकी है दोस्तों, अब आते हैं जहाँ बात आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर तेज गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर तेज गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 10 मैचों को के बारे में अगर उठाया जाए श्रीलंका प्रीमियर लीग दोस्तों इस मुकाबले पे खेले गए शुरुआती 5 मुकाबले दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 6 मुकाबले मतलब मैं यहाँ पर 10 ही मुकाबले को लेकर यहाँ पर उठाया हूँ यहाँ पर मुद्दा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस पिच पर लास्ट के 10 मैचों में यहाँ पर 72 जो विकेट लिए हैं वो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने लिए हैं और जो यहाँ पर जो कि 36 जो विकेट लिए हैं वो स्पिन गेंदबाजों ने यहाँ पर लिया है। 36% यहाँ पर जो कि स्पिन गेंदबाज इस पिच पर चलते हैं और वहीं 72 दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि 64% यहाँ पर तेज गेंदबाज। और आपको बता दें कि 36% में दोस्तों पता है कौन कौन से यहाँ पर गेंदबाज आते हैं, तेवाज शमसी, बिंदु हशरंगा, इख्तियार अहमद और आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर और इसका नाम दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नवाज। और आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर मेरे मुझे पता है दोस्तों कि आप सब लोग यहाँ पर इंडियन है, कोई भी दोस्तों यहाँ पर अदर कंट्री का नहीं है, सब दोस्तों भारतीय हैं। तो उसी कारण दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के एक इख्तियार अहमद हैं, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक ऑफिशियली यहाँ पर जो कि एक ट्वीट करा था दोस्तों, मैं ट्वीट नहीं कराई कि यहाँ पर ट्वीट भी करा था उससे पहले दोस्तों बता दें कि उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम जब जब हमें इंडिया के सामने खेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों के सामने खेल रहे हैं, जैसे गली क्रिकेट के बच्चे होते हैं उनके सामने खेल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भारतीय जो यहाँ पर ट्विटर यूजर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल करा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाली गलौज करा दोस्तों उस ट्वीट पर और काफ़ी ज़्यादा उनको यहाँ पर ट्रोल करा जा रहा है सोशल मीडिया पर। जो उन्होंने कहा है अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इख्तियार अहमद को अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई करना चाहूँगा दोस्तों तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि इख्तियार अहमद की जो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप है ना, यहाँ पर विराट कोहली का तोड़ नहीं है उनके पास। तो इसी साथ दोस्तों बता दें कि इख्तियार अहमद को जो मैं खबर लूँगा तो मैं ले लूँगा दोस्तों शॉर्ट में, उनको टैग भी करूँगा। तो उसी साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ट्विटर पर दोस्तों उनको जवाब जरूर दूँगा मैं। और इसी साथ दोस्तों इख्तियार अहमद की बात करूँ तो इस पिच पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी में दोस्तों 4 गेंदबाज आपको विकेट लेते हुए देख सकते हैं इस पिच पर। उसी साथ में तेज गेंदबाजों का यहाँ पर बोलबाला रहता है और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज गेंदबाज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों बता दें कि तेज गेंदबाजों में अगर गिल्ले टाइटंस की अगर मैं बात करूँ तो गिल्ले टाइटंस में आप अपने लहरू कुमारा को रख सकते हैं कि लहरू कुमारा दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में। तो लहरू कुमारा को आप रख सकते हैं, कसुन रजता को रख सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता देता हूँ कि आप सुकना को भी रख सकते हैं, सुकना परसाना को भी रख सकते हैं। और इसी साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 3 गेंदबाज यहाँ पर जो कि लाओ यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों गिल्ले टाइटंस के। अगर वहीं दोस्तों अगर मैं डमुला के अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो डमुला की भी टीम दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करेगी। और इसी साथ दोस्तों देखने को किस तरह से अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखा जाए अगर तो यहाँ पर प्रमोद मोदशंका ने 2 विकेट निकाले थे, सहवाज धानी ने 1 विकेट निकाले थे, हेडन गेरन ने 1 विकेट निकाले थे दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर डहनिया डिसलमा ने 4 विकेट निकाले। तो आप 3 गेंद यहाँ पर आप 6 गेंदबाजों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बता दें कि 3 यहाँ पर तेज गेंदबाज 3 स्पिन गेंदबाज अगर ड्रीम इलेवन टीम अगर बनाते हैं तो आप रख सकते हैं, वरना दोस्तों कोई भी आप क्योंकि 2 गेंदबाजों का आप रख सकते हैं। और इसी साल में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों स्पिन गेंदबाजों के बारे में आप समझ चुके हैं दोस्तों। और इसके अगर बता दें कि ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच यहाँ पर क्योंकि बॉलिंग पिच है, ये पिच यहाँ पर बैटिंग पिच है। अगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दोनों टीमों में से दोस्तों जो भी बल्लेबाज अगर यहाँ पर स्पिन के यहाँ पर स्पिन को अच्छा खेल सकता है दोस्तों, उछाल को अच्छा खेल सकता है और यहाँ पर स्विंग को दोस्तों अच्छा खेल सकता है तो दोस्तों बता दें कि उस ये पिच दोस्तों उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। इस पिच पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रन है और आपको बता दें कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में जो यहाँ पर शतक बनाया गया था बाबर आजम के द्वारा दोस्तों वो यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम के इसी ग्राउंड पर इसी पिच पर दोस्तों बनाया गया था। तो बाबर आजम दोस्तों वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बल्लेबाज है। तो दोस्तों बता दें कि अगर यहाँ पर अगर कोई बल्लेबाज दोस्तों बाबर आजम जैसा है यहाँ पर दोनों टीमों में थे दोस्तों तो ये पिच यहाँ पर उसके लिए बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है। और उसी साल में देखा जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन से बल्लेबाज दोस्तों इस मैच में दोस्तों हाईएस्ट स्कोर हमें देखने को मिलेगा। और उसी का दोस्तों बात कर लेते हैं, अब बात आती है दोस्तों मौसम, अगर मौसम की अगर मैं बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो कि कल के दिन मुकाबला नहीं था तो कल के मुकाबले में दोस्तों बता दें कि प्रेम सदा स्टेडियम में थोड़ी सी यहाँ पर हल्की फुल्की जो बारिश हमें देखने को मिली थी। मगर अगर आज के मैं अगर मौसम के बारे में बात करूँ तो ये दोपहर का मौसम है दोस्तों, यहाँ पर 45% हमें ह्यूमिडिटी है
और यहाँ पर 35% दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि टेम्परेचर है, और यहाँ पर 13% दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि बाद यहाँ पर बादल आ सकते हैं, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ठंडी ठंडी यहाँ पर हवाएं भी महसूस हो रही है दोस्तों। और उसी समय दोस्तों बता दें कि अभी तक मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्वालिफायर है, और क्वालिफायर में दोस्तों दोनों यहाँ पर पूरे के पूरे 40 ओवर हमें देखने को मिले। और इसी समय दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि अभी अभी तो दोस्तों हवा चल रही है, और यहाँ पर अभी धूप नहीं खिली है, मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मौसम विभाग के अगर मौसम यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के अगर मैं देखूँ तो वेदर रिपोर्ट में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में ये मुकाबला दोस्तों बता दें कि ये यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और उसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि हमें पूरे के पूरे 40 ओवर हमें देखने को मिले। उसी के साथ दोस्तों बता दें कि आप इस टीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर दोस्तों बता दें कि अगर आपको थोड़ी सी भी स्ट्रीम अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 का, यहाँ पर प्लेइंग 11 दोस्तों सबको यहाँ पर प्यार रहता है, मगर उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर प्यार चल से यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों बता दें कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नया नया चैनल ओपन करा दोस्तों, तो आपके प्यार आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसी से दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 को दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। पहले दोस्तों आपको आते हैं गिले टाइटंस की, यहाँ पर प्लेइंग 11 गिले टाइटंस की प्लेइंग 11 में आपको कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं रिसेंट मैच अगर रिसेंट दोस्तों अगर मैच की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट मैच में यहाँ पर गिले टाइटंस ने कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने इसी प्लेइंग 11 से दोस्तों जीत दर्ज करी थी। तो हमें देखना होगा कि जसन सन का टीम मैनेजमेंट है वो प्लेइंग 11 में दोस्तों कोई भी हमें बदलाव नहीं देखने को मिल सकते, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर जितने गेंदबाजों ने यहाँ पर जो विकेट निकाले थे लास्ट के मैच में उन्होंने बहुत ही सॉलिड तरीके से विकेट निकाले थे। मगर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर यहाँ पर कोई भी दोस्त बता दें कि अगर यहाँ पर अगर बदलाव होता है तो बिल्कुल दोस्तों टॉस के बाद आपको बता दिया जाएगा। मगर मेरे हिसाब से दोस्तों कि इसी प्लेइंग 11 के साथ यहाँ पर हो सकता है दोस्तों यहाँ पर रहा जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गिले टाइटंस की जो यहाँ पर प्लेइंग 11 है दोस्तों आपके सामने दिख रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों बता दें कि आपके मेरी आवाज़ दोस्तों चली गई थी, वो थोड़ी सी माइक प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर कमी आ गई थी दोस्तों, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी जिसके कारण मेरी आवाज़ आपको नहीं आ पाई थी। और जब बाद में दोस्तों यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों तो हमें पता चला कि यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो भाई लोगों ने बताया कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
मेरी आवाज़ मैंने आपको तब मेरे को पता चला, ऐसे मेरे को पता नहीं चला था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बताने के लिए। अगर आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दिया करिए। और उसी का दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिले टाइटर्स की प्लेइंग 11 में दोस्तों कोई भी बदलाव हमें नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर मैच को जीता था। और उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 के अगर मैं बारे में बात करूँ तो प्लेइंग 11 दोस्तों आपको सबसे यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ पर जो कि बल्लेबाज विकेट कीपर है यहाँ पर आप देखना होगा दोस्तों कि वनका राजपक्षा दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे दोस्तों। वनका राजपक्षा आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और उसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि वनका राजपक्षा ने यहाँ पर पिछले मैच में दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर आउट हो चुके थे। और हम चाहेंगे दोस्तों कि वनका राजपक्षा दोस्तों इस मैच में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोस्तों अपनी टीम को शुरुआत दिलाएँ। आपको तदा जाकर मैं पिछले मैच की अगर वनका राजपक्षा की अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पर 7 मैचों में 7 बॉल में दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 6 ही रन बनाए हैं वनका राजपक्षा में। पहले वनका राजपक्षा को दोस्तों बता दें कि टीम मैनेजमेंट ने और जसवीर शंका ने उनको यहाँ पर 4 नंबर पर खिलाया था, फिर दोस्तों बता दें कि 3 नंबर पर खिलाया था, मगर उनका उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे। उसके दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने उनको यहाँ पर ओपनिंग के लिए भेजा, मगर दोस्तों लगातार उनके बल्ले से यहाँ पर रन नहीं निकल रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। मगर हमें नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो कि गिले टाइटंस के लिए इन्होंने कोई भी बेहतरीन पारी खेली हो इस सीज़न में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्वालिफायर है, इंपॉर्टेंट मैच है, तो यहाँ पर वनका राजपक्षा के बल्ले से हमें रन शायद निकलते हुए देखने को मिले, क्योंकि बड़ा प्लेयर है दोस्तों, बड़े मैच में यहाँ पर चल सकता है। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि लसित कैप्सोल दोस्तों हमारे लसित कैप्सोल दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। मगर लसित कैप्सोल ने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करके दिखाई थी पिछले मैच में। 25 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर जड़ दिए थे 25 बॉलों में दोस्तों जड़ दिए थे उन्होंने यहाँ पर 42 रन, 3 छक्के लगाए थे, क्या बेहतरीन छक्के थे दोस्तों, और 4 चौके लगाए थे। और सिक्स रन दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों नितिन दास की यहाँ पर आपको वापसी होती हुई दोस्तों नितिन दास की यहाँ पर वापसी हुई, तो नितिन दास भी दोस्तों 4 में यहाँ पर बहुत जल्दी आउट हो चुके थे दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर कवर मारने की कोशिश हुई। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो कि नितिन दास अगर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर खिलाड़ी है, अगर यहाँ पर समय लेकर अगर पिच पर अगर सही तरीके से अगर इसी के साथ दोस्तों मैं एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो टॉस की अगर मैं टॉस अपडेट के बात कर लेता हूँ, जिन लोगों को अगर टॉस अपडेट नहीं पता तो दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर डम्बला की टीम ने टॉस जीतकर पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। वैसे दोस्तों बता दें कि ये पिच के अनुसार और इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो भी दोस्तों टॉस को जीता है, जो भी टीम दोस्तों टॉस को यहाँ पर जीतती है तो पहले दोस्तों बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है। मगर आज हमें ऐसा नहीं देखने को मिला है, आज हमें उल्टा कुछ देखने को मिला है। मगर देखा जाएगा किस तरह से दोस्तों बल्लेबाजी करी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर रही है दोस्तों गिले टाइटंस, और देखना होगा गिले टाइटंस किस तरह से यहाँ पर वापसी करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि गिले टाइटंस का स्कोर हो चुका है 35 पर 2 विकेट के नुकसान पर, और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों एक बार फिर से डम्बला की टीम ने अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए निकाल दिए हैं 2 विकेट। एक बार फिर से दोस्तों शाकिब अल हसन यहाँ पर 5 बॉलों में 2-4 रन बना के खेल रहे हैं। उसी के साथ में यहाँ पर लसित कैप्सोल यहाँ पर 15 बॉलों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर अपनी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली जा रही है, मगर लगातार आज ऐसा लग रहा है कि हसन अली थोड़े से महंगे साबित दिख रहे हैं। और पहले ओवर में इन्होंने यहाँ पर जो रन थे वो यहाँ पर रन दिए थे दोस्तों 13 से 14 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, उसके बाद अब तक दे चुके हैं यहाँ से 8 रन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता सकें कि यहाँ पर हसन अली का थोड़ा सा दिन नहीं रहा है, तो मगर देखा जाएगा किस तरह से करेंगे। मगर यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई है, मगर ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि गिले टाइटंस ने यहाँ पर थोड़ी सी जो खराब बल्लेबाजी करके दिखाई है। यहाँ पर रन रेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर रन रेट 60.60 का चल रहा है, और यहाँ पर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं 5 ओवर के साथ। टीम का स्कोर यहाँ पर 38 पर 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक शाकिब अल हसन रखेंगे, मगर देखना होगा कि शाकिब अल हसन ने और यहाँ पर कैप्सोल ने यहाँ पर पिछले मैच में यहाँ पर जो कि डम्बला की टीम को यहाँ पर जीत माफी चाहूँगा दोस्तों गिले टाइटंस को यहाँ पर जीत के दहलीज पर लेके गए थे। क्या एक बार फिर से शाकिब अल हसन और कैप्सोल क्या जीत की दहलीज पर लेके जा पाएंगे यहाँ पर गिले टाइटंस को। मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए,
देख दो भी टीम दोस्तों वहां पर मिस मैच। जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो जाएगी दोस्तों सीधे फाइनल में, और जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी वो इसको बता दे आप लोगों को कि एक चांस और मिलेगा कि यहाँ पर फाइनल में जाने के लिए। मगर देखा जाएगा कि यहाँ पर दोनों टीमें चाहेंगी कि यहाँ पर आसानी से यहाँ पर पहले ही मुकाबले में अपनी टीम को दोस्तों जीत की दहलीज पर लेकर जाए। और इसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि टीम का स्कोर यहाँ से 38/2 विकेट, टीम का स्कोर दोस्तों हो चुका है यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखा जाएगा किस तरह से मैच को आगे लेकर चलते हैं। इसी के साथ में वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, और देखना होगा किस तरह से मैच को आगे लेकर बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर में जितने रन बनने चाहिए थे। इसी के साथ में पिछले मैच के यहाँ पर मैन ऑफ द मैच धनंजय डिसलवा लेकर आ चुके हैं, मगर धनंजय डिसलवा की गेंदबाजी से बचना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी के साथ में ओवर द विकेट से पहली बॉल लाने के लिए तैयार हैं, सामना करेंगे एक एस बॉल ओवर द विकेट से, बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलना होगा। गेंद फंस के जरूर आएगी जितनी ही 5-30 गेंदों का खेल हुआ है। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल राउंड द विकेट से कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेगा तब तक आसानी से एक रन चुरा लिया गया है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 39/2 विकेट के नुकसान पर, एक रन आ चुका है पहली गेंद पर। और अगर मैं आपको बता दूं कि धनंजय डिसलवा की अगर मैं बात करूँ तो धनंजय डिसलवा ने अपने पहले जो उससे पिछला मुकाबला हुआ था उसमें दोस्तों बता रहे कि इन्होंने यहाँ पर 4 विकेट लिए थे 4 ओवर में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई थी। मगर देखना होगा कि आज दोस्तों वो किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, मगर जिस तरह से दोनों बल्लेबाज अभी बेहतरीन लय में खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों के सामने यहाँ पर चुनौती होगी धनंजय डिसलवा की। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार हैं यहाँ पर साकिब अलीशान, अगली बॉल दोस्तों कट करने की कोशिश पॉइंट के दिशा में, यहाँ पर रन लेने का कोई भी मौका नहीं। इसी के साथ यहाँ पर डॉट गेंद हो जाएगी, डॉट गेंद भी चल रही है, टीम का स्कोर भी अभी यहाँ पर 29 रन पर यहाँ पर रुका हुआ है। और एक बार फिर से दोस्तों गेंद लाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं धनंजय डिसलवा, मगर यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलते हुए आसानी से एक रन प्राप्त हुआ। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा 40/2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जिस तरह से खेल रहे हैं, मगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिटिन दास एक अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों लिटिन दास यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। एक बार फिर दोस्तों लिटिन दास ने अपनी टीम को यहाँ पर निराश करा, 7 बॉलों में 8 रन का योगदान जरूर दिया है, मगर उनकी एक अच्छी पारी की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वो एक अच्छी पारी खेल पाए, मगर अच्छी पारी तो थोड़ी है दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर एक सम्मानजनक स्कोर भी नहीं वो बना पाए, जिसके कारण बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर 41/2 विकेट के नुकसान पर। ये पावर प्ले की आखिरी बॉल बची है और साकिब अलीशान इस पावर प्ले की आखिरी बॉल को खेलने के लिए तैयार हैं। देखा जाएगा कि पावर प्ले की आखिरी बॉल को किस तरह से खेलेंगे, क्या बड़ा शॉट लगाया जाएगा इस आखिरी बॉल पर। मैं कोशिश तो है कि यहाँ पर हो सकती है साकिब अलीशान की। इसी के साथ में ओवर द विकेट से तैयार हैं गेंद लाने के लिए कदमों का इस्तेमाल करके, और राउंड द विकेट से दोस्तों क्या ऑन द राइट शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गया है इस आखिरी बॉल पर। इसी आखिरी बॉल के साथ दोस्तों बता दें कि साकिब अलीशान ने आखिरी बॉल पर पावर प्ले का बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से फायदा उठाया। इसी के साथ आपको बता दें कि 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6 ओवर के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर पहुँचा दिया है 45/2 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, मैच से जुड़ा कोई भी सवाल है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर धनंजय डिसलवा के पहले ओवर में हमें देखने को मिले हैं 7 रन और 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पार्टनरशिप 17 बॉलों में 20 रन की हो चुकी है। करंट रन रेट पर आप नज़र बना के रखिएगा तो करंट रन रेट भी दोस्तों उतना डिसेंट चल रहा है, उतना नहीं कहते अच्छा, ना ही उतना ख़राब चल रहा है, ना ही उतना अच्छा चल रहा है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो मान लो जितना भी चल रहा है सही चल रहा है। इसी के साथ में स्पिन बॉलर यहाँ पर स्पिन बॉलर आते हुए यहाँ पर अफगानी खिलाड़ी नूर अहमद को दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि श्रीलंका की यहाँ पर टीम ने बहुत ही ज़्यादा गिल्ले टाइट यहाँ पर अगर डम्बुला की टीम के ओनर हैं यहाँ पर नूर अहमद को काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम में इनको ख़रीदा गया है। मगर मैं बात करूँ दोस्तों तो नूर अहमद ने जितने रुपए लिए हैं उतने यहाँ पर जो कि काम करके नहीं दिया। मगर देखा जाएगा दोस्तों किस तरह से हम करेंगे। और सिक्स साथ दोस्तों अगर मैं टीम के स्कोर की बात करूँ अगर मैं टीम स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो आप देख लीजिए, नजर बना के रखिएगा
इस तरह से यहाँ पर लेके चलते हैं। और शिक्षा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है, पावर प्ले समाप्त होने के साथ और जो स्कोर भी बनेगा दोस्तों वो वहाँ पर उतना नहीं कह सकते हैं। और सिक्स में देखेंगे कितना यहाँ पर जो कि टारगेट दोनों टीमों के बीच यहाँ पर रखता है कि यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो गिल्ली टाइटन्स के कप्तान हैं यहाँ पर जोशी शनका, वो देखना होगा कब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और क्या उनकी टीम और क्या मैनेजमेंट के हिसाब से कितना टारगेट सही रहेगा। और यहाँ पर इस पिच पर मगर जिस तरह से यहाँ पर 2 विकेट गिरे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ पर 190 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर रन रेट जो है वो चल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 190 या 100 या 220 तक यहाँ पर हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कि अगर यहाँ पर अच्छी शुरुआत होती तो हम बिल्कुल कह सकते थे कि यहाँ पर एक अच्छा टारगेट बन सकता है। मगर इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 47 2 विकेट के नुकसान पर। और आपको बता दें कि दोस्तों खेद है थोड़ा सा, क्योंकि बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में तब्दीली होती हुई, आपको स्कोर बोर्ड में यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ जिसके कारण दोस्तों आपको आसानी हो स्कोर बोर्ड के लिए। इसी के साथ दोस्तों अगर मैच से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट में कह सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आज जो टीम रहेगी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैच में शुरुआती मैच जो अपनी टीम रहेगी, आज दोस्तों बता देता हूँ कि आज अपनी टीम कौन सी रहेगी। उसके साथ दोस्तों अगर मैं अपडेट की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर अपडेट निकल के आया है कि कौन सी टीम आज इस मैच में बाजी मारेगी, कि कौन सी टीम को आज सपोर्ट करेंगे। तो भाई लोगों एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या अपडेट निकल के आया है और कौन सी टीम दोस्तों आज इस मैच में बाजी मारते हुए दिखेगी। दोस्तों अभी तो अपडेट नहीं आया है और जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी टीम किस टीम के साथ रहेगा, मगर अभी अपडेट नहीं आया। अपडेट के साथ ही रहेगा दोस्तों, जो मैं बोलूँ अपने भाई के साथ बस सुनना, कहीं और मत जाना। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर स्कोर बोर्ड में तब्दीली हो रही है मेरे टीम मेट्स स्कोर बोर्ड को यहाँ पर सही करते हुए फटाफट। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर देखा जाएगा किस तरह से मैच को आगे लेके बढ़ते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चौका, इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा दोस्तों 52 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर नूर अहमद अब तक 4 बॉलों में दे चुके हैं 7 रन। कहीं ना कहीं नूर अहमद अभी तक दोस्तों थोड़े से महंगे साबित होते जरूर दिख रहे हैं, अभी भी यहाँ से 2 गेंदें शेष बची हैं। इसी के साथ में कैश बॉल राउंड द विकेट से पैडों पर गेंद अपील करी है दोस्तों, क्या यहाँ पर रिव्यू लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है कि रिव्यू यहाँ पर ले सकते हैं, मगर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों बता दें कि अपील करी है दोस्तों। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर बातचीत कर रही है दोस्तों बता दें कि जो यहाँ पर डबलक है जो कप्तान है उनके दोस्तों वहाँ पर बातचीत चल रही है, मगर यहाँ पर रिव्यू नहीं लिया गया। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ पर हो चुका है 52 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी विशेष यहाँ से 1 गेंद बची हुई है और देखने जाएगा कि शेष 1 गेंद को किस तरह से लेकर बढ़ते हैं। अभी भी दोस्तों बता दें कि कैश बॉल तैयार हैं, 21 बॉलों में यहाँ पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। नूर अहमद की आखिरी बॉल ओवर द विकेट से ओवर यहाँ पर गेंद तो ओवर द विकेट से लेकर आए थे, मगर गेंद को काफ़ी ओवर पहुँचा दिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर आगाज चौके के साथ अंजाम चौके के साथ इसी के साथ चौके के साथ टीम का स्कोर पहुँच चुका है 56 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, धीरे धीरे यहाँ पर दोनों गिल्ली टाइटंस के बल्लेबाज यहाँ पर लय प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि 7 ओवर हो चुके हैं, 7 ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 56 पर 2 विकेट के नुकसान पर। यह पार्टनरशिप धीरे धीरे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर डमला टीम के लिए थोड़ा सा यहाँ पर खतरा बन के ज़रूर आ रही है और कहीं ना कहीं देखने का किस तरह करेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गिल्ली टाइटंस यहाँ पर फाइट यहाँ पर दोबारा से दोस्तों फाइट कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अभी तक जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करके दिखाई है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 57 पर 2 विकेट के नुकसान पर। कैप्सो और 22 बॉलों में वहाँ पर 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। और वहीं धनंजय डिसलवा की बात करूं दोस्तों तो अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही तगड़ी यहाँ पर गेंदबाजी करी थी। मगर मैं अगर धनंजय डिसलवा के बारे में बात करता हूँ तो ये खिलाड़ी दोस्तों हर फॉर्मेट में फिट हो जाता है, चाहे टेस्ट में चाहे वनडे में चाहे T20 में। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर धनंजय डिसलवा बॉलिंग भी बहुत सुंदर करते हैं और यहाँ पर बैटिंग तो यहाँ पर अलग ही है। तो इसी के साथ में यहाँ पर अगली बॉल राउंड द विकेट से एक बार फिर से तैयार हैं, लगातार राउंड द विकेट से गेंदबाजी जारी है यहाँ पर गिल्ली टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए। इसी के साथ में कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है ओवर द विकेट, आसानी से 1 रन प्राप्त हुआ, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से 58 पर
58 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से 4 बॉलें बची हैं यहाँ पर धनंजय डिसूजा की। मगर पिछले ओवर में अगर धनंजय डिसूजा के अगर मैं इकॉनमी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो पिछले मैच में यहाँ पर पिछले ओवर में यहाँ पर जो कि धनंजय डिसूजा ने सिर्फ 7 रन दिए थे अपने ओवर में, बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन था। और जो लास्ट विकेट अगर देखा जाए तो लास्ट विकेट यहाँ पर जो कि डिसूजा का जरूर था। इसी के साथ में टीम का स्कोर यहाँ पर तैयार है। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ओवर थ्रो यहाँ पर कप्तान ओवर थ्रो मरा, एक और आसानी से रन प्राप्त हुआ। एक बार फिर से दोस्तों धनंजय डिसूजा तैयार हैं गेंद लाने के लिए, टैप टॉल के लिए ओवर द विकेट से। देखें माफी चाहूंगा दोस्तों, इस बार अपने छोर को बदला है, राउंड द विकेट से आए कदमों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, खेला है स्लॉक स्वे दोस्तों, बंद बाउंस चौके के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 63 पर गिल्ले टाइटंस। यहाँ पर कैस्ट बॉल कैप बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। इसी के साथ में 24 बॉलों में यहाँ पर 39 रन बन चुका है टीम का स्कोर 63 पर 2 विकेट के नुकसान पर। साकिब अल हसन 12 बॉलों में दोस्तों 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि ये बल्लेबाजी बिल्कुल यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है। मगर कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है कि बता दें कि गिल्ले टाइटंस जो अपनी है दोस्तों, बता दें कि जो मैं आपको बता दूँ कि आज कौन सी टीम अपने साथ रहेगी दोस्तों, बता दें कि आज अभी तो अपडेट नहीं आया है कि किस कौन सी टीम रहेगी। मगर जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग दोस्तों कौन सी टीम के साथ रहेगा। और आपको बता दें कि कौन सी टीम आज भाई अपनी है, अपनी टीम कौन सी रहेगी भाई, मैं आपको बता देता हूँ भाई। अपडेट आ चुकी है, मैं आपको बता दूँ कि भाई अपडेट आ चुकी है। अपडेट ये निकल के आई है दोस्तों, बता दें कि आज हम अपने गिल्ले टाइटंस को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, गिल्ले टाइटंस को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक। तो इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि आप गिल्ले टाइटंस के साथ बने रहिएगा यहाँ पर पहली बॉल से आखिरी बॉल तक। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आखिरी बॉल पर यहाँ पर लिया गया सिंगल, इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा 65 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है यहाँ पर बल्लेबाजों की, यहाँ पर क्या बेहतरीन तारीफ के काबिल दोस्तों। इसी के साथ में 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यहाँ पर आखिरी बॉल पर लिया गया है यहाँ पर टुक्का, टुक्के चलते दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा 67 पर। इसी 67 के साथ दोस्तों बता दें कि आपको बता दें कि मैंने जैसे ही बताया था कि पहली बॉल से आखिरी बॉल तक जिस टीम के साथ रहेगा वो टीम आपको बता देने दोस्तों, टीम है दोस्तों अपनी गिल्ले टाइटंस। इसी के साथ में दोस्तों 8 ओवर हो चुके हैं, 8 ओवर के साथ यहाँ पर अंपायर ने कर दिया है टाइम आउट की घोषणा। 8 ओवर में दोस्तों टीम का स्कोर 67 बना है 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर क्वालिफायर 1 खेला जा रहा है, साकिब अल हसन 12 बॉलों में 15 रन बनाकर 125 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साकिब अल हसन थोड़ा सा धीमे जरूर खेल रहे हैं। अगर वहीं कैप्सोल की बात करें तो कैप्सोल दोस्तों एक तरफ से अपनी लाठी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ 27 बॉलों में 43 रन की पारी, मतलब 6 चौके 160 के स्ट्राइक रेट से। और धनंजय डिसूजा ने यहाँ पर पिछले मैच में दोस्तों 4 विकेट लिए थे यहाँ पर बहुत ही तगड़ी तरीके से, यहाँ पर जो कि उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई थी। मगर इस मैच में दोस्तों उतनी गेंदबाजी नहीं देखने को मिली है। और आपको बता दें कि 2 ओवर में टीम का यहाँ पर 2 ओवर में धनंजय डिसूजा ने 18 रन जरूर दिए हैं। मगर देखा जाएगा कि दोस्तों आने वाले 2 ओवर किस तरह करेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत की बात हो जाएगी अगर इसी तरीके से ये पार्टनरशिप, आपको बता दी था कि ये पार्टनरशिप यहाँ पर 42 रन की हो चुकी है 29 बॉलों में। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये पार्टनरशिप और यहाँ पर बड़ी बंदा जैसे जैसे यहाँ पर जो कि पार्टनरशिप बिल्ड होती रहेगी वैसे वैसे यहाँ पर खतरा बढ़ता रहेगा यहाँ पर डंबलम टीम के लिए। क्योंकि बता दें कि यहाँ पर जो कि डंबलम टीम ने यहाँ पर पहले ही गलती कर दी है, तो यहाँ पर टॉस को यहाँ पर जीता है तो उन्होंने यहाँ पर जो कि गेंद बल्लेबाजी करने के अलावा उन्होंने गेंदबाजी यहाँ पर चुनी है, और गेंदबाजी चुनी है। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर देखना होगा किस तरह करेंगे, कौन से माइंडसेट के साथ, किस मैनेजमेंट के साथ, पता नहीं यहाँ पर दो ही लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट जानती है या फिर यहाँ पर जो कि डम्बला के कप्तान हैं वो जानते हैं कि उन्होंने टॉस जीतकर यहाँ पर बल्लेबाजी गेंदबाजी पहले क्यों चुनी है, देखना होगा। सिक्स में यहाँ पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 8 ओवर में दोस्तों टीम का स्कोर बना है 67 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब 12 ओवर का खेल बचा है पहली पारी को समाप्त होने में, और देखा जाएगा किस तरह करेंगे। साकिब अल हसन 12 बॉलों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले लास्ट के 2 मैचों के लिए मैं दोस्तों तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर लास्ट के 2 मैचों में यहाँ पर भी एक यहाँ पर जो कि कोलंबो स्ट्राइकर्स और बी लव कैंडी के मैच दोस्तों बता दें कि लास्ट के 2 मैच फेल हो गए थे। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि यार लास्ट के 2 मैच हम पास करें। तो इसी सन में पहली बॉल से आखिरी बॉल तक जुड़े रहिए यहाँ पर गिल्ले टाइटंस के लिए। इसी सन में 8 ओवर यहाँ पर गिल्ले टाइटंस के साथ सपोर्ट करिए, और यहाँ पर गिल्ले टाइटंस की जो टीम है दोस्तों वो बिल्कुल इस मैच को अपने नाम करेगी। तो इसी के साथ दोस्तों गिल्ले टाइटंस को सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि बता दें कि गिल्ले टाइटंस इस मैच को जीतेगी और अपना जैकपॉट बना देगी। क्योंकि बता दें दोस्तों जैकपॉट यहाँ पर बन चुका था, अभी नहीं बनाया दोस्तों जैकपॉट, क्योंकि यहाँ होता है कि जब अपडेट आई, जब यहाँ पर देखा गया है कि गिल्ले टाइटंस एक
कम बैक करेगी, तो कम बैक यहाँ पर करा है अगले टाइटन्स ने। तो यहाँ पर जैसे जैसे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर डम्बुला की टीम फेवरेट आती जाए, वैसे वैसे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गिले टाइटन्स को प्लस करते जाइए। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि हम गिले टाइटन्स को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे पहली बॉल से आखिरी बॉल तक, जितना मन हो आपका दिल खोल के, मगर इतना भी नहीं यार भाई कि अपना घर ही लगा दो यार। तो जितना जितनी लिमिट हो यहाँ पर, जैसे 10 की हो या 20 की हो या 5 की हो, 8 की हो, 7 की हो, जितनी आपकी लिमिट हो उतनी करिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दो मुकाबले हैं भाई। आप ऐसा लगाइएगा कि यहाँ पर दोनों मुकाबले में आपका प्रॉफिट बन जाए दोनों, ठीक है? तो आप एक ही मैच में सारा पैसा मत लगाइएगा, यहाँ पर दो मुकाबले हैं, तो हम चाहेंगे दोस्तों दोनों मुकाबले को अपने नाम कराता है। तो इसी के साथ में 8 ओवर हो चुके हैं, 8 ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है 67 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और आपको बता दें कि यहाँ से जो पावर प्ले है, जो टाइम आउट है, वो समाप्त हो चुका है। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि हेमंता यहाँ पर, धनंजय हेमंता दोस्तों आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। हेमंता ने राउंड द विकेट, तो दोस्तों यहाँ पर साकिब अल हसन ने एक साथ कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है ओवर द विकेट, मगर यहाँ पर बल्ले से दोस्तों सही तरीके से कनेक्ट तो हुई, यहाँ पर आवाज़ भी बहुत ही मधुर आई, मगर यहाँ पर जो संपर्क होना चाहिए था दोस्तों, जो यहाँ पर गैप मिलना चाहिए था वो गैप नहीं मिला, जिसके कारण दोस्तों आसानी से एक ही रन प्राप्त होगा। इसी आगे एक ही रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 68 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और कैश पॉल के पास स्ट्राइक आ चुके हैं, मगर कैश पॉल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, पिछले मैच में दोस्तों इस बल्लेबाज ने 50 लगा दी थी, एक बार फिर से दोस्तों 50 लगाने के मात्र 6 रन दूर है। इसी के साथ में अभी तो सिंगल से इस ओवर को यहाँ पर हेमंत की अगर मैं बात करूँ हेमंता की, तो हेमंता दोस्तों बहुत ही युवा बल्लेबाज गेंदबाज है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इसी कारण दोस्तों बता दें इस गेंदबाज के पास यहाँ पर गति है, तो यहाँ पर गति से बच के रहना पड़ेगा गिले टाइटन्स के दोनों बल्लेबाजों को। एक बार फिर से दोस्तों ओवर द विकेट से तैयार है इस बार दोस्तों बैक ऑफ लेंथ, मगर बैक ऑफ लेंथ को साकिब अल हसन को पढ़ लिया था, जिसके कारण दोस्तों हल्के हाथों से गेंद को खेला है थर्डमैन की दिशा में, रन लेने का दोस्तों बस एक ही मौका मिलेगा। इसी रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 70 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ से अगर इसी तरह ये साझेदारी इसी तरीके से बढ़ते रही, तो मेरे हिसाब से 175 तक जो टारगेट है वो यहाँ पर आराम से जो गिले टाइटन्स वो छू लेगी, मगर देखना होगा किस तरह से करेंगे। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर फिर तो तैयार हैं हेमंता, अब सामना करा जाएगा कैश पॉल के द्वारा, क्या कैप सॉल की बात करेंगे। इसी साल में एक बार फिर से दोस्तों बल्ले का अंदरून किनारा लगा, गेंद गई थर्डमैन की दिशा में, रन लेने का सिर्फ एक ही मौका। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कैप्सोल की, अगर मैं इनका श्रीलंका प्रीमियर लीग का अगर मैं हिस्ट्री उठा के देखूँ, तो हर चौथी बॉल पर बाउंड्री लगाते हैं, चाहे वो चौका हो चाहे चौका हो, मगर देखना होगा कि यहाँ पर जो कि 3 बॉलें यहाँ पर खेल चुके हैं, क्या चौथी बॉल पर यहाँ पर कैप्सोल लगाएंगे। एक बार फिर से दोस्तों इस ओवर की चौथी बॉल खेलने के लिए तैयार है, मगर देखा जाएगा कि क्या चौथी बॉल पर जो बड़ा शॉट लग सकता है। इसी के साथ में 72 रन हो चुका है टीम का स्कोर, अभी विशेष गेंद बची है, हेमंता ओवर द विकेट से गेंद लाने के लिए तैयार हैं, अब देखना होगा किस रन करेंगे। साकिब अल हसन की अगर मैं बात करूं, तो साकिब अल हसन यहां पर जो कि 15 बॉल खेल चुके हैं, मगर 15 बॉलों में दोस्तों उन्होंने यहां पर एक भी दोस्तों बता दें कि एक भी हवाई फायर नहीं लगाई है, और जो 3 बाउंड्री लगाई है साकिब अल हसन ने वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले में लगाई है। सिर्फ यहाँ पर अभी तक दोस्तों उन्होंने जब से पावर प्ले समाप्त हुआ है तब से कोई भी हमें बाउंड्री नहीं देखने को मिली है साकिब अल हसन से। इसी क्षण में हेमंता ओवर द विकेट से तैयार हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आवा गेंद को हवा में तो उठाया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। और दोस्तों बता दें आप लोगों को बेहतरीन फील्डिंग के चलते दोस्तों लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी गेंद को पकड़ा जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो आपको बता दें कि यहाँ पर 2 रन बचाए गए फील्डर के द्वारा, नूर अहमद वहाँ पर तैनात थे। इसी के साथ दोस्तों आखिरी बॉल पर 2 रन प्राप्त हुए। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 77 पर 2 विकेट के नुकसान पर। साकिब अल हसन के पास एक बार फिर से स्ट्राइक है, तो कहीं ना कहीं साकिब अल हसन को अब यहाँ उन्होंने 15 उन्होंने यहाँ पर जो कि 15 बॉलों का सामना कर लिया है। और वहीं दोस्तों बता दें कि कैप्सोल में यहाँ पर कैप्सोल 230 बॉलों में यहाँ पर 47 की बहुत बेहतरीन पारी खेल रहा है, 150 के स्ट्राइक रेट से, मगर कहीं ना कहीं साकिब अल हसन को अब एक तरफ से दूसरी तरफ से भी बल्ला चलाना होगा, क्योंकि 9 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं और टीम का स्कोर 74 पर है 2 विकेट के नुकसान पर, और बल्लेबाजी है यहाँ पर गिले टाइटन्स के पास 7वें 8वें नंबर तक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर यहाँ से विकेट भी गिरता है साकिब अल हसन का, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर फिर एक यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा अगला ओवर लेकर आए हैं, मगर अभी तक दोस्तों धनंजय डिसिल्वा के द्वारा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करी गई। अगर दूसरे ओवर को छोड़ दे पहले ओवर में, तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, मगर दूसरे ओवर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रन लुटाए थे कैप्सोल के सामने, मगर एक बार फिर से दोस्तों कैप्सोल तैयार हैं धनंजय डिसिल्वा की अगली बॉल खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों
30 ओवर में यहाँ पर विकेट अलर्ट हो सकता है या फिर दोस्तों एक बार बड़ा ओवर हमें देखने को मिल सकता है एक बार फिर से दोस्तों धनंजय डिसिल्वा के द्वारा। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल ओवर द विकेट से गेंद लाने के तैयार हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों गेंद के लाइन तक पहुंचे मगर बाल बाल बचे दोस्तों, बल्ले का अंदरूनी कराना, गेंद गई थर्ड मैन की तरफ, ये लीडिंग है, यहाँ पर स्टंपिंग होने के चांस से बच गए यहाँ पर, और जिसके कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाल बाल बचे एक बार फिर से दोस्तों टीम का स्कोर पहुंच चुका है 76 पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुकी है यहाँ पर साकिब अल हसन के पास, अब देखा जाएगा दोस्तों साकिब अल हसन के पास तो गेंद तो आई है मगर देखना होगा किस तरह करेंगे। इसी क्षण में दोस्तों यहाँ पर ओवर द विकेट से एक बार फिर से गेंद लाने के लिए तैयार हैं धनंजय डिसिल्वा, राउंड द विकेट से एक बार दोस्तों पटकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद दोस्तों बल्ला हाथ से घुमा है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और इसी के साथ साकिब अल हसन दोस्तों अपना विकेट दे देंगे दोस्तों धनंजय डिसिल्वा को, और काफ़ी देर से दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे साकिब अल हसन मगर आखिरकार दोस्तों साकिब अल हसन ने दोस्तों बड़ा शॉट मारने की कोशिश जरूर करी मगर बल्ले गेंद का संपर्क नहीं जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर 76 पे गिरेगा तीसरा विकेट। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गिले टाइटंस को लगा तीसरा झटका 76 रन पे, साकिब अल हसन 17 बोलों में यहाँ पर 19 रन बनाकर जाएंगे पवेलियन। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बैक थ्रू मिलता हुआ धनंजय यहाँ पर डिसिल्वा को, इसी समय 20-20 पर हो चुका है टीम का स्कोर और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमें बल्लेबाजी करके दिखा रही है यहाँ पर। तो साकिब अल हसन यहाँ पर आए थे तो साकिब अल हसन ने यहाँ पर जो कि एक अच्छी पारी खेली थी आते ही दोस्तों यहाँ पर 2-3 लगातार चौके लगा दिए थे मगर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर थोड़े से बस जो कि बने हुए दिखे मगर उस बने हुए के कारण दोस्तों जो रन है उनके बल्ले से नहीं निकलते हुए दिखाई दे जिसके कारण जो रन रेट में उतनी यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि गिले टाइटंस के कप्तान आ चुके हैं यहाँ पर दर्शन शनका, और दर्शन शनका की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर दर्शन शनका वैसे अभी तक स्टेज लीग के मुकाबलों में यहाँ पर जो कि 6-7 नंबर पर आ रहे थे बल्लेबाजी करने के लिए मगर आज बड़ा मैच है दोस्तों तो दर्शन शनका पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, और दर्शन शनका के पास वो काबिलियत है कि बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दर्शन शनका ने हमें काफ़ी बार करके दिखाया है। इसी क्षण में दर्शन शनका ने पहली बॉल को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक सी पहली बॉल पर खाता खोलते हुए इसी क्षण में टीम का स्कोर हो जाएगा 77 पर 3 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साकिब अल हसन ने यहाँ पर थोड़ा सा जो रन रेट है उसमें यहाँ पर गिरावट जरूर लाई है मगर देखना होगा कि दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि इस रन रेट को और काफ़ी ज़्यादा बेहतर करा जाए लगातार यहाँ पर दर पर दर मगर देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट की दो बॉलों बची हैं, लास्ट की दो बॉलों पर एक और सिंगल हमें देखने को मिला। इसी सिंगल के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 78 पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुकी है यहाँ पर दर्शन शनका के पास, दर्शन शनका देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। इसी समय दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, अगली बॉल पर एक और सिंगल प्राप्त हुआ। इसी सिंगल के साथ यहाँ पर 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 10 ओवर में दोस्तों टीम का स्कोर पहुँचा दिया है 80 पर 3 विकेट के नुकसान पर। लास्ट के ध्यान से 10 ओवर बचे मतलब 60 गेंदें यहाँ पर गिले टाइटंस की यहाँ पर आधी पारी और समाप्त हो चुका है, बची है अब आधी पारी। अगर यहाँ पर दोनों बल्लेबाज दोस्तों अगर यहाँ पर शतकीय साझेदारी यहाँ पर आया हाफ यहाँ पर 50+ अगर पार्टनरशिप होती है दोनों बल्लेबाजों की तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर टीम का स्कोर 180 या 185 तक ज़रूर पहुँच सकता है क्योंकि 60 गोले हैं अभी और दोनों बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है कि टीम का स्कोर यहाँ से 180 तक बिल्कुल आराम से पहुँचा सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर गिले टाइटंस की टीम ने यहाँ पर 175 या 180 का टारगेट अगर यहाँ पर डम्बुला के सामने टाम दिया तो डम्बुला के दोस्तों बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर दबाव का सामना करेंगे क्योंकि बता दें कि 185 का टारगेट इस पिच पर, और जैसे जैसे यहाँ पर खेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पिच और स्लो होती जाएगी। अगर पिच एक्सपर्ट की बात करें जब टॉस हुआ था तो पिच एक्सपर्ट ने इस पिच का डेमो लिया था, इसलिए उन्होंने बताया था कि ये पिच यहाँ पर बॉलिंग पिच ज़रूर है मगर जैसे जैसे यहाँ पर खेल आगे के लिए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पिच और यहाँ पर स्लो होती जाएगी। तो हम चाहेंगे दोस्तों तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो भी टीम दोस्तों टॉस को जीतेगी तो पहले बल्लेबाजी करने का मौका लेगी। तो हम अगर यहाँ से अगर अच्छा टारगेट अगर बना देती है अगर गिले टाइटंस की टीम तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि डम्बुला के बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर दिक्कत का सामना हो सकता है। इसी के साथ मैं बता दें कि एक बार फिर से नूर अहमद अगली ओवर लेकर तैयार हैं, नूर अहमद देखा जाएगा किस तरह करेंगे नूर अहमद दोनों। एक बार फिर से दोस्तों आसानी से एक रन देखने को मिला है नूर अहमद के द्वारा, आसानी से एक रन प्राप्त हुआ।
आसानी से 201 रन प्राप्त हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 81 पर, क्योंकि अगली बॉल को खेला था दोस्तों यहाँ पर। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि नूर अहमद ओवर द विकेट से दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन शॉट। इसी शॉट के साथ दोस्तों बता दें कि यहां पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला है दोस्तों शनका के बल्ले से, और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 81 पर 8 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाजी करके दिखाई है, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एक कप्तानी पारी खेलता हुआ, एक कप्तानी पारी खेल रहे हैं दोस्तों यहाँ से कप्तान। और इस कप्तान के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इनके पास ये क्षमता है दशुन छनका के पास कि वो बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करके टीम का स्कोर पहुँचा सकते हैं एक अच्छे स्कोर के पास। इसी सन में टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों 87 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और आपको बता दें कि 11वां ओवर फेंका जा रहा है, नूर अहमद अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, तो नूर अहमद ने आज यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हो जरूर दिखाई दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि नूर अहमद के सामने दोस्तों की यहाँ पर विकेट भी दोस्तों बता दें कि जो भी बल्लेबाज नूर अहमद को मारने की कोशिश करता है तो यहाँ पर विकेट भी दे देता है नूर अहमद को। तो यहाँ पर नूर अहमद की गेंदों को बहुत ही सूझबूझ के साथ ही खेलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी के साथ दोस्तों दर्द सिंह की अगली बॉल को कट करने की कोशिश, मगर यहाँ पर गेंद को गैप में नहीं ढकेल पाए थे यहाँ पर कैप्स बॉल, उसके कारण दोस्तों बता दें कि आसानी से डॉट गेंद देखने को मिली। इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा आपको बता दिया जाए। और यहाँ से 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 11 ओवर में टीम का स्कोर बना है 89 पर 3 विकेट के नुकसान पर। नूर अहमद यहाँ पर जो कि 2 ओवर में टीम का स्कोर हुआ है यहाँ पर 20, वहीं कैप्स बॉल की अगर मैं बात करूँ तो कैप्स बॉल यहाँ पर 35 बॉल में यहाँ पर जो कि 51 रन बनाए हैं। वहीं दर्शन शनका की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दर्शन शनका भी यहाँ पर जो कि 5 गेंदों में यहाँ पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमें बल्लेबाजी करके दिखानी होगी दोनों बल्लेबाजों को, चाहे वहाँ पर दर्शन शनका हो चाहे वहाँ पर कॉस पॉलो हो, क्योंकि वो कॉस पॉलो और यहाँ पर दर्शन शनका के अगर स्ट्राइक रेट की बात करूँ अगर दोनों के अगर मैं एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कि कैश पॉल का ज़्यादा बढ़िया है एवरेज, और वहीं दर्शन शनका का बढ़िया है यहाँ पर स्ट्राइक रेट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को किस तरह करेंगे। इसी साल में यहाँ पर हेमंत था यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर बॉलिंग करते नजर आएंगे, हेमंत अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर टीम का दोस्तों यहाँ पर 12वां ओवर है, देखा जाएगा किस तरह करेंगे। इसी साल में दोस्तों बता दें कि हमारे जो यहाँ पर टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर जो कि बता दें यहाँ पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर है। एक बार फिर दोस्तों बता दें कि हेमंत ओवर द विकेट से तैयार हैं यहाँ पर जो कि राउंड द ओवर द विकेट से गेंद लाने के लिए तैयार हैं। कैप्सोल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है लोंगोन की तरफ, बल्ला गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, इसी साल में डॉट गेंद हो जाएगी। इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 89 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी बिल्कुल भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ऐसा एक समय ऐसा लग रहा था कि गिल्ले टाइटेंस ने यहाँ पर जो काम यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स के साथ करा है, कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि डम्बला की टीम वो इनके साथ नहीं कर देगी, मगर यहाँ पर थोड़ा सा ताकि प्रदर्शन और यहाँ पर कैप्सूल की यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो कि तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक पाइप यहाँ पर जो कि एक साझेदारी को संभाला था। इसी कारण दोस्तों बता दें कि फील्डिंग में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, हेमंत ने दोस्तों फील्डिंग में तब्दीली करी है, देखा होगा दोस्तों कप्तान से बात करते हुए हेमंता, देखना होगा कि हेमंता के अगर मैं बात करूं तो हेमंता दोस्तों जो कि अच्छी यहाँ पर तेज़ गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, मौका नहीं देते हैं ज़्यादा यहाँ पर हाथ खोलने का बल्लेबाज को। इसी क्षण में लास्ट विकेट हमें गिरा था शाकिब अल हसन का पार्टनरशिप, 10 बॉलों में 13 रन की हो चुकी है, और शाकिब अल हसन अपने अभी तक दोस्तों 5 बॉलों में 1 छक्का लगा चुके हैं। और वहीं अगर कैप्सूल की बात करूँ तो दोस्तों कैप्सूल भी अभी तक हमें कोई बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला, हवाई फायर तो ज़रूर लगाई थी मगर यह नहीं कह सकते दोस्तों कि एक बड़ा शॉट भी लगाया था। इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है
89 पर 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी यहाँ से जो कि 9 ओवर शेष बचे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बातचीत चल रही है, लगातार यहाँ पर बातचीत चल रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कि हेमंत है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अंपायर दोस्तों जो कप्तान है यहाँ पर डम्बला के वो बातचीत करते हुए, और इसी साल में यहाँ पर देखना होगा किस तरह से इस बातचीत को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेमंत और यहाँ पर कैप्सूल की थोड़ी सी बातचीत ज़रूर हुई है। यहाँ पर पहले ओवर में थोड़ी सी यहाँ पर कास नहीं होगी जब यहाँ पर हेमंता ने और दोस्तों कैप्सूल की गेंद पर यहाँ पर जो कि माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कैप्सूल ने हेमंता की गेंद पर एक यहाँ पर बहुत ही दोस्तों यहाँ पर जो कि बैकफुट पर एक पंच लगाया था, जिसके कारण यहाँ पर कैप्सूल पाल ने यहाँ पर जो कि हेमंता को कुछ कहा था मगर उसका जवाब देते हुए यहाँ पर अगला ओवर लेकर आए। तो यहाँ पर हेमंता ने उनसे कुछ कहा जिसके कारण यहाँ पर विवाद छिड़ गया है, और अंपायर दोस्तों बीच बचाव करते हुए देखा जाएगा किस तरह से मैच को आगे लेकर बढ़ते हैं। इसी क्षण में यहाँ पर मैच बीच बचाव हो चुका है, एक बार फिर से दोस्तों गेयर लाने के लिए तैयार हैं। एक बार दोस्तों बता दें कि गेंद लाने के लिए फिर से तैयार हैं, सामना फिर से करा जाएगा। दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ से 90 पर 3 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत का 5 बॉलों में यहाँ पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, और अभी तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर छक्का आया था पिछले ओवर में, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों सिंगल सिंगल से यहाँ पर कहानी है दोस्तों वो आगे के लिए बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ऐसा लग रहा है ना, कहीं ना कहीं सा दोस्तों लग रहा है कि यहाँ पर जो कि गिले टाइटंस है वो बिल्कुल दोस्तों मैच में दिखेगी। इसी तरह में टीम का स्कोर हो चुका है 91 पर। और दोस्तों मैं बता दूं कि जिस बात का डर था वही हुआ, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर नूर अहमद के ऊपर
इस ओवर में दोस्तों ज्यादा रन वहां पर जो कि बटोरने के कारण नूर अहमद का ये तीसरा ओवर था। तो यहां पर दर्शन शनकानी के जो कप्तान है यहां पर जो कि गिल्ली टाइटंस के, उन्होंने सोचा था कि इस ओवर में यहां पर ज्यादा से ज्यादा रन इस ओवर में बटोर लिए जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर उल्टा ही खेल हो गया। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि नूर अहमद की यहाँ पर ऊपर उसके पहली ही बॉल थे, इस ओवर को बड़ा बनाना चाहते थे दर्शन शनका, मगर यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करी गई थी, मगर यहाँ पर बल्ले और गेंद का जिस तरह से संपर्क होना चाहिए था और वो संपर्क हमें देखने को मिला नहीं। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि लॉन्ग ऑन पे मारना चाहते थे, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, यहाँ पर बल्ले का लीडिंग एज लगा। और दोस्तों बता दें कि पॉइंट के यहाँ पर जो पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे उसने दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस कैच को पकड़ा, इसी के साथ में यहाँ पर 93 पे गिरा 14 विकेट और नूर अहमद ने यहाँ पर निकाली है पहले यहाँ पर सफलता। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि नवी उल्ला जादराना यहाँ पर जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं आ चुके हैं, यहाँ पर अफगानी खिलाड़ी, एक और अफगानी खिलाड़ी हैं यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग में, नजीबुल्ला जादरान और यहाँ पर जो कि नूर अहमद। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर नजीबुल्ला जादरान आए हैं यहाँ पर इस पहली बॉल को खेलने के लिए, सामने है दोस्तों यहाँ पर नूर अहमद। देखना होगा कि नूर अहमद किस तरह से हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं, ओवर द विकेट से कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नूर अहमद ने गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, मगर एक्स्ट्रा एक ही रन से प्राप्त होगा। और मगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गेंद छूट गई है हाथों से, एक रन को दोस्तों यहाँ पर दो रन में कन्वर्ट करा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि मिस फील्डिंग के चलते आसानी से प्राप्त होंगे दो रन, इसी दो रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 50-95 विकेट के नुकसान पर। अम्बुला की टीम यहाँ पर टॉस को जीता था दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो कि दो यहाँ पर जो शुरुआती दो ओवरों में यहाँ पर विकेट निकाले थे, तो ऐसा लग रहा था कि डम्बुला की टीम ने बहुत अच्छी यहाँ पर जो कि निर्णय है बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर काम करा, मगर उसके बाद साकिब अल हसन और कैप्सूल की एक साझेदारी लगी उसमें दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ऐसा लगा कि गिल्ली टाइटंस मैच में अच्छी तरीके से पकड़ बना लेगी, मगर लगातार जो विकटों की यहाँ पर जो पतन है लगातार जो विकटों का पतन है वो एक तरफ से यहाँ पर जारी है, जिसके कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो 95 रन बने हैं और 95 रन पर 4 विकेट हो जाए तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टीम का स्कोर 125। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अगली बॉल को फिर से दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर कवर मारने की कोशिश, मगर एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि बल्ले का इनसाइड एज, गेंद गई दोस्तों यहाँ पर जो कि पॉइंट के खिलाड़ी के पास, और बता दें दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कैच जरूर चेक करा जाएगा स्लिप में, यहाँ पर कैच चेक करा जाएगा दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर अंपायर ने दोस्तों जो ऑन फील्ड अंपायर है तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पर आउट का जो यहाँ पर निर्णय है यहाँ पर आउट का निर्णय तो दे दिया है, मगर आपको बता दें कि यहाँ से जो 95 पे गिरा है यहाँ पर अगर एक और अगर विकेट गिरता है दोस्तों तो यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बता दें यहाँ से अभी 7 ओवरों का खेल बचा है, इस ओवर को समाप्त कर दें अगर उसके पास यहाँ से 7 ओवरों का खेल बचा है और ये बहुत ही बड़ा दोस्तों विकेट हो जाएगा, क्योंकि नवीउल्लाह जादरान अभी आए हैं और यहाँ पर जो कि कट करने की कोशिश करी गई थी थोड़ी सी यहाँ पर गुड लेंथ पर थी, गेंद तो मारने वाली थी यहाँ पर कट करने वाली थी, मगर यहाँ पर नजीबुल्ला जादरान पहले ही गेंद के आने से पहले ही कूद गए थे, मतलब यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर बल्ले का लीडिंग एज लगा, गेंद गए दोस्तों स्लिप में, मगर कैच तो पकड़ा गया है, मगर देखा जाएगा दोस्तों मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कि आउट है, मगर श्योर कैच नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो कि ऐसा एक एंगल से ऐसा लग रहा है देखने से कि यहाँ पर थोड़ा सा जो गेंद है वो यहाँ पर जमीन में लग रही है, और एक एंगल से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कि आउट है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अंपायर जो थर्ड मैन का डिसीजन है थर्ड अंपायर का यहाँ पर आउट है, और इसी के साथ में नजीबुल्लाह जादरान को जाना पड़ेगा, यहाँ पर 95 पे गिरा 5 यहाँ पर 5 विकेट और एक ही ओवर में यहाँ पर खेल का दोस्तों बता दें कि यहाँ पर नूर अहमद ने एक ही ओवर में खेल का दोस्तों बता दें कि पूरा यहाँ पर मोमेंटम ही चेंज कर दिया, तो इसी के साथ में 95 पे गिरा है 5 विकेट, देखा जाएगा किस तरह करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों वहाँ पर गेंदबाजी करी है। यहाँ पर मैं भाई यही तो डर था कि नूर अहमद एक खिलाड़ी ऐसा है ना बिल्कुल मैच को हम मोमेंटम चेक कर देगा, और मेरे को तो भाई ऐसे धक धक हो रहा है भाई मेरे को तो, आप लोग अब धक धक क्यों हो रहा है, वो गिल्ले टाइटंस के लिए धक धक हो रहा है, गिल्ले टाइटंस को भाई हम सपोर्ट करेंगे यहाँ पर पहली बॉल से आखिरी बॉल तक जाएंगे, यहाँ पर गिल्ले टाइटंस कितने भी रन बना दे यहाँ से अगर 150 रन बना देगी ना तो ये मैच यहाँ पर गिल्ली टाइटंस ही जीतेगी, क्योंकि बता रहे यहाँ तेरा गिल्ली टाइटंस को यार सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ लास्ट के दो मैच यार वहाँ पर बहुत ही अभी भी एक बार दोस्तों वहाँ पर जो कि कोलंबो स्ट्राइकर्स ने हरवा दिया था, उसके बाद हम वी लव कैंडी ने मैच को हरवा दिया, तो लास्ट के दो मैच यहाँ पर ख़राब रहे थे, मगर हम चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो लास्ट के 4 मैच बचे हैं यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग के, हम चाहेंगे दोस्तों लास्ट के श्रीलंका प्रीमियर लीग के दोस्तों इतने ज़बरदस्त मैच हों कि आप लोग भी यहाँ पर याद रखें कि कोई भाई था मिला था। तो इसी के साथ में गिल्ली टाइटंस का स्कोर यहाँ पर पहुँच चुका है 95 पर 5 विकेट के नुकसान पर, हाँ वो यहाँ पर दोस्तों लक्ष्य आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए,
अब वैसे दोस्तों लक्ष्य यहाँ पर बैटिंग ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर लक्ष्य बिल्कुल दोस्तों उतारे की बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर देखा जाएगा कि नूर अहमद के सामने किस तरह करेंगे। और नूर अहमद दोस्तों उतारे की आप पूरी फॉर्म में आए हैं, पूरी फॉर्म में आ गया है नूर अहमद, मगर यहाँ पर नूर अहमद की गेंदों को बहुत ही सही तरीके से खेलना होगा। लास्ट की तो यहाँ पर एक गेंद और बची है, लास्ट की एक और गेंद को खेले फिर दोस्तों कैप्टन यहाँ पर जो कि जो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों बता दें कि ओपनिंग से ये बल्लेबाज तैयार है, मगर अभी तक दोस्तों ये बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। 86 में टीम का स्कोर हो चुका है 95 पर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर, और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करी है, और जितनी तारीफ करी जाए इस बल्लेबाज की तो उतनी ही कम है। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि अभी भी आखिरी बॉल लेकर ओवर द विकेट से तैयार है, और दोस्तों यहाँ पर एंगल के साथ ही वाइट बॉल हो जाएगी। इसी व्हाइट बॉल के चलते दोस्तों यहाँ पर एक और अतिरिक्त रन आता हुआ, इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 96 पर 5 विकेट के नुकसान पर। और अभी तक जिस तरह से यहाँ पर ओवर में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो मोमेंटम चल रहा है गिले टाइटंस यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक स्थिति में धीरे धीरे पहुँच रही है, मगर यहाँ पर जो नूर अहमद यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आया तो नूर अहमद ने पूरा खेल यहाँ पर खेल का जो पड़ा था वो पलट के ही रख दिया था, और उसे एक ही ओवर में 2 विकेट हमें देखने को मिले। पहले दोस्तों बता रहे कि यहाँ पर जो कप्तान है दर्शन शन का उनका विकेट, उसके बाद नजीबुल्ला जादरान उनका विकेट, तो लगातार दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट, तो हम कहीं ना कहीं दोस्तों मैच का यहाँ पर मोमेंटम पूरा बदल दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 13 ओवर में टीम का स्कोर बना है दोस्तों 98 पर 5 विकेट के नुकसान पर। लास्ट के यहाँ पर 42 गेंदों की दरकार है, और लास्ट की 42 बॉलों में देखेंगे कितने रन बनते हैं। लास्ट की 42 बॉलों में अगर यहाँ पर कैश पॉल ने और दोस्तों लक्ष्य ने अगर यहाँ से 60 से 70 रन अगर बना दिए भाई, तो हम जीतने नहीं देंगे यहाँ पर डम्बलो की टीम को, बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। तो इसी के साथ में पहली बॉल से आखिरी बॉल तक यहाँ पर गिले टाइटंस को सपोर्ट करेंगे, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये मुकाबला जैकपॉट बनने वाला है अपने लिए। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर अभी देखने को मिलेगा, यहाँ पर 13 ओवर हो चुके हैं, 98 पर स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर, और जो 5 विकेट गिरे हैं दोस्तों वो बहुत ही यहाँ पर जिस अपनी बल्लेबाज अपनी गलती की वजह से ही यहाँ पर जो कि विकेट दिए हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो बहुत ही आक्रामक शैली से यहाँ पर खेलने की कोशिश करी गई। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा अगला ओवर लेकर तैयार हैं, अब देखा जाएगा कि धनंजय डिसिल्वा किस तरह करेंगे। इसी के साथ में ओवर द विकेट कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है कैश पॉल ने, आसानी से दोस्तों 1 रन तो पूरा कर लिया है, दूसरे को भी दोस्तों आसानी से पूरा करेंगे। इसी के साथ में पहली बॉल पर आ चुके हैं 2 रन, इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 100 रन पर। और बहुत बहुत दोस्तों बताए बधाई यहाँ पर के लिए टाइटंस को, क्योंकि 200 रन हो चुका है टीम का स्कोर, अभी भी दोस्तों यहाँ से 5 बॉलें बची हैं। एक बार फिर से दोस्तों धनंजय डिसिल्वा साथ, धनंजय डिसिल्वा इस मैच में यहाँ पर कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा रन ले रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कप्तान यहाँ पर जो कि कुशल मेंडिस हैं जो प्रॉपर कप्तान हैं यहाँ के, वो नहीं खेल रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कि दूसरी बॉल पर दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से सिंगल देखने को मिला है, इसी सिंगल के साथ दोस्तों आसानी से 1 रन प्राप्त होगा, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सिंगल सिंगल से यहाँ पर जो 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 जो, जो, जो खतरनाक गेंदबाज है यहाँ पर जैसे धनंजय डिसिल्वा है, जैसे दोस्तों बता दें कि यहाँ से नूर अहमद है, उनके ओवर दोस्तों आप निकाल दीजिए, उसके बाद यहाँ से जो कि 5 ओवर या 4 ओवर बचते हैं उनके ऊपर दोस्तों आप तेज गति से रन बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक समझदारी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। इसी के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 103 पर 5 विकेट के नुकसान पर, और बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी अभी तक जारी है कैश पॉल की। धनंजय डिसिल्वा आज अगर मैं आप लोगों को अगर मैं बात करता हूँ तो धनंजय डिसिल्वा ने यहाँ पर पिछले मैच में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करके दिखाई थी, तो इस मैच में देखेंगे यहाँ पर किस तरह करेंगे, मगर इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है धनंजय डिसिल्वा ने। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि एक मैच यहाँ पर याद आता है धनंजय डिसिल्वा का, तो उन्होंने दोस्तों एक मैच में यहाँ पर 5 विकेट लिए थे दोस्तों पिछले साल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, यहाँ पर 2022 में धनंजय डिसिल्वा ने यहाँ पर लिए थे दोस्तों जाफना किंग्स के सामने उनका जो बेस्ट था। तो इसी के साथ देखना होगा कि दोस्तों धनंजय डिसिल्वा यहाँ पर गेंदबाजी से दोस्तों उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर दिया है, बल्लेबाजी से देखना होगा किस तरह करेंगे। तो इसी के साथ में धनंजय डिसिल्वा ने 4 ओवर में दोस्तों 29 रन देकर एक इंपॉर्टेंट विकेट निकाला है, इकॉनमी 7.25 की रही है यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा की। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो कप्तान दोस्तों जो अंपायर हैं उन्होंने टाइम आउट की घोषणा कर दी है, तो इसी के साथ में यहाँ पर 14 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों 103 पर 5 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की 36 बॉलें बची हैं, और लास्ट की 36 बॉलों में देखा जाएगा कि यहाँ पर कितने रन और बटोर लिए जाते हैं दोनों बल्लेबाजों के लिए। और सिर्फ था दोस्तों देखना होगा किस तरह से मैच को आगे लेकर बढ़ते हैं।
और अभी तक दोस्तों बता दें कि आप लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं करा तो दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करिएगा जरूर, और आप लोग इस मैच को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा आप। ठीक साल में लास्ट की यहाँ से 36 बॉलें बची हैं, लास्ट की 36 बॉलों में अगर यहाँ से अगर 10 ओवर में आप लास्ट 36 बॉलों में अगर आप हर ओवर में 10 या 10 10 या रन में अगर बटोर लेते हैं तभी आप 163 तक पहुँच जाएंगे इस पिच पर। यहाँ पर 163 रन डिफेंड हो सकते हैं और यहाँ पर डिफेंड होकर भी दिखाए हैं। बता दें कि यहाँ पर 123 रन का जो यहाँ पर सबसे लोएस्ट स्कोर डिफेंड हुआ था तो इस पिच पर यहाँ पर 163 रन डिफेंड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाएगा किस रन करेंगे। इसी के साथ में 14 ओवर हो चुके हैं, 14 ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है 103 पर 4 विकेट 5 विकेट के नुकसान पर। अगर आप कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ से लास्ट की 36 बोले हैं, अगर दोनों बल्लेबाज लास्ट की 36 बोलों में अगर अच्छे से यहाँ पर काम कर लेते हैं, अगर लास्ट के 36 बोलों में हर ओवर में 10 या 12 रन अगर जोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक टारगेट बन जाएगा डम्बला की टीम के सामने, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों दोनों बल्लेबाज का। चाहे कैप्स बॉल की बात कर लें, चाहे दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पर लक्ष्यन की, लक्ष्यन 5 बॉल में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो वहीं कैप्स बॉल की अगर मैं बात कर लूँ तो कैप्स बॉल यहाँ पर 42 बॉलों में 57 रन की बात कर यहाँ पर खेल रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर विकेट गिरे हैं वैसे वैसे दोस्तों कैप्सूल का जो रन रेट है वो भी दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्राइक रेट है वो भी दोस्तों नीचे आते हुए दिख रहा है। जब यहाँ पर पावर प्ले में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे कैप्सूल तो दोस्तों 190 का यहाँ पर स्ट्राइक रेट था, 180 का स्ट्राइक रेट था। फिर जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर विकेट गिरते रहे वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर कैप्सूल का जो यहाँ पर रन रेट जो स्ट्राइक रेट है वो भी दोस्तों यहाँ पर घटता रहा है। मगर देखा जाएगा किस तरह करेंगे। और सिक्स साल में दोस्तों अगर यहाँ पर किले टाइटल्स को एक अच्छे टारगेट की तरफ जाना है, एक अच्छे दोस्तों यहाँ पर टारगेट को डिफेंड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्सूल का बल्ला चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कैप्सूल का बल्ला चलता है ना तो दोस्तों मैच बिल्कुल बन जाएगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर लास्ट 14 ओवर हो चुके हैं, 14 ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है 103 पर 5 विकेट के नुकसान पर, लास्ट के 36 बॉलें बची हैं। अब डिसल्वा आपको इस मैच में बल्लेबाजी गेंदबाजी करते नहीं दिखेंगे, अब आज दोस्तों बल्लेबाजी करेंगे जरिंदर डिसल्वा, देखूंगा किस कब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। मगर कहीं ना कहीं इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टाइम आउट समाप्त हो चुका है, टाइम आउट के बाद यहाँ पर बल्ले गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं नूर अहमद। और नूर अहमद ने 3 ओवर में 25 रन दिए हैं, 2 विकेट इंपॉर्टेंट वो भी 1 ओवर में। इसी के साथ में नूर अहमद ओवर द विकेट से गेंद लाने के लिए तैयार हैं कैप्सूल के लिए। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इस बॉल को गूगली को दोस्तों गेंद करी थी मगर सही तरीके से पड़ा गया। इसी के साथ में दो पहली बॉल डॉट हो चुकी है, अब उनके यहाँ पर 35 बॉलें बची हैं, शेष 35 बॉलें। इसी के साथ में अगली बॉल यहाँ पर इस ओवर को बहुत ही सूझबूझ के खेलना होगा, ये यहाँ पर आखिरी ओवर है यहाँ पर नूर अहमद का। इसी के साथ में अगली बॉल को कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे बल्ले के साथ खेला, अब लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को दोस्तों हवाई फायर मारने की कोशिश नहीं करी गई थी, आसानी से 1 ही रन प्राप्त हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 104 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये पार्टनरशिप पर नजर बनाएगा तो ये दोस्तों बता दें कि सबसे धीमी पार्टनरशिप रही है, 10 बॉल में यहाँ पर 9 रन। और दोनों बल्लेबाज चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करी जाए, क्योंकि बता दें कि 5 बॉलों में 3 रन बना के खेल रहे हैं लक्ष्य। इसी के साथ में तीसरी बॉल लेकर तैयार हैं और एक बार फिर से दोस्तों डॉट गेंद देखने को मिली है तीसरी बॉल पर, लगातार जो डॉट बॉल हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ तो देखा जाएगा कि लास्ट की दो कितने करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 104 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी लास्ट की 3 गेंदें बची हैं और लास्ट की 3 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं दोस्तों यहाँ से। मगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि जो विकेट है अगली बॉल भी दोस्तों यहाँ पर कट करने की कोशिश, अगला बॉल दोस्तों यहाँ पर जो कि खिलाड़ी यहाँ पर थर्डमैन का खिलाड़ी है दोस्तों गेंद को फील्ड करेगा, इस बार भी दोस्तों रन लेने का कोई भी मौका नहीं। इसी के साथ दोस्तों इस ओवर में आ चुकी है यहाँ पर चौथी तीसरी वाइड तीसरी यहाँ पर डॉट बॉल। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लक्ष्यन बिल्कुल दबाव बनाते हुए दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कैप्स बॉल के ऊपर, क्योंकि बता दें कि लक्ष्यन डॉट गेंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि कैप्स बॉल के ऊपर दबाव बनता नजर आ रहा है। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर 105 हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों 1 गेंद शेष बची है और नूर अहमद किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर नूर अहमद की अगर मैं बात करता हूँ तो नूर अहमद आखिरी बॉल खेलने के लिए तैयार है।
अगली बॉल, अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, अभी का फिर से सामना करा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आखिरी बॉल पर एक बार फिर से दोस्तों डॉट गेंद, इस बार दोस्तों लॉन्ग ऑन पर खेलने की कोशिश करी गई थी मगर गेंद गई पॉइंट की दिशा में, फिर एक बार दोस्तों लेडिंग एस। ये गेंद कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि ये पिच और धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर बल्लेबाज जिस दिशा में खेलना चाहता था उस स्पीड से गेंद नहीं आ रही है। यहाँ पर नूर अहमद ने ये बॉल दोस्तों करी थी 96 किलोमीटर प्रति घंटे की, मगर यहाँ पर 96 किलोमीटर प्रति घंटे से गेंद उनके पास आई नहीं। तो इसी के साथ में 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर में टीम का स्कोर हुआ है 105 पर 5 विकेट के नुकसान पर। लास्ट के 30 बॉलें बची हैं और लास्ट की 30 बॉलों में देखा जाएगा कितने रन और बनाए जा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों गिले टाइटंस के हिसाब से। मगर जिस तरह से गिले टाइटंस की दोस्तों यहाँ पर साझेदारी अच्छी तरीके से बन रही थी, और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर थोड़ा सा जो रुकावट का समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर में टीम का स्कोर 105 है 5 विकेट के नुकसान पर। और पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप दोस्तों 14 ओवर में 14 गेंदों में दोस्तों 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 16वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, आ चुके हैं दोस्तों वहाँ पर जो कि गेंदबाजी करने विनोमो फर्नांडो ने यहाँ पर पहला विकेट निकाला था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों लिटिल दास, इसी साल में मिस फील्डिंग के चलते 2 रन आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और 2 रन प्राप्त होने के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 108 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 2 ही गेंदें हुई हैं और 2 गेंदों में जो रन प्राप्त होने चाहिए थे बोसरी पोसरी पर अभी 3 रन प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो कि लसित कैप्सपोल की कोशिश ये होगी कि यहाँ पर विनोमो फर्नांडो दोस्तों यहाँ पर तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर उनके सही तरीके से गेंद को अगर पढ़ा जाए देखा जाए तो उनके ऊपर अच्छे खासे रन बटोरे जा सकते हैं। मगर कोशिश यही करनी होगी कि लास्ट की 4 बॉलों पर देखा जाएगा कितने रन और बटोर लिए जाते हैं। अभी तक दो ही बॉलें हुई हैं और 2 बॉलों में मात्र 3 ही रन प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि ओवर द विकेट से अगली बॉल लाने के लिए तैयार हैं यहाँ पर विनोमो फर्नांडो, और कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों वहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ मारने की कोशिश करी गई थी दोस्तों लसित कैप्सपोल के द्वारा, मगर बल्ले और गेंद का संपर्क सही नहीं हुआ और जिसके कारण डॉट गेंद हमें देखने को मिली। इसी डॉट के चलते बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा 108 पर 5 विकेट के नुकसान पर। क्या यहाँ पर गिले टाइटंस एक यहाँ पर एक सम्मानजनक स्कोर तक क्या पहुँच पाएगी, कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। 108 हो चुका है टीम का स्कोर 5, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि 5 विकेट हो चुके हैं यहाँ से, और देखना होगा किस तरह करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर कैप्सुल अगली बॉल खेलने के लिए तैयार हैं। अगर फिर से दोस्तों कैप्सुल ने पटकी हुई गेंद को उठा दिया है दोस्तों हवा में, पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर आपको बता दें दोस्तों आसानी से यहाँ पर बाल बाल बचे दोस्तों कैप्सुल, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर नो मैंस लैंड में गेंद गिरी जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दोस्तों बता दें मिड विकेट का खिलाड़ी यहाँ पर जब तक दोस्तों यहाँ पर इस गेंद को फील्ड करने आता तब तक दोस्तों गेंद यहाँ पर जो कि ग्राउंड से टकरा गई थी, जिसके कारण दोस्तों 2 रन आसानी से प्राप्त हुई थी। 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुँच चुका है यहाँ पर 110 पर 5 विकेट के नुकसान पर। और लसित कैप्सुल दोस्तों लगातार बल्ला चला रहे हैं मगर दोस्तों बता दें कि उनके बल्ले से भी गेंद यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रही है जिस तरह से कनेक्ट होनी चाहिए, और उसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 110 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें बची हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि अगर यहाँ पर जो कि लसित कैप्सुल भी अगर यहाँ पर जो कि अगर लक्ष्य अगर उनका साथ दें तो दोनों तरफ से अगर बल्ला चलाया जाए दोनों तरफ से अगर रन बटोरे जाए दोस्तों तो बिल्कुल अभी भी यहाँ से कह सकते हैं
कि अभी भी दोस्तों बता दें 25 गेंदें बची हैं और 25 गेंदों में यहाँ पर 50 रन या यहाँ पर 60 रन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रन यहाँ पर मैच है दोस्तों कि जब मैच में कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं विनमो फर्नांडो अगली बॉल लेकर, और लक्ष्यन देखेंगे किस तरह करेंगे। मगर लक्ष्यन ने यहाँ पर बहुत ही आज गंदी गेंद बल्लेबाजी करके दिखाई है, बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी करके दिखाई है। 9 बॉलों में मात्र 5 ही रन बनाए हैं। इसी के साथ में इस ओवर की आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं सामने दोस्तों लक्ष्यन, देखा जाएगा किस रन करेंगे। इसी के साथ में 9 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं। लक्ष्यन ने गेंद को उठाया है दोस्तों, क्या बेहतरीन गेंद करी गई थी दोस्तों। बता दें कि मेरी बात साथ लक्ष्यन को बुरी लग गई, और क्या बेहतरीन स्लॉग स्वीप को दोस्तों खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आखिरी बॉल पर लगाया गया है बेहतरीन छक्का, और उसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 117 पर 5 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति। 10 बॉलों में दोस्तों 11 रन बनाकर खेल रहे हैं लक्ष्यन, और लगातार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ओगिले टाइटंस को अगर ये मैच जीतना है तो, और फाइनल में प्रवेश करना है तो। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 16 ओवर में टीम का स्कोर है दोस्तों 117 पर 5 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर विनमो फर्नांडो बहुत अच्छी दोस्तों गेंदबाजी करी थी अपने शुरुआती स्पेल में, मगर यहाँ पर जो कि तीसरा स्पेल लेकर यहाँ पर जो कि दूसरा स्पेल लेकर आए, आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों जो कि यहाँ से डेथ ओवर में दोस्तों मैं देखने को मिला थोड़ी सी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर थोड़ी सी गल यहाँ पर जो गंदी गेंदबाजी देखने को मिली है विनमो फर्नांडो की। इसी के साथ दोस्तों बता देते हैं कि टीम का स्कोर यहाँ से हो चुका है 117 पर 5 विकेट के नुकसान पर। मगर देखा जाएगा कि लास्ट के 4 ओवर किस रन किससे करा जाता है, क्योंकि बता दें कि विनमो फर्नांडो को 1 ओवर बाची है बाकी, और धनंजय डिसबा के 4 ओवर वो हो चुके हैं, और वहीं यहाँ पर नूर अहमद के भी 4 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं। मगर देखना होगा कि यहाँ पर लास्ट के 4 ओवर किससे कराए जाते हैं, कि 1 ओवर तो यहाँ पर विनमो फर्नांडो का कराएंगे तो फिर उसके बाद 3 ओवर किसके होंगे। तो ये कि यहाँ पर गुलथी है वो यहाँ पर धनंजय डिसल्बा को यहाँ पर सुलझानी पड़ेगी, क्योंकि बता दें दोस्तों यहाँ पर जो कि पार्ट टाइम गेंदबाज हैं उनके पास इतने गेंदबाज हैं नहीं यहाँ पर टमुला के पास कि दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि बेहतरीन गेंदबाजी कर सके। तो इसी के साथ में 16 ओवर हो चुके हैं, 16 ओवर में टीम का स्कोर यहाँ पर हो चुका है 107 पर 5 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगला ओवर लेकर आए हैं हेडन केयर के दोस्तों, पहली बॉल पर बेहतरीन कट का गेंद कर दोस्तों गेंद को कट करा है, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, मगर बेहतरीन फील्डिंग के चलते दोस्तों 2 रन आ चुके हैं पहली बॉल पर पॉइंट की दिशा में। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहां से 119 पर 5 विकेट के नुकसान पर हेडन केयर के ऊपर। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक कैच बॉल दोस्तों बड़ी यहाँ पर इस ओवर को बड़ा बनाया जा सकता है, कि पिछले ओवर में 12 रन क्या, इस ओवर में भी 12 रन क्या, 14 रन क्या, ये 16 रन का ओवर आ सकता है इस ओवर में, देखना होगा। अब हेडन केयर के पहली बॉल पर आ चुका है यहाँ पर 1 रन, अब हेडन केयर ने अपने पहले ही ओवर में विकेट निकाल के दी थी दोस्तों अपने कप्तान को धनंजय डिसल्बा को। तो हेडन केयर दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं आज इस मैच में, अगर देखना होगा किस तरह इस मैच को आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है 120 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से दोस्तों 4 गेंदें शेष बची हैं, और 4 गेंदों में यहाँ पर अभी तक दोस्तों बता दें कि 2 बॉलों में 3 रन जीत चुके हैं यहाँ पर हेडन केयर, लास्ट की 4 बॉलें हैं। और लक्ष्यन की कोशिश यही होगी, लक्ष्यन भी यहाँ पर 10 बॉलों का सामना कर चुके हैं, लक्ष्यन ने आखिरी बॉल पर लगाया क्या था यहाँ पर स्लॉग स्वीप, और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कनेक्ट भी हुआ था उनके बल्ले से। यहाँ पर लक्ष्यन भी यहाँ पर कोशिश करेंगे, अगर लक्ष्यन भी यहाँ पर बल्ला अगर चलाते हैं तो यहाँ पर उनके भी दोस्तों रन बन सकते हैं। इसी के समय यहाँ पर अगली बॉल लाने के लिए हेडन केयर ओवर द विकेट से तैयार है। इस बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पटकी हुई गेंद दोस्तों कट करा है पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा दोस्तों, मिस फील्डिंग दोस्तों, पैरों के नीचे से गेंद निकल गई और पैरों के नीचे से गेंद निकली, और दोस्तों बता दें कि बेहतरीन चौके के लिए, इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 124 पर 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। इसी के साथ में हेडन केयर ने यहाँ पर बटोर लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर अब तक हेडन केयर के इस ओवर में आ चुके हैं 11 रन, मगर हेडन केयर बहुत ही निराश थे क्योंकि बता दें कि यहाँ पर एक ही रन होना चाहिए था, वहाँ पर यहाँ पर 3 रन और एक्स्ट्रा के दे रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 4 रन आते हुए। मगर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर देखना होगा किस तरह से हेडन केयर वापसी करेंगे, और लक्ष्यन दोस्तों क्या बड़ा शॉट लगाते हैं वो देखना होगा। इसी के साथ में हेडन केयर तैयार है अगली बॉल को खेलने के लिए, सामने दोस्तों बल्लेबाज है लक्ष्यन, ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों यहाँ पर बोल्ड कर दिया है दोस्तों लक्ष्यन को, क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हेडन केयर की, ईंट का दबाव दोस्तों पत्थर से दिया, क्या बेहतरीन दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन यहाँ पर
गेंदबाजी दोस्तों यहाँ पर करी गई हेड एंड कैरी के द्वारा। यहाँ पर 3 बॉलों में यहाँ पर 7 रन दे चुके थे। उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर विकेट निकाला, इसी के साथ में यहाँ पर हेड एंड कैरी ने दूसरा विकेट निकाला है अपने इस ओवर में। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 124 के ऊपर पे गिरा है यहाँ पर 6 विकेट। और इसी के साथ में यहाँ पर है जो कि लक्षण काफी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि थोड़ी सी आँख ही बंद करके यहाँ पर इस शॉट को खेला था, जिसके कारण बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं देखने को मिला है और अंधी चलाई थी शायद यहाँ पर लक्षण ने। ऐसा लगा कि कहीं पे मुंह कहीं पे दिखाया और कहीं पे निशाना, मतलब कहीं पर बल्ला दोस्तों कहीं पे मारने की कोशिश करी गई, जिसके कारण वहाँ पर बल्ले और गेंद का जो संपर्क होना चाहिए था वो संपर्क हमें नहीं देखने को मिला। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बोल्ड होते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्याहान परसाना दोस्तों आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, आप ही चाहूँगा दोस्तों ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं यहाँ पर, जो कि परसाना यहाँ पर जो कि पहले दोस्तों बता दें कि पहले मैच में यहाँ पर जो कि पहले शुरुआती मैच में गिले टाइटन्स ने इनको 3rd नंबर पर यहाँ पर जो कि गेंद बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था, मगर यहाँ पर 3 नंबर पर कुछ यह खास योगदान नहीं दे पाए थे। मगर यहाँ पर देखने को कि परसाना किस तरह से हमें आज गेंद बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है दोस्तों ये परसाना। इसी के साथ में दोस्तों एडन कैर अगली बॉल लाने के लिए तैयार हैं। सामने बल्लेबाज है परसाना, पटकी हुई बॉल दोस्तों हल्के हाथों से खेला है थर्ड मैन दिशा में। पहली बॉल पर दोस्तों बता दें सिंगल पर, आपको ऐसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 126-125 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से एक गेंद बची है। इसके बाद लास्ट की यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के यहाँ से 18 बॉलें शेष बचेंगी और लास्ट के 18 बॉलों में देखेंगे कि यहाँ पर दोनों बल्लेबाज कितने रन और बना लेते हैं। इसी साल में आखिरी बॉल कैप्सोल ने पटकी हुई गेंद है हेडन कह रहा, आखिरी बॉल पर दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से बल्ला चलाया और आखिरी बॉल पर यहाँ पर चौका बटोरा। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 129-6 विकेट के नुकसान पर। आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर लगातार ही एक छोर से विकेट का पतन यहाँ पर चलता हुआ, मगर एक छोर से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है। एक तरफ से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई बल्लेबाजी चलती हुई यहाँ पर आ रही है। कैप्सोल की अगर मैं बात करूँ तो कैप्सोल यहाँ पर शुरुआती यहाँ पर जो कि ओपनिंग बल्लेबाज है दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाज ने यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करी है। यहाँ पर बहुत जितनी यहाँ पर तारीफ करनी होगी दोस्तों इस बल्लेबाज की तो उतनी ही कम है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 7 ओवर हो चुके हैं, 7 ओवर में टीम का स्कोर जो हुआ है वो हुआ है दोस्तों 129-6 यहाँ पर 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ से अगर 3 ओवरों का खेल बचा है, चाहे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2 ओवर यहाँ से हेडन कैर और करेंगे, उसके बाद यहाँ पर विनम और फर्नांडो 1 ओवर अपना उनका बचा हुआ करेंगे, मगर देखना होगा कि अगला ओवर किस तरह से करा जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि अगला ओवर शायद विनम और फर्नांडो करते हुए नजर आए, उसके बाद यहाँ पर शायद जो कि हेडन कैर देखें, मगर देखना होगा कि जो 20वां ओवर कौन सा ऐसा फेंकते हैं, देखना होगा कि 20वां ओवर कौन सा गेंदबाज यहाँ पर लेकर आता है जो कि गिले टाइटन्स के लिए क्योंकि आता था। इसी के साथ दोस्तों विनोम फर्नांडो आ चुके हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए। सामने दोस्तों बल्लेबाज है, मैं आपको बता देता हूँ और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि विनोम फर्नांडो आए, विनोम फर्नांडो की पहली बॉल पर आसानी से 1 रन प्राप्त हुआ, 1 रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से 121-6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों यहाँ से जो जितने रन बनने चाहिए थे उतने रन नहीं बने हैं और देखा जाएगा किस तरह से करेंगे आगे रन। एक बार फिर से दोस्तों विनोम फर्नांडो अगली बॉल लाने के लिए तैयार है, मगर यहाँ पर विनोम फर्नांडो और यहाँ पर कप्तान के बीच यहाँ पर बातचीत चलती हुई। बता दें कि यहाँ पर जो कि सराना परसाना दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, अगर उनके स्लॉट में गेंद पड़ती है तो दोस्तों बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। इसी तरह में विनम फर्नांडो तैयार हैं दोस्तों अगली बॉल लेने लाने के लिए। यहाँ पर देखा जाएगा कि परसाना किस तरह से हमें गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह में दोस्तों ओवर द विकेट से तैयार हैं, यहाँ पर रनअप को पूरा करते हुए पटकी हुई बॉल दोस्तों सीधे बल्ले के साथ खेला है लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर गेंद को फील्ड करेगा। इसी के तब तक दोस्तों जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है तब तक आसानी से 1 रन हमें देखने को मिला। इसी 1 रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 132-6 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की यहाँ से हम तो 3 गेंदें बची हैं, लास्ट के 3 गेंदों में देखा जाएगा कितने रन और बना लिए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजों के द्वारा। इसी में टीम का स्कोर हो चुका है 132-6 विकेट के नुकसान पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर लसित, क्योंकि लसित कैप्सोल यहाँ पर 33 बॉलों में यहाँ पर जो कि 71 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुके हैं यहाँ पर कैप्सोल के पास, सामना करा जाएगा विनम फर्नांडो। इस ओवर की 4थी बॉल
और दोस्तों बता दें कि चौथी बॉल पर एक जीवन दान मिल चुका था दोस्तों कैप्सूल पर, और जितने यहाँ पर सही तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए थे वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 135 पर 6 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन दोस्तों हमें गेंदबाजी करके दिखाई है दोस्तों मतलब कि वेनम और फर्नांडो ने। और इसी के साथ में बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 135 पर 6 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की यहाँ से 13 बॉलों का खेल और बचा है, देखा जाएगा कि वेनम और फर्नांडो किस तरह से यहाँ पर लास्ट की है कि आखिरी बॉल है यहाँ पर वेनम और फर्नांडो की। देखना होगा कि वेनम और फर्नांडो लास्ट की कितनी यहाँ पर गेंद को करते नजर आएंगे। सिक्सन में टीम का स्कोर हो चुका है 135 पर 6 विकेट के नुकसान पर, आखिरी बॉल लेकर तैयार है। सामने बल्लेबाज है दोस्तों यहाँ पर वेनम और फर्नांडो, और उसी लास्ट बॉल पर क्या बेहतरीन शॉट लगाया गया। ऐसी शॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ से 139 पर 6 विकेट के नुकसान पर। और उसी शॉट के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दोस्तों लगाई गई बल्लेबाजी चाम पर चल रही है दोस्तों। एक तरफ से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहां पर इस बल्लेबाजी को दोस्तों अठारह ओवर में टीम का स्कोर यहां पर 139 पर 6 विकेट के नुकसान पर है। और जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक जरूर रखेंगे यहां पर लसित कैप्सूल 55 बॉलों में 54 रन यहाँ पर 74 रन बनाकर खोल रहे हैं। तो वहीं अगर मैं परसाना की अगर मैं बात करूँ तो परसाना भी 4 बॉलों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर देखा जाएगा कि यहाँ से 2 ओवर का खेल बचा है। एक ओवर यहाँ से हेड एंड कैर करेंगे, मगर देखा जाएगा कि अगला ओवर यहाँ से कौन करता क्या हेड एंड कैर करते हैं। एक ओवर तो हेड एंड कैर जरूर करेंगे क्योंकि आज हेड एंड कैर ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करी है और यहाँ से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो विकेट निकाल कर यहाँ पर लिए हैं। मगर देखना होगा कि यहाँ पर कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 26 रन दूर है अपने शतक से। यहाँ पर अगर वो 26 रन अगर बना देते हैं तो यहाँ पर शतक भी पूरा हो जाएगा। एक यहाँ पर गिले टाइटंस एक अच्छी यहाँ पर स्थिति में पहुँच जाएगी, तो गिले यहाँ पर कैप्सूल की यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। इसी के समय 55 बॉलों में 74 पर खेल रहे हैं यहाँ पर कैप्सूल। और परसाना की अगर मैं बात करूँ तो परसाना यहाँ पर खेल रहे हैं 4 बॉलों में 5 पर। इसी के समय दोस्तों यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है हेड एंड केयर दोस्तों। अगली बॉल ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, गुडलैंड पे गेंद को पटका है। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि कैप्सूल ने पुल शॉट लगाया है, गेंद जा रही है यहाँ पर स्क्वाड लेग की तरफ, मगर स्क्वाड लेग का खिलाड़ी दोस्तों बहुत ही फुर्ती से गेंद को फील्ड करेगा, एक ही रन आसानी से लेने देगा। 2 रन की मांग तो जरूर करी गई थी मगर कैप्सूल ने यहाँ पर मना करा और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा एक बार फिर से दोस्तों 140 पर 6 विकेट के नुकसान पर। हेड एंड कैर दोस्तों बता दें कि हेड एंड कैर का सामना एक बार फिर से दोस्तों परसाना करने वाले हैं। और देखेंगे कि दोस्तों परसाना किस तरह से करेंगे। एक बार फिर से दोस्तों राउंड अपने छोर को बदला गया है हेड एंड कैर के द्वारा। हेड एंड कैर ने दोस्तों अपना छोर बदलने के साथ यहाँ पर अगली बॉल लेकर बढ़ते हुए दोस्तों परसाना की तरफ लो फुल टॉस को दोस्तों यहाँ पर खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, मगर एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 30 यार्ड में है और जिसके कारण दोस्तों तभी हमें एक ही रन प्राप्त होने को देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से आसानी से एक रन देखने को मिलेगा। इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 141 पर 6 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की बता दें कि अभी तो हेड एंड कैन ने दोस्तों बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी और इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है। और यहाँ पर जो कि तीसरी बॉल है इस ओवर की अगली बॉल लेकर तैयार है और कैप्सूल ने दोस्तों यहाँ पर खेलते हुए दोस्तों यहाँ पर 2 रन की मांग करी है और इसी के साथ दोस्तों डायरेक्ट हिट लगी है यहाँ पर दोस्तों कैप्सूल। यहाँ पर परसाना जोखिम में है भाई, यहाँ पर रन नहीं था मगर कैप्सूल ने यहाँ पर जो कि यहाँ पर कॉल करी थी, कॉल करने के साथ दोस्तों बता दें कि परसाना ने उनका यहाँ पर कॉल को दोस्तों रिसीव करा और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन लेने का दौड़ पड़े और जैसे दोस्तों यहाँ पर दौड़े और यहाँ पर जो कि फील्डर द्वारा डायरेक्ट हिट लगी है। क्या देखना होगा दोस्तों रनआउट है, मेरे हिसाब से दोस्तों रनआउट हो जाएंगे ऐसा लगा है दोस्तों। एंगल से देखने से लग रहा है कि यहाँ पर रनआउट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो कि बहुत ही दूर रह चुके थे मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी दूर थे, मगर देखना होगा कि रनआउट होते हैं या नहीं। मगर मेरे हिसाब से दोस्तों रनआउट हो जाएंगे। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो थर्ड अंपायर है दोस्तों वो यहाँ पर रनआउट चेक करते हुए, और मैं बात कर रहा था दोस्तों यहाँ पर शतक की, यहाँ पर दोस्तों अभी तो दोस्तों एक एक रन से यहाँ पर संतुष्ट करा जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह करेंगे ये बहुत दोनों खिलाड़ियों की यहाँ पर बातचीत करते हुए। और वहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि खुशी का तो माहौल हमें देखने को मिल रहा है डमला की टीम में। और इसी के साथ दोस्तों मैंने जिस तरह से रनआउट की बात करी थी अब वो रनआउट हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है 140 पर 7 विकेट के नुकसान पर। और लसित कैप्सूल 57 बॉलों में 75 पर खेल रहे हैं। और वहीं परसाना की अगर मैं बात करूं तो परसाना भी दोस्तों 5 बॉलों में यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर जो कि लसित कैप्सूल मेरे हिसाब से दोस्तों जाएंगे, यहाँ पर लसित कैप्सूल नहीं गए, परसाना दिक्कत में थे और परसाना दोस्तों डायरेक्ट हिट लगी। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि परसाना जाएंगे पवेलियन और अब दोस्तों गेम बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं लहरू कुमारा। पहले लहरू कुमारा को यहाँ पर बल्लेबाजी से रन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद गेंदबाजी से उनको रन बचाने पड़ेंगे। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर
हेडन केयर ओवर द विकेट से तैयार है गेंद लाने के लिए, मगर है लवरू कुमारा को दोस्तों खो यहाँ पर बड़े बड़े शॉट लगाने जरूर होंगे। लवरू कुमारा के कंधों में बहुत जान है, इसी कंध में दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है। पटकी हुई गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मगर यहाँ पर बल्ले गेंद का कोई भी संपर्क नहीं। यहाँ पर बात करनी होगी कैप्सूल को, यहाँ पर जाकर यहाँ पर लवरू कुमारा के लास्ट की 8 बॉलें बची हैं और लास्ट की 8 बॉलों में देखा जाएगा किस रन करेंगे, क्योंकि अगली बॉल दोस्तों बता दें कि लास्ट यहाँ पर एक बॉल हो चुकी है। एक बार फिर से दोस्तों पांचवी बॉल लेकर तैयार है और देखना होगा लवरू कुमारा पांचवी बॉल को किस तरह से खेलते हैं। इसी सन में यहाँ पर पांचवी बॉल को यहाँ पर खेला है, बैक ऑफ लैंड गेंद, पटकी हुई गेंद दोस्तों यहाँ पर खेला है। लोगों की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद है, गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और इसी के साथ आपको बता दें कि 5 यहाँ पर विकेट है वो यहाँ पर गवाते हुए। इसी के साथ में यहाँ पर वे जो कि 8वां विकेट हमें देखने को मिला है और एक ही ओवर में 2 विकेट यहाँ पर गिरते हुए। लहू यहाँ पर जो कि हेडन कैन ने दिखा रहा है 3रा विकेट, और हेडन कैन ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी करके दिखाई है और इसी के साथ में 140 पर 8 विकेट हो चुका है टीम का स्कोर। अभी भी दोस्तों यहाँ से एक गेंद शेष बची है, अभी भी दोस्तों यहाँ से एक गेंद शेष बची है, आगे देखना होगा किस तरह से दोस्तों हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर एक यहाँ पर जो कि हेडन कैन ने बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करी है और मेरे हिसाब से दोस्तों गिले टाइटंस की जो यहाँ पर मुसीबतें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर अगर मैं लसित कैप्सूल की अगर मैं बात करूँ तो लसित कैप्सूल 57 बोले में 75 पर ज़रूर खेल रहे हैं, मगर उनके बल्ले पर भी यहाँ पर जो गेंदें हैं वो सही तरीके से नहीं कनेक्ट हो रही हैं। पिच एक्सपर्ट की माने जब यहाँ पर टॉस हुआ था तो पिच एक्सपर्ट आया था, उन्होंने बोला था जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पिच और स्लो होती जाएगी, तो भाई हमें देखने को मिला है। और सिक्स में दोस्तों इस ओवर की आखिरी बॉल यहाँ पर कसुन रजिस्ता आए हैं और आखिरी बॉल दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से डॉट और इसी डॉट के साथ 3 ओवर में दोस्तों हेडन कैन ने यहाँ पर 18 रन देकर 3 विकेट लिए हैं और क्या बेहतरीन दोस्तों गेंदबाजी करी है हेडन कैन ने। तारीफ यहाँ पर बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ करी जाए हेडन कैन की उतनी ही कम है। और सिक्स में यहाँ पर 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 19 ओवर में टीम का स्कोर बना दिया है दोस्तों 141 पर 8 विकेट के नुकसान पर। और सिक्स में हेडन कैन ने 3 ओवर में 200 स्कोर रन टारगेट दिया है 218 का। और सिक्स में लास्ट की 6 बॉलें बची हैं और लास्ट की 6 बॉलों में देखेंगे मेरे हिसाब से दोस्तों लसित को लास्ट की 6 बोले यहाँ पर उन्हीं को ही खेलनी चाहिए। लास्ट की जब 2 रन हो तभी भागेगा, वैसे नहीं मत भागेगा। अगर भाई लसित कैप्सूल यार भाई यहाँ से तू यार 16-17 रन बना देता है ना भाई, यहाँ पे 160 तक पहुँचा दे यार, 160 तक पहुँचा दे मेरे भाई, बहुत पैसा लगा यार। इसी के साथ दोस्तों देखना आएगा कि मैंने यहाँ पर मैं जरूर दोस्तों बता दी कि यहाँ पर जितना भी टारगेट बनाएगी यहाँ पर गिले टाइटंस, तब भी दोस्तों मैं यहाँ पर गिले टाइटंस के साथ ही रहूँगा क्योंकि यहाँ पर गिले टाइटंस इस मैच को अपने नाम जरूर करेगी। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लास्ट ओवर देखना होगा कौन करके लेकर आता है। इसी के साथ दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर हसन अली अगला ओवर लेकर आए हैं दोस्तों। हसन अली ने अभी तक यहाँ पर दो की 3रा ओवर लेकर आया, शुरुआती 2 ओवरों में हसन अली थोड़े से महंगे साबित हुए। एक बार फिर दोस्तों तैयार है हसन अली राउंड विकेट से आने के लिए। अगली बॉल दोस्तों गेंद को कट करा है, गेंद जा रही है दोस्तों बाउंड्री लाइन की तरफ, मगर बेहतरीन फील्डिंग के चलते दोस्तों पहली बॉल पर 2 रन प्राप्त हो जाएंगे। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 143। पहली बॉल पर 2 रन आ चुके हैं, दूसरी बॉल देखना होगा दोस्तों दूसरी बॉल को किस रन करेंगे। दूसरी बॉल को दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है लोगों के ऊपर से, मगर बल्ले गेंद का कोई भी संपर्क नहीं। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बॉल डॉट है, दूसरी बॉल भाई डॉट है। इसी डॉट के चलते दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हुआ है 143 पर और देखना होगा दोस्तों किस तरह से मैच को आगे लेके बढ़ते हैं। 143 8 विकेट के नुकसान पर लास्ट की 4 बॉलें बची हैं। हसन अली दोस्तों शुरुआती 2 ओवर में बहुत महंगे देखने को मिले थे, मगर अभी तक दोस्तों उन्होंने यहाँ पर 2 गेंदें करी हैं तो 2 गेंदों में यहाँ पर 2 ही रन दिए हैं। लास्ट की यहाँ पर 4 बॉलें बची हैं कैप्सूल, क्या यहाँ पर भाई माल लसित यहाँ पर लास्ट की 4 बॉलों में 4 छक्के ही मार दे, अपना शतक कर ले और टीम का स्कोर पहुँचा दे भाई 165। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है, अगली बॉल पर फिर से 2 रन प्राप्त हुए लॉन्ग ऑन की तरफ, मगर बहुत बढ़िया दोस्तों रनिंग देखने को मिली है दोनों खिलाड़ियों की यहाँ पर विकेटों के बीच में। सीधे यहाँ पर तीसरी बॉल पर एक बार फिर से दोस्तों 2 रन प्राप्त हुए, इसी 2 रन के चलते टीम का स्कोर एक बार फिर से दोस्तों 145 8 विकेट के नुकसान पर हमें देखने को मिलेगा। अभी भी 3 बॉलें बची हैं, अभी भी 3 बॉलें 4 रन आ चुके हैं 3 बॉलों में, लास्ट के 3 बॉलों में देखेंगे कि और कितने रन हमें देखने को मिलते हैं। और सिक्स दोस्तों में अगर मैं बता देता हूँ कि यहाँ से 3 बॉलें शेष बची हैं और लास्ट की 3 बॉलों में देखेंगे कि और कितने रन यहाँ से बना लिए जाते हैं दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है 145 पर 8 विकेट के नुकसान पर, पार्टनरशिप 4 बॉलों में दोस्तों 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। और वहीं लास्ट विकेट लवरू कुमारा का है तो लास्ट विकेट दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर लवरू कुमारा यहाँ पर खाता नहीं खोल पाते, तो पिछले ओवर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोस्तों गेंदें
बेस्ट हुई थी। और सिक्स रन में यहाँ पर हसन अली तैयार हैं दोस्तों, यहाँ पर फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है। देखना होगा कि हसन अली किस तरह से यहाँ पर लास्ट की तीन बॉलें करते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों हसन अली के ऊपर यहाँ पर इस ओवर में दोस्तों बड़ा शॉट एक तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर जो कि लसित कैप्सोल ने अब तक दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 7 चौके लगाए हैं, अभी तक यहाँ पर लसित कैप्सोल ने एक भी छक्का नहीं लगाया है। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो खिलाड़ी है दोस्तों वहाँ पर जो कि माफ़ी चाहूँगा जो बॉलर हैं यहाँ पर हसन अली हैं, वो शायद उन्होंने जब गेंद करी थी तो उनका पैर जो था वो मुड़ गया था, जिसके कारण दोस्तों उनको चोट लगी है यहाँ पर, जो कि ट्रीटमेंट चलता हुआ है यहाँ पर हसन अली का। और सिक्स था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है यहाँ पर लग रहे हैं हसन अली, मगर देखा जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो कि डॉक्टर साहब आ चुके हैं यहाँ पर जो कि इनका ट्रीटमेंट करने के लिए। और सिक्स था दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इलाज हो रहा है हसन अली का, और देखा जाएगा किस तरह से यहाँ पर करेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर सीरियस चोट ना लगी हो यहाँ पर हसन अली को तो हम चाहेंगे। तो इसी के साथ में टीम का स्कोर यहाँ पर 145 है, 8 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की तीन गेंदें बची हैं, लास्ट की तीन गेंदों में और कितने रन बना लिए जाते हैं। तो कोशिश यही होगी दोस्तों कि हसन अली ज़्यादा दोस्तों सीरियस चोट ना हो, मगर यहाँ पर जो मैं सिक्स साथ दोस्तों बता दें कि हसन अली का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो चुका है, हसन अली बिल्कुल तैयार है सिक्स साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है। चौथी बॉल पर एक और सिंगल देखने को मिलेगा, इसी सिंगल के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है 146 पर, 8 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों बता दें कि अभी भी दो गेंदें शेष बची हैं लास्ट की दो गेंदों पर देखेंगे कि और कितने रन बनाए जाते हैं। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर लाइक नहीं करा दोस्तों, तो लाइक नहीं करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 5वीं बॉल पर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा विकेट, और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक और विकेट गिरा है दोस्तों लास्ट की आखिरी बॉल पर। इसी विकेट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 146 पर। एक सौ छियालीस पे गिरेगा दोस्तों 9वां विकेट, रन आउट हुए दोस्तों यहाँ पर। और सिर्फ था दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक और दोस्तों बड़ा यहाँ पर विकेट गिरा, यहाँ पर कैप्सबॉल दोस्तों जो थे वो यहाँ पर रन लेना चाहते थे मगर यहाँ पर रन मिला नहीं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर रन आउट और हो चुके हैं, तो हम बात एक बॉल बची है दोस्तों बता दें कि एक विकेट बचा है। और इसी के साथ में जो टीम का स्कोर बना है वो सिर्फ यहाँ पर 146 का बना है। जब यहाँ पर बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो कि पावर प्ले यहाँ पर जो चौथे ओवर से लेके जब 8वें ओवर तक यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही थी शाकिब अहसन, और यहाँ पर जो मैं बात करूँ लसित कैप्सोल की, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही थी लगातार दोस्तों, हर ओवर में यहाँ पर 12 से 13 रन बन रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो टारगेट है वो 185 या 186 तक आराम से पहुँच जाएगा, मगर यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करी गई है डमुला की टीम, जिस गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। और आखिरकार दोस्तों यहाँ पर विकेट निकाला है दोस्तों डमुला की टीम ने, लगातार विकेट निकालते हैं और दोस्तों जिसके कारण यहाँ पर जो गिल्ली टाइटंस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 146 पर ही यहाँ पर अटकी नजर आ रही है। ज़्यादातर देखा जाएगा कि आखिरी बॉल पर तेवा शमसी यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, देखा जाएगा तेवा शमसी किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे आखिरी बॉल पर। आखिरी बॉल देखेंगे कि तेवा शमसी आप अगर एक बड़ा शॉट लगा देते हैं दोस्तों तो टीम का स्कोर यहाँ पर 150+ हो जाएगा, वरना दोस्तों 150+ नहीं होगा, 150 के अंडर ही रहेगा। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि अभी तक आपने सर नहीं करा तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं करा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। और अपना मैच से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है वो आप बताइएगा दोस्तों, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि मैच से जुड़ा हुआ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 146 पर है, और देखना होगा किस तरह से दोस्तों बल्लेबाजी को अंजाम दिया जाता है आखिरी बॉल। अब गिल्ले टाइटंस ने यहाँ पर जो कि अगर मैं गिल्ले टाइटंस की बल्लेबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर गिल्ले टाइटंस की बल्लेबाजी दोस्तों निराशाजनक रही है, बहुत निराशाजनक रही है। अगर गिल्ले टाइटंस को ये स्कोर डिफेंड करना तो दोस्तों उनके गेंदबाजों को दोस्तों यहाँ पर बहुत ही तगड़ी यहाँ पर जो कि गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इसी के साथ में हसन अली अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामने हैं बल्लेबाज दोस्तों अगर मैं बात करूँ। इसी के साथ में 146 हो चुका है टीम का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति पर, मगर देखना होगा किस तरह से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जो कि हसन अली की मामले बात करूँ तो दोस्तों हसन अली के सामने यहाँ पर तेवा शमसी हैं। इसी के साथ दोस्तों आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं, और आखिरी बॉल पर दोस्तों यहाँ पर विकेट निकाल दिया है यहाँ पर जो कि दोस्तों हसन अली ने। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि निर्धारित 20 ओवर में दोस्तों यहाँ पर जो कि 146 ही रन बना पाए हैं गिल्ली टाइटंस। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर 10 ओवर 10 विकेट ऑल आउट कर दिया है दोस्तों गिल्ली टाइटंस को यहाँ पर डमुला की टीम ने, और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करी है, बहुत ही काबिलियत तारीफ दोस्तों गेंदबाजी करी है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि थर्ड अंपायर यहाँ पर बैटिंग रिव्यू लिया जरूर गया है, मगर यहाँ पर फ़ायदा ही क्या है, यहाँ पर बैटिंग रिव्यू लिया तो गया है मगर फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर गेंदें तो बची नहीं है।
और जो फॉर्मेलिटी है दोस्तों, फॉर्मेलिटी यहाँ पर मैं यहाँ पर करते हुए तेहवा शमसी ने यहाँ पर जो कि रिव्यू लिया है, और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पहली बॉल पर तेहवा शमसी यहाँ पर आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर 20 ओवर में, निर्धारित 20 ओवर में यहाँ पर गिल्ले टाइटंस ने 146 रन बनाए हैं 10 विकेट खोकर। अगर गिल्ले टाइटंस को यह मैच जीतना है और डायरेक्ट ही अगर आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि फाइनल में प्रवेश करना होगा, प्रवेश करना है, तो यहाँ पर 146 रन बनाने से रोकना होगा। देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 146 रन बनते हैं, 146 रन नहीं बनते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इनिंग ब्रेक हो चुका है दोस्तों, मिलते हैं आपको इनिंग ब्रेक के बाद, तब तक ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल। और सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक नहीं करा दोस्तों लाइक करिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा कि आप लोग दोस्तों कहाँ से देख रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि इस मैच को कहाँ से देख रहे हैं।
और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि इनिंग ब्रेक यहाँ पर खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर बन चुका है 11 रन। अभी तक यहाँ पर जो विकेट है तो विकेट हमें नहीं देखने को मिली। और यहाँ से एक बार और दोस्तों बता दें कि यहाँ से थोड़ी सी जो ओपनिंग में है डमला की में दोस्तों वो थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि उनका जो कप्तान है प्रॉपर कप्तान है दोस्तों यहाँ पर डमला टीम के कुशल मेंडिस, वो दोस्तों यहाँ पर चोट के कारण दोस्तों वो यहाँ पर रिकवरी नहीं कर पाए हैं। तो इसी के साथ में मनीष का फर्नांडो और कुशल परीरा आपको यहाँ पर ओपनिंग करते देखेंगे, फिर तीसरे नंबर आपको सदीर आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। तो उसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से इस मैच को अगर जीतना है अगर गिल्ले टाइटन्स को, तो यहाँ पर उनके गेंदबाजों को बहुत ही उमदा तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। वरना दोस्तों बता दें कि यहाँ पर डम्बुला की टीम के पास जो बैटिंग है ना वो यहाँ पर 8वें नंबर तक है दोस्तों, यहाँ पर आउट नहीं कर पाओगे इतनी बैटिंग है भाई। और आपके पास इतने तो रन है नहीं कि यहाँ पर मारने दो अब हम तो जीत ही जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्त बता दें कि यहाँ पर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर में टीम का स्कोर हमें देखने को मिला है यहाँ पर 12 रन बिना किसी नुकसान पर। तो आप बता दें कि आपके पास रन भी नहीं है और आपके पास दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि इतने कह भी नहीं सकते कि आपको हर ओवर में विकेट निकालनी पड़ेगी। आपको विकेट चाहिए अगर पावर प्ले में, अगर आप विकेट ले ले निकालते हैं अगर 2 से 3 अगर विकेट है जो पावर प्ले में मिल जाते हैं अगर जो कि गिल्ले टाइटंस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चांस गिल्ले टाइटंस के हैं इस मैच को जीतने के। वरना अगर पावर प्ले में विकेट नहीं निकाले तो हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर गिल्ले टाइटंस मैच को जीत सकती है। क्योंकि बता दें कि पावर प्ले में बोलो अगर विकेट नहीं गिरेंगे तो वो उतने वनिष्का फर्नांडो कुशल परेरा इतने यहाँ पर पके हुए आम हैं, वो बिल्कुल दोस्तों रन बना सकते हैं, उतने ताबड़तोड़ तरीके से रन बना सकते हैं कि यहाँ पर जो कि पावर प्ले में 60-70 रन है और 65 रन तक बन सकते हैं। तो इसी के साथ में अभी तक यहाँ पर थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है यहाँ पर, मगर कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो अगर विकेट नहीं मिलता है दोस्तों तो बता दें कि यहाँ पर रन बचेंगे नहीं। तो इसी के साथ में यहाँ पर कसुन राजेष्टा आ चुका है गेंदबाजी करने के लिए। कसुन राजेष्टा ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, लगान की दिशा में आसानी से 1 रन प्राप्त हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा यहां से 13 पर बिना किसी नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें लग रहा है कि थोड़ा सा यहां पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कुशल परेरा यहां पर जो कि कसुन राजेष्टा के सामने, क्योंकि बता दें कि पहले ओवर में यहां पर जो कुशल परेरा ने कसुन राजेष्टा की गेंदों का सामना करा था तब भी थोड़ा सा हमें जो कि यहां पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसी के साथ में यहां पर डम्बुला टीम की अगर मैं बात करूँ तो डम्बुला टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है 13 पर 13 बोलों का सामना करते हुए। पार्टनरशिप पर नजर बना के रखिएगा, अभी तक दोस्तों सिंगल सिंगल से काम यहाँ पर बटोरा जा रहा है, मगर देखा जाएगा किस तरह से। बात करें अगर मैं पहले ओवर की देखूँ, अगर इससे पहले दोस्तों बता दें कि अगर पहले ओवर की सबसे पहला ओवर यहाँ पर फेंका जाए तो कसुन राजेष्टा ने सबसे पहला ओवर फेंका था। शुरू की यहाँ पर 2 बॉलें यहाँ पर डॉट थी, उसके बाद यहाँ पर 3 बॉलें डॉट थी, उसके बाद दोस्तों लास्ट बॉल पर छक्का लगाया गया था। तो इसी के साथ दोस्तों कसुन राजेष्टा अगली बॉल लाने के लिए तैयार हैं। सामने दोस्तों वनिष्का फर्नांडो तैयार हैं अगली बॉल खेलने के लिए। पटकी हुई गेंद दोस्तों सीधे बल्ले के साथ खेला है, गेंदारी है बाउंड्री लाइन की तरफ। दोस्तों बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हमें ये छक्का देखने को मिला है। दोस्तों बता दें कि बाउंस के साथ यहाँ पर ऊंचा बाउंस का प्रयोग करा था, दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बाउंसर गेंद का प्रयोग करा था, मगर बाउंसर गेंद को सही तरीके से यहाँ पर पटक नहीं पाए कसुन राजेष्टा, और जिसके कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उनकी हेलमेट के पास गेंद नहीं आई और दोस्तों बता दें कि उनकी आंखों के पास गेंद आई और क्या बेहतरीन शॉट लगाया गया। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2 छक्के लगा चुके हैं यहाँ पर वनिष्का फर्नांडो कसुन राजेष्टा के सामने, मगर क्या बेहतरीन तरीके से खेलते हुए दोस्तों बता दें कि ये बल्लेबाज को यहाँ पर आउट करना पड़ेगा, वरना दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये आउट नहीं होगा भाई। और ये दोस्तों जब आओ ये दोस्तों इतनी गेंदों में इतने रन बना देगा ना कि भाई जब तक आपको बहुत रन बना देगा, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है भाई। था दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है, अगली बॉल पर भी दोस्तों गेंद को घुमाया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और इसी के साथ में एक और बेहतरीन छक्का, इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 25 पर बिना किसी नुकसान पर। पार्टनरशिप में दोस्तों नजर बना के रखिएगा, पार्टनरशिप हो चुकी है दोस्तों 15 बॉल में 25 रन की टारगेट पर नजर बना के रखिएगा। करंट रन रेट दोस्तों यहाँ पर चल रहा है 10 का और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो दोस्तों यहाँ पर 7 से भी नीचे आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है दोस्तों यहाँ पर डम्बुला टीम की। वनिष्का फर्नांडो 8 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 18 रन बना कर खेल रहे हैं, और वहीं कुशल परेरा की अगर देखा जाए तो कुशल परेरा भी दोस्तों 7 बॉलों में यहाँ पर, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि 7 गेंदों में यहाँ पर 6 रन बना कर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि अगर इसी तरीके से यहाँ पर जो कि अगर बल्लेबाजी चलती रही तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है दोस्तों कि यह मैच बहुत ही जल्दी हमें ख़त्म होते हुए दिखाई दे, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर यह मैच दोस्तों ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे साल में डम्बुला टीम तैयार है यहाँ से फिर से एक मैच तो लाने के लिए। ऐसे साल में टीम का स्कोर 25 बन चुका है
और देखा जाएगा किस साथ करें। इसी हिसाब में पार्टनरशिप की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पार्टनरशिप भी दोस्तों 15 बोलों में 25 रन की चल रही है, 105 बोलों में यहाँ से 122 रन की दरकार है। और देखा जाएगा किस साथ करेंगे तो वहाँ पर वनिस्का फर्नांडो 8 बोलों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो वहीं अगर कुशल परेरा की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो कुशल परेरा भी यहाँ से 7 गेंदों में दोस्तों यहाँ पर क्योंकि 16-6 रन बनाकर खेल रहे हैं और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करके दिखाई है। आज अगर मैं बात करूँ इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कसुन राजस्था दोस्तों बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों अपने कप्तान के साथ। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन तरीके से करिए, टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों 25 पर बिना किसी नुकसान पर। वनिस्का फर्नांडो 8 बॉलों में 218 रन बनाकर खेल रहे हैं। और उसी के साथ में कुशल परेरा की अगर मैं बात करूँ तो कुशल परेरा भी दोस्तों एक तरफ से यहाँ पर बल्ले को चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुशल परेरा 7 बॉलों में 206 रन बनाकर खेल रहे हैं। कसुन राजस्था 20 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में टीम का स्कोर जो पहुंच चुका है टीम का स्कोर पहुंच चुका है 25 पर बिना किसी नुकसान पर। एक बार फिर से दोस्तों बता दें कसुन राजस्था तैयार हैं अगली बॉल को लाने के लिए। सामने खिलाड़ी है दोस्तों यहाँ पर क्योंकि वनिस्का फर्नांडो, और वनिस्का फर्नांडो ने दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करी है इस मैच में।